हेलो एवरीवन नमस्कार वेलकम टू लेट्स क्रैक यू पी एस सी हिंदी मैं सुनील अभ्यक्ति दिल्ली मुखर्जी नगर से आप सबका स्पेक्ट्रम की ट्वेल्व आवर्स की मेगा मैराथन सेशन में मास्टर क्लास में स्वागत करता हूं एक सौ पी एस इंटरव्यू और अभ्यक्ति सिविल सर्विसेज मैगजीन का संपादक लेखक दिल्ली में एक प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर अन एकेडमी का एजुकेटर तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक लंबी चर्चा सब बच्चों को गुड मॉर्निंग और पहला सेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मॉडर्न इंडिया में और मॉडर्न इंडिया में हम लोग सब कुछ यानी कि स्टार्ट टू एंड यानी यूरोपियन आगमन मुगलों का पतन से लेकर के यानी एटीन सेंचुरी से लेकर के और स्वाधीनता तक जितनी भी घटनाएं घटित हुई हैं उन सब घटनाओं को क्रमशः हम लेते हुए चलेंगे और पूरी जो अपनी यात्रा है वह बेहतर रोचक बनाएंगे और क्या क्या हम लेंगे एक बार उस पर थोड़ी सी बातचीत हो जाए यानी आज क्या क्या हमारा कंप्लीट होने वाला है तो एटीन सेंचुरी यानी अठारहवीं शताब्दी से जब से मॉडर्न इंडिया स्टार्ट हो रहा है तो यूरोपियन कंपनियों का आगमन लेंगे उसके पश्चात जो है हम मुग़लों का पतन उसके बाद फिर क्षेत्रीय शक्तियाँ वहाँ पर जैसे बंगाल में वहाँ पर किस प्रकार से ब्रिटिश अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं उसके बाद सारी घटनाएँ यानी कि उनका शासन से लेकर के और जितनी भी घटनाएं आप इमेजिन करेंगे वो सब हम क्रमशः लेते हुए चले जाएंगे तो यूरोपियन आगमन से लेकर के आजादी तक का पूरा चित्र आज पूरे दिन भर में खींचने की कोशिश करूंगा और जिसका प्रीलिम्स फैक्टर भी होगा जिसका मेंस जीएस का भी फैक्टर होगा और मेंस ऑप्शनल का भी फैक्टर होगा तो उम्मीद करता हूं कि एक अच्छी और रोचक चर्चा हम लोग कर पाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास यहां से तो जो भी बच्चे बने हुए हैं तो अब हम लोग इन्जॉय करने चल रहे हैं बच्चों मैंने कहा था मॉडर्न इंडिया आज एकदम इंजॉय करेंगे आप सबको होली की पूर्व संध्या पर शुभकामनाएं और मैं आज भी कल भी लगातार कल भी आप लोगों को इन्वॉल्व रखूंगा कल मैं स्पेशल क्लास पे आप लोगों को इन्वॉल्व रखूंगा अन एकेडमी के ऐप से जो मिलती है सुबह नौ बजे से ही कि जिससे कि आप लोग जो है मेरे साथ पढ़ाई वाली होली खेलें इस बार फिर से चूँकि कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि एक जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य निभाएं और अपनी तरफ से किसी को ट्रबल में ना डालें तो ये 12 घंटे की मास्टर क्लास आधुनिक भारत का इतिहास स्पेक्ट्रम पहला पार्ट स्टार्ट हो रहा है इसका और जबरदस्त रूप से यहाँ से हम लोग चलेंगे प्रिलियंस फंडा आपका मंडे से फिर स्टार्ट हो जा रहा है प्रिलियंस फंडा अन के लर्निंग ऐप आप पर आपको मिलेगा ठीक है तो आप वहां पर आकर के इसे ज्वाइन कर सकते हैं ओके okay बच्चों अनएकेडमिकल लर्निंग ऐप पे जो भी बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं वो इसे ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है तो आप फटाफट जो है डेली मंडे टू सैटरडे की अपनी क्लास होगी और ये स्टार्ट हो रहा है प्रीलिम्स पर फोकस करंट अफेयर्स की क्लासेस होती हैं इसके अलावा जो भी बच्चे हिस्ट्री ऑप्शनल रखना चाहते हैं बाई रखना चाहते हैं हिंदी और इंग्लिश बोथ में ये क्लासेज होती है हिस्ट्री का बाइलिंगुअल क्लास तो वो अनएकेडमिक के ऐप को डाउनलोड करें और ये मेरा कोर्स वो परचेज कर सकते हैं अन के इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे उसके साथ अगर आप यूपीएससी की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं मेरे साथ और मेरे जैसे ही ढेर सारे अन्य एजुकेटर्स के साथ चाहे सिंगल कोर्सेज़ या बैच कोर्सेस तो आपको क्या करना चाहिए एस के लाइव कोर्ट के साथ एडमिशन लेना चाहिए और सारे कोर्स तक आपकी फ्री एक्सेस रहती है मेरी स्टाइल में अगर आप पढ़ना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म पे तो ऑप्शनल एसे और एथिक्स यानी मैं मुख्य परीक्षा में साढ़े सत्रह सौ नंबर की जो पूरी अपनी जर्नी होती है यानी साढ़े सत्रह सौ नंबर अंक आपको में से आपको एक जो यूपीएससी क्वालिफाइंग रखता है हर साल वह प्राप्त करना होता है और उसके पश्चात इंटरव्यू आपका होता है तो मेरी जो पूरी स्ट्रेटजी होती है साढ़े सत्रह नंबर में से एक हजार नंबर पर मैं हमेशा फोकस रहता हूँ वन थाउजेंड मार्क्स पर मैं फोकस रहता हूं और यही मेरे बच्चों को मैं पढ़ाता हूं साल साल भर तो ऑप्शनल इथिक्स और ऐसे यानी जिन बच्चों का ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर है जिनका हिंदी लिटरेचर है और जिनका हिस्ट्री है वो मेरे साथ यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर अन एकेडमी पर जुड़ते हैं इसके अलावा ए से ढाई सौ नंबर का और एथिक्स ढाई सौ नंबर का ये मैं कराता हूँ ठीक है ना एक साथ एक हज़ार नंबर की तैयारी तो जो बच्चे दो हज़ार बाईस या तेईस में चौबीस में अपनी तैयारी करना चाहते हैं 2022 में 23 में 24 में या उसके आगे उन सब के लिए ये ऑफर बहुत बढ़िया है कि साढे 1750 मार्क्स में से जो मुख्य परीक्षा का होता है हम अगर 1000 मार्क्स की तैयारी साल भर करें और जबरदस्त रूप से अपने आप को प्रिपेयर कर लें तो फिर आपकी आपका जो मेंस में केवल 750 मार्क्स बचता है और इस 7.5 1000 तो हो गया 500 ऑप्शनल 200 250 एथिक्स 250 ए तो आपका एक हज़ार हो गया बचता है साढ़े सात सौ तो ये जो साढ़े सात सौ बचता है ये जीएस का बचता है जीएस वन जीएस टू और जीएस थ्री जिसमें आपको जीएस वन जो आज आप अभी हम मेरे साथ करने जा रहे हैं जी वन में इतिहास होता है जीएस वन में भूगोल होता है जीएस वन में सोसाइटी होता है ज़रा समझिएगा ये चार्ट अगर हम समझ गए तो हमारी लाइफ में बहुत कुछ ईजी हो जाएगा और जी टू में पॉलिटी होता है गवर्नेंस होता है आई होता है सोशल जस्टिस होता है जी थ्री में इकोनॉमिक्स होता है साइंस टेक होता है इन्वायरमेंट होता है डिज़ास्टर होता है सिक्योरिटी होता है तो ये जो जी एस वन टू थ्री होता है इसके लिए अगर आप देखेंगे तो इसका मैक्सिमम पार्ट जो मैं द हिंदू की क्लास लेता हूँ द हिंदू की क्लास अगर कोई बच्चा नहीं देख रहा तो उसे जरूर देखे सिक्स पी एम पर डेली यानी इसी चैनल पर शाम को छः बजे तो जब आप द हिंदू लेते हैं हिंदू आपका पेपर वन पेपर टू पेपर थ्री की लगभग एट्टी परसेंट तैयारी चूंकि पूरा पेपर मुख्य परीक्षा का करंट बेस्ड होता है एट्टी परसेंट आपकी तैयारी यहां से हो जाती है अब आप समझ सकते हैं साढ़े सात सौ का भी एट्टी परसेंट बचता है ट्वेंटी परसेंट बचता है ट्वेंटी परसेंट यानी ट्रेडिशनल पार्ट जैसे इतिहास भूगोल इनका जो ट्रेडिशनल पार्ट होता है वो आपका बचता है तो जब आप प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं तो अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है आप इतिहास पढ़ते हैं ट्रेडिशनल पार्ट आपका तैयार हो रहा है भूगोल पढ़ते हैं ट्रेडिशनल पार्ट तैयार हो रहा है कैसे तैयार हो रहा है इतिहास का भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप देखिए हम स्पेक्ट्रम पढ़ने जा रहे हैं लेकिन हमारा मुख्य परीक्षा का कैसे कैसे क्या क्या तैयार होने वाला है तो ऐसे ही तो जो ट्रेडिशनल पार्ट बचता है बीस परसेंट वो आपका प्रीलिम्स की तैयारी के समय तैयार हो जाता है और आपका बेस अगर बनाना हो तो एनसीईआरटी से आपका बेस हम बना देते हैं यानी एनसीईआरटी की पूरी क्लासेस आपको कराई जाती हैं तो जो मेरा कोर्स लेंगे उन सभी बच्चों के लिए यानी जो मेरा कोर्स लेंगे उन सभी बच्चों के लिए ये एसके लाइव कोड के साथ आपको ये समस्त यानी एक कॉम्प्रिहेंसिव और लॉजिकल तैयारी आपको मिलने वाली है तो अगर आप आते हैं तो आप देख सकते हैं एकदम शॉर्ट यानी ज़्यादा नहीं पढ़ना बहुत कम पढ़ना है और मैक्सिमम आउटकम आपके हाथ में रहेगा अदरवाइज साल दर साल हम जीएस एस वन टू थ्री ही पढ़ते जा रहे हैं इनफैक्ट इतिहास भूगोल पढ़ते जा रहे हैं और पूरा फोकस ऑप्शनल इथिक्स और ऋषे पर होना चाहिए यही मेरी रणनीति है तो जो बच्चे इसके लाइव कोड यानी मेरा कोड यूज़ करें उनको इसी प्रकार की तैयारी करने का यहां पर मौका मिलता है ठीक है और जो बच्चे इसके लाइव कोड के साथ आते हैं मैं उनके लिए यह भी बताता हूं कि कब कैसे किस टीचर के साथ किस प्रकार से पढ़ाई करनी है यानी पूरी टीम के बारे में भी मैं बताता हूं जिससे किसी प्रकार का मतलब आपका मिक्स नहीं होता आप कंफ्यूज नहीं होते हैं मेरे कोड से आने वाले बच्चों के लिए ये सबसे बड़ी एक सुविधा होती है कि मैं एक एक चीज़ पर निगाह रखता हूँ और आपका कोर्स अगर खत्म हो जाता है तब भी आप मेरे साथ मेरे ग्रुप में कनेक्ट रहते हैं तो ये कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होगा आपके लिए अब इतनी सुविधाएं हैं क्लास कहाँ आपकी लगेगी तो अगर आप इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आते हैं यहीं पर आपकी क्लास लगेगी ऑप्शनल और जीएस दोनों के लिए यानी जिस प्रकार से आप ऑफलाइन में एडमिशन लेते हैं उसी प्रकार से आपको यहाँ पर अनएकेडमी के ऐप पे जा करके के और वहाँ पर आपको कुछ प्रोसेस यानी यूपीएससी सीएससी कैटेगरी में जा करके के और फिर आपको एडमिशन लेना पड़ता है जैसे ही आप एडमिशन लेते हैं आपके मन में आता है कि भाई हमें क्या मिलेगा जब आप एडमिशन लेते हैं तो आपके सभी के मन में आता है कि हमें क्या मिलेगा तो आप देख सकते हैं आपको क्या मिलेगा डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी ट्वेंटी फोर इंटू सेवन स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं यानी कि ढेर सारे कोर्सेस अगर आपको एक कोर्स इकोनॉमिक्स का पसंद नहीं आ रहा तो आप दूसरे में जा सकते हैं दूसरा नहीं पसंद आ रहा तीसरे में जा सकते हैं अब फिर इसके बाद लाइव टेस्ट एंड क्विजेज है और अनलिमिटेड एक्सेस है अनलिमिटेड यानी आप कितनी बार कोई भी क्लास देख सकते हैं ये नहीं कि एक बार दो बार तीन बार आप जब तक आपका कोर्स है आप हज़ारों बार यहाँ पर देख सकते हैं ये आज मैं बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि एक एक चीज़ जानना जरूरी है इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं ये पूरी टीम है आप इनके साथ पढ़ने का मौका मिलेगा यूपीएससी सीएससी मेगा सब्सक्रिप्शन एक ऑफर भी अभी चल रहा है जो बच्चे इकतीस मार्च के पहले एडमिशन लेंगे उनको जबरदस्त छूट है तो आप यहाँ पर आकर के जुड़ जुड़ सकते हैं इकतीस मार्च के पहले जो बच्चे एडमिशन लेंगे उनके लिए मेगा ऑफर है इसके लाइव कोड आपको यूज़ करना है मेगा ऑफ़र आपको मिलेगा तब तो आप देख सकते हैं क्लियर है अगर आप एक साल का भी लेते हैं तो वह 2022 प्रीलिम्स तक जो है आपका वैलिड रहेगा तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑफर है इसके अलावा हमारे पास जीएस और ऑप्शनल दोनों में यानी अगर आप आना चाहते हैं तो देखिए हमारे पास एक प्लस कोर्स है और एक आइकॉनिक कोर्स है जी के लिए जी के सब्सक्रिप्शन यानी अगर आप जी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आप अगर देखिए छः महीने के लिए अगर आप आना चाहते हैं बारह महीने के लिए चौबीस महीने के लिए छत्तीस महीने के लिए छः महीने के लिए अगर आप आना चाहते हैं तो फीस है छत्तीस हज़ार चार सौ पचास यानी ये कब होगा जब आप एसके लाइव कोड यानी मेरा कोड यूज करेंगे तो आपको टेन परसेंट डिस्काउंट मिलेगा एक साल के लिए एसके लाइव कोड डिस्काउंट चौवालीस हजार पाँच सौ पचास एक दो साल के लिए देखिए चौंसठ हजार आठ सौ रुपये अगर आप दो साल के लिए आते हैं सिक्सटी फोर थाउजेंड में दो साल कहाँ पर आपको ये कोर्स मिलेगा आप खुद विचार करिए थर्टी सिक्स मंथ में एट्टी वन थाउजेंड आप तीन साल केवल इक्यासी हजार रुपए में हमारे इस प्लेटफॉर्म पर बिता सकते हैं ये प्लस ऐसे ही आइकॉनिक है आइकॉनिक का मतलब क्या होता है बच्चों इसमें अन की तरफ से आपको पर्सनल मेंटोरशिप मिलती है ठीक है जिसमें वो डेली आपके साथ कनेक्ट होकर के आपके साथ आपकी पढ़ाई में आपकी मदद करते हैं यानी एक आप समझ सकते हैं एक गाइड आपको मिलता है और इसकी जो फीस है बारह महीने की विदाउट डिस्काउंट चौहत्तर है और एसके लाइव कोड यूज़ करते हैं जो टेन परसेंट आपको ऑफ मिलेगा तो फीस हो जाएगी सड़सठ हज़ार ऐसे ही चौबीस मंथ की फ़ी ऐसे ही छत्तीस मंथ की फ़ी यानी हर जगह आपको टेन परसेंट डिस्काउंट मिलेगा आइकॉनिक में भी जिस प्रकार से प्लस में मिला तो आप यहाँ पर आ सकते हैं इसके अलावा जो बच्चे ऑप्शनल का कोर्स लेना चाहते हैं मैं सबसे कहता हूँ लंबा टाइम एक साल ही मैं कहता हूँ ठीक है क्योंकि चौबीस हज़ार सात सौ पचास रुपये में आप एक साल के लिए हमारे साथ आकर के ऑप्शनल मैं दो ऑप्शनल पढ़ाता हूँ यानी हिस्ट्री और हिंदी लिटरेचर हिंदी लिटरेचर की क्लासेस अभी मैंने पूरी कंप्लीट की हैं आपको आते ही सारी क्लासेस ये एक साथ मिल जाएंगी एक साथ और ऑनलाइन में आपको पता है डेली कोई बैच स्टार्ट नहीं कर सकता तो आप हिंदी लिटरेचर और हिस्ट्री अभी मैं वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ तो जो बच्चे आना चाहें कनेक्ट हो सकते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में अभी रिनेशा एनलाइटमेंट फ्रेंच रेवोल्यूशन और अमेरिकन रेवोल्यूशन यूरोपियन स्टेट सिस्टम ये पूरा कंप्लीट हुआ है अब इसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट होगा अमेरिकन सिविल वॉर एंड अब्राहम लिंकन तो आप सब मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं यहाँ पर यानी जो है ठीक है तो ये हो गया आपका यहाँ से इसके अलावा ये कॉम्बो ऑफर होता है यानी अगर आप ऑप्शनल और जी एक साथ लेते हैं तो वहाँ पर आपको भारी डिस्काउंट मिलता है यानी जितना डिस्काउंट उधर मिलता है टेन परसेंट उससे ज़्यादा यानी फोर्टीन परसेंट तो एस के लाइव कोड यूज़ करके आप आएंगे तो आप जी प्लस या मतलब जी और ऑप्शनल दोनों का एक साथ लेंगे प्लस या आइकोनिक तो आपका जबरदस्त आपको यहां पर बेनिफिट मिलेगा सब कुछ मिलता है देख सकते हैं लाइव क्लासेस मिलती हैं वीकली टेस्ट होता है स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं अनलिमिटेड एक्सेस होती है आइकोनिक प्लस प्लस अगर दोनों आप लेते हैं ठीक है ना कोई सा भी पर्सनल गाइडेंस आइकोनिक में आपको मिलती है ठीक है ना टॉप एग्जाम एक्सपर्ट से आपको पढ़ने को मिलता होता है आपका टेस्ट एनालिसिस किया जाता है एक्सपर्ट गाइडलाइंस है स्टडी मटेरियल सारे मिलते हैं प्रैक्टिस सेट मिलता है स्टडी प्लानर मिलता है तो बहुत कुछ है आप यहां से देख सकते हैं तो अनएकेडमी बेस्ट प्लेटफॉर्म है इसके अलावा अनएकेडमी कॉम्बैक जिसमें आपको पुरस्कार भी मिलता है यानी अनएकेडमी कॉम्बैक जिसमें आपको पुरस्कार भी मिलता है अगर पुरस्कार ना भी मिले तो कोई बड़ी बात नहीं चूंकि ये जबरदस्त टेस्ट प्रोग्राम है यानी कि अगर आपकी रैंक आ जाती है तो आपको मिलेगा सिक्सटी क्वेश्चन इन सिक्सटी मिनट ये साठ क्वेश्चन साठ मिनट में आते हैं और फिर इसके बाद इसका डिटेल्ड एनालिसिस किया जाता है इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा अब तो आप देख सकते हैं और जो भी भागीदारी करता है सबको स्कॉलरशिप मिलती है चार करोड़ की स्कॉलरशिप है ठीक है ना और ये अगला जो है ट्वेंटी मार्च को सुबह ग्यारह बजे होने वाला है तो फटाफट आप जो है इस कॉम्बैक्ट में एडमिशन लीजिए एसके लाइव कोड आप यूज़ करिए इन फॉर फ्री यानी ये टोटल फ्री है ये कॉम्बैट टेस्ट 60 मिनट 60 टेस्ट अमेजिंग अमेजिंग एंड अमेजिंग तो आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं और बेहतर काम कर सकते हैं ये हो गया आपका तो चलिए बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं आज अपनी यहाँ से जर्नी स्पेक्ट्रम आधुनिक भारत का इतिहास <coughs> तो अभी सबसे पहला जो हमारा टारगेट है वो 27 जून है ठीक है क्या है 27 जून है तो पहला कांसेप्ट जो आज हम लोग लेकर के चलेंगे ऑबियस है ट्वेंटी सेवन जून यानी जो अभी दो हजार इक्कीस वालों का प्रिलिम्स है और फिर इनका मेंस भी है तो फिर स्पेक्ट्रम बड़ी आप लोगों में फेमस भी है तो मैंने क्या प्लान किया कि कंटेंट प्रिलिम्स का रखा लेकिन एनालिसिस प्रिलिम्स और मेंस दोनों का करने का प्लान किया तो जिससे क्या होगा कि प्रिलिम्स और मेंस हम साथ लेकर के चल पाएंगे तो ये तो हो गया इक्कीस अब जो बच्चे 2022 आखिर उनको भी तो किसी दिन 27 जून या कोई और जून यानी ये इस डेट से तो आपका भी मुकाबला होने वाला है कि नहीं होने वाला तो 2022 वालों को भी यही डेट कभी ना कभी मिलने वाली है यानी कभी हो सकता है आपका 25 जून हो हो सकता है आपका अट्ठाईस जून हो, हो सकता है आपका पंद्रह मई हो तो आपको भी कोई डेट मिलेगी तो उस टाइम पर भी आपको इसी प्रकार की क्लास चाहिए और यही दो हज़ार ये सभी के लिए तो इसका मतलब ये क्लास सभी बच्चों के लिए है वो चाहे किसी भी वर्ष इस एग्जाम को देंगे तो सबसे पहला हम प्रिलिम्स पर फोकस करते हैं और प्रिलिम्स को हम कैसे पढ़ेंगे थ्री सिक्सटी डिग्री थ्री सिक्सटी डिग्री एम एम सी क्यू इसका मतलब क्या है थ्री सिक्सटी डिग्री आप सबको पता है यानी कि बिल्कुल एम एम सी क्यू एम का मतलब होता है माइंड यानी माइंड मतलब आपका मस्तिष्क और फिर होता है मल्टीपल ठीक है मल्टीपल ठीक है ना यानी कि जो आपको चॉइसेस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्यू से क्वेश्चन ठीक है ना यानी मस्तिष्क में बहुविकल्पीय प्रश्न मस्तिष्क बहुविकल्पीय प्रश्न ये आप देख सकते हैं तो ये ये कहानी क्या है यानी आज हम सीखेंगे हर एक टॉपिक को पढ़ते समय कि हम कैसे 360 डिग्री और 360 डिग्री का मतलब होता है कि सभी एंगल इसके अंतर्गत आते हैं यानी हम कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे मान लीजिए हम पढ़ने जा रहे हैं कि यूरोपियन कंपनियों का भारत आगमन या, या, या हम पढ़ने जा रहे हैं बंगाल पर अंग्रेजों की विजय या हम पढ़ने जा रहे हैं अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष या हम पढ़ने जा रहे हैं गांधीयन मूवमेंट या हम पढ़ने जा रहे हैं होम रूल या हम पढ़ने जा रहे हैं क्रांतिकारी आंदोलन या हम कुछ भी एक्स वाई जेड तो हम जो भी पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक को ऐसे गोल गोल यानी टॉपिक होगा और उस टॉपिक को हम यानी अगर कोई एक पॉइंट आता है कोई एक पॉइंट आता है जैसे आ गया कि यूरोपियन कंपनियां चारों ठीक है आ रही हैं तो उनके आने का क्रम उनके कंपनी एस्टेब्लिश होने का क्रम फिर वो किस चीज का एक्सपोर्ट करते थे किस चीज का इंपोर्ट करते थे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ उनका पहला पहला फैक्ट्री कहाँ बना ये सारी चीजें तो इसी को बोलते हैं यानी कि कोई भी टॉपिक हम पढ़ेंगे तो उसको तुरंत कई प्रकार से क्वेश्चन बना लेंगे तुरंत यानी पढ़ते पढ़ते लिख करके नहीं अपने दिमाग में तो इससे क्या होगा कि एक ही टॉपिक पर अनेकों प्रकार के प्रश्न आपके दिमाग में आ जाएंगे अब वो प्रश्न कैसे बनेंगे जरा देखिए जैसे यूपीएससी जैसे हमने एक पैराग्राफ कोई सा भी पढ़ा ठीक है कि मुगलों के पतन के कारण ये थे ठीक है ना मुगलों के पतन के कारण तो जैसे हमने कोई टॉपिक पढ़ा तो अब मुगलों का पतन जैसे मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं मुगलों का पतन या हम पढ़ रहे पुर्तगालियों का उद्देश्य भारत में पुर्तगालियों का उद्देश्य तो जरा समझ लीजिए बच्चों अगर ये हम समझ गए तो हमारी कहानी बड़ी बढ़िया हो जाएगी यानी हमारी आधी राय यहीं आसान हो जाएगी क्योंकि अगर आप प्रीलिम्स निकालना चाहते हैं तो आपको इतने प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जितनी कि आप सोच भी नहीं सकते तो प्रश्नों की प्रैक्टिस हमें बहुत बहुत ज्यादा करनी है और हम क्या कर सकते हैं हम कभी कभी क्या होता है कि हम दूसरों की टेस्ट सीरीज पर डिपेंड करते हैं वो अच्छी बात है उसकी भी प्रैक्टिस करिए लेकिन अपनी एक टेस्ट सीरीज अपने दिमाग में बनाते चलिए इससे आउटकम बहुत ज़्यादा आएगा मेमोरी आपकी बहुत शार्प होगी एग्जाम के टाइम पे आपको याद आएगा क्योंकि आपने यूपीएससी के पैटर्न पर तैयारी की है यूपीएससी का पैटर्न नहीं है 360 डिग्री याद रखिएगा ये यूपीएससी पैटर्न नहीं है ये यूपीएससी पैटर्न नहीं है यहां पर तो जैसे हमने पढ़ा मुगलों का पतन या पुर्तगालियों का उद्देश्य तो मुगलों का पतन और पुर्तगालियों का उद्देश्य अब हम यहां क्या करेंगे भाई यूपीएससी कैसे प्रश्न पूछता है पहला क्वेश्चन सिंपल निम्नलिखित में से ये आपको मन में बनाना है माइंड में निम्नलिखित में से यानी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं मुगलों के पतन के कारण अयोग्य उत्तराधिकारी ठीक है ना जो है जमा और हासिल के मध्य अंतर का बढ़ना यानी उनका बजटीय घाटा होना मनसबदारी व्यवस्था की त्रुटियों का आगे आना अब जो है औरंगजेब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो उसकी राजपूत नीति धार्मिक नीति इस प्रकार की चीज़ें आपकी निकल करके आ रही तो अब हम यहां पर तुरंत क्या करेंगे जैसे हम हमने एक, एक बार सारे पॉइंट पढ़ लिए फिर हमने क्या किया दिमाग में कि निम्नलिखित में से कौन सा ओब्लिक से मुगलों के पतन का कारण है तो हम पढ़ते ही टाइम अच्छा ये सारे हो गए फिर अब हम क्या करें चूंकि यूपीएससी खेलता है तो अब निम्नलिखित में से कौन सा है तो है का मतलब हो गया पूरा कंटेंट आपका याद हो गया क्योंकि आप किताब में तो सब है ही रहेगा ना किताब में तो ऐसा कोई रीजन रहेगा नहीं कि नहीं अब हम इसके बाद अगला हमारा क्या होगा दूसरा कौन सा कारण नहीं है तो अब जब आप देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण मुगलों के पतन का नहीं है तो अब उसमें एक आप बाहरी एंट्री कराएंगे ठीक है ना क्या करेंगे एक बाहरी एंट्री जैसे कि मध्य एशिया में मुगलों का वर्चस्व स्थापित ना हो पाना तो ये क्या है मुगलों के पतन का कोई कारण है नहीं वो तो उनकी एक पॉलिसी थी कि वो चाहते थे कि वहां पर उनका सेटलमेंट हो लेकिन हो नहीं पाया तो ऐसे ही बाहरी चीजों को अपनी किताब में आपको एंट्री करानी है कि मुगलों के पतन में मध्य एशिया में मुगलों का सफल ना होना तो यूपीएससी ऐसे ही बाहर से कोई चीज यहां पर ला करके जैसे ना खरपतवार जैसे जब आप एग्रीकल्चर में देखें कृषि में तो क्या होता है फसल के बाद उसमें खरपतवार आ जाते हैं तो फसल क्या होती है जरा बच्चों गहराई से समझिएगा इस बात को फसल क्या होती है जो आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं चाहे एनसीआरटी से चाहे स्पेक्ट्रम से या किसी और बुक से कोई भी विषय तो वो फसल होती है आपकी उस फसल में यूपीएससी क्या करता है एग्जाम में खरपतवार डाल देता है क्या डाल देता है खरपतवार डाल देता है डालता है अरे खरपतवार का मतलब कि जो चीज नहीं है उसको डाल देता है या भाई फसल बोते समय आपने खरपतवार तो नहीं उगने की कल्पना की थी आपने तो धान की फसल लगाई गेहूं की फसल लगाई खरपतवार कहां से आ रहा तो खर पतवार यूपीएससी बाहर से डालता है उसी खर पतवार को पहचानना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है खर पतवार मतलब यही कि जो है उसमें डालता है कौन सा नहीं है कोई बाहरी चीज उसमें डाल देता है तो जब आप एम एम सी क्यू करते हैं तो आपकी कहानी यहां पर बहुत बढ़िया से ठीक है दूसरा हो गया कि कौन नहीं है फिर कौन सत्य है मुगलों के पतन के विषय में कौन सा सत्य है मुगलों के विषय पतन के विषय में कौन सा असत्य देखिए चार क्वेश्चन बन गए चार हो गए फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन अब आप देखिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा अब आप एक मेथड को इस्तेमाल करिएगा यानी जितने प्रकार से यूपीएससी प्रश्न पूछता है उन सभी प्रश्नों को पढ़ते ही टाइम प्रैक्टिस करते हुए चले जाना है वो मैं आगे अभी आपको अच्छे से दिखाऊंगा अभी इतना ही यह है 360 डिग्री एम की प्रैक्टिस इससे क्या होगा कि आप हर एक टॉपिक को आठ से दस एंगल से समझने की क्षमता अपने अंदर डेवलप कर ले जाएंगे तो अगर ये पसंद है तो एक बार टाइप कर दीजिए थ्री सिक्सटी डिग्री क्यू मुझे पसंद है और आपकी समझ में आ गया बाकी और प्रैक्टिकल आगे करेंगे चूंकि यही सब कर लेंगे तो फिर आगे कैसे मजा आएगा तो ये हो गया आपका अब आते हैं ऑब्वियस है मैं अगर तैयारी कराऊ और मेंस की ना कराऊं ये तो पॉसिबल नहीं है जैसे कोई गाना था कि अरे भैया यूपी आए और ढोल नहीं बजाया तो फिर क्या बजाया ठीक है किसी एक फिल्म में था या चोपड़ा की कि यूपी आए और जो भी था तो पंजाब गए लस्सी नहीं पिया तो क्या पिया समथिंग कुछ भी राजस्थान गए तो दाल बाटी चूरमा नहीं खाया तो क्या खाया वैसे ही यूपीएससी में अगर मेरे पास आए और हर जगह की कोई ना कोई चीज़ फेमस होती हो चाहे कोई भी स्टेट हो झारखंड हो बिहार हो ठीक है जितने भी आपके स्टेट हैं हिमाचल हो उत्तरांचल हो तो सब जगह हर जगह छत्तीसगढ़ हो एमपी हो तो यूपीएससी हरियाणा हो यूपीएससी सिलेबस तो अब मेंस पे हम लोग बातचीत करने आ रहे हैं ठीक है ना मेंस पे यूपीएससी यूपीएससीबस वन ठीक तो अब हम लोग मेंस पे बातचीत करेंगे भाई क्योंकि वो है आएगा ही आएगा तो देखिए दो यूनिट आज आपकी कंप्लीट होंगी और जितनी भी हो जितनी भी चुकी ये किताबें एक्चुअल में फैक्चुअल लिखी जाती है मेन्स के लिए लिखी नहीं जाती लेकिन मैं सब जगह लेके आ जाऊंगा तो एक आपका पिक्चर क्लियर रहेगा कि स्पेक्ट्रम पढ़ते टाइम जैसे आप भी पढ़ेंगे तो एक पिक्चर क्लियर रहेगी कि हम मुख्य परीक्षा को भी दिमाग में लेकर के चल रहे हैं तो बच्चों आइए अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से अपनी जर्नी को और जर्नी में जो पहली चीज़ है आइए ठीक है जी पे जी एस वन की दो यूनिट है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या है अठारहवीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास महत्वपूर्ण घटनाएं व्यक्तित्व तो और विषय क्या है अठारहवीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का यानी पूरा इतिहास का तीन चीज़ आपको याद रखना है घटनाएं तो मेरे प्यारे बच्चों व्यक्तित्व तो और विषय ये तीन चीज़ें आपको तो जब हम पूरा इतिहास पढ़ेंगे तीनों चीज़ें मैं आपको यहां निकाल कर रखूंगा कि भाई देखिए ये घटना है आप कॉपी पेन ले कर बैठिएगा ये घटना है जो इतिहास में महत्वपूर्ण है ये व्यक्तित्व तो है जो इतिहास में इतिहास में महत्वपूर्ण है और ये विषय है ठीक है जो इतिहास में महत्वपूर्ण है घटना जैसे प्लासी बच्चों जरा मैं इसको इन तीनों वर्ड को समझा दू घटना जैसे प्लासी घटना है प्लास्टिक युद्ध एक घटना हो गया घटना हुई ना युद्ध हो गया व्यक्तित्व तो रॉबर्ट क्लाइब है अगर हम और मुद्दा क्या है सॉरी विषय क्या? क्या है इश्यू क्या है विषय है कि क्या प्लासी में अंग्रेजों की विजय ने अंग्रेजों के लिए भारत में साम्राज्य की स्थापना को सुनिश्चित कर दिया था कमेंट टिप्पणी कीजिए यह हो गया विषय विषय हो गया कि जो चाबी डुपले कर्नाटक में ढूंढ रहा था फ्रेंच गवर्नर वही चाबी रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में ढूंढ ली प्लासी के बाद यह हो गया विषय यानी सब्जेक्ट घटना से क्या सब्जेक्ट निकल रहा है यह है पॉइंट इज क्लियर तो क्या घटना व्यक्तित्व तो और विषय तीनों पॉइंट क्लियर हो गया आपका तीनों पॉइंट बच्चों क्लियर हो गया एक बार फटाफट बढ़ाते चले एकदम रॉकिंग क्लास हम लोगों को एकदम क्रिस्टल क्लियर कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए आज की क्लास में अब इसके बाद यूनिट टू है और फिर आगे क्वेश्चन हम देखेंगे स्वतंत्रता संग्राम यानी स्वतंत्रता संग्राम इस सिलेबस में मतलब आपने विचार किया कभी किसको कैटेगराइज किया जाए जैसे यहां पर कैटेगराइज किया गया है स्वतंत्रता संग्राम इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों से इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनका योगदान तो स्वतंत्रता संग्राम यानी 1885, एटी क्लियर है क्या है अठारह से उन्नीस आप इसको बांट लीजिए तो एक बार आप बांट सकते हैं यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और उदार पंथ क्लियर है यानी कि सबसे पहले आप अठारह सौ पचासी से उन्नीस सौ पांच तक बांट लीजिए फिर उन्नीस सौ छे से आप उन्नीस सौ सत्रह यानी गांधी तक और उन्नीस सौ सत्रह से आप आज तक तो स, आ, मतलब स्वाधीनता तक तो ये हो गया आपका स्वतंत्रता संग्राम ठीक है अब आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन कुछ क्वेश्चंस पर जिक्र करते हुए चलते हैं जिस पर आप लोगों को चर्चा करनी है जो मेंस में जीएस में आ चुके हैं पहला घंटा अपना इसी में चलेगा तो क्यों क्योंकि देखिए जब आप पढ़े ना तो हम फॉरगेट करके ना चले कि ये चीज प्रिलिम्स की है ये चीज मेंस की ये जो प्रश्न है मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं अभी मैं जिन प्रश्नों को पढ़ूंगा मुझे अभी कमेंट करके बताते चलिएगा या अपने अपने घरों में जहां पर भी हैं जो मेरी पहले की स्ट्रेटजी होती थी वही स्ट्रेटजी है कि सर हिला करके या सर को ऐसे करके आप आंसर जरूर करिए जिससे ऑनलाइन पढ़ाई में आपको ऑफलाइन का मजा आए जैसे आप ऑफलाइन में क्या होता बच्चे सामने होते हैं तो अपना ऐसा वैसे जो भी उनकी प्रतिक्रिया होती है उनकी आंखों से उनके हाव भाव से पता लगती है एक अध्यापक उसी हिसाब से अध्यापक क्या करता है अपना सुर सुरलताल लेक्चर का चेंज करता रहता है अब यहां तो कुछ है नहीं तो यहां पर यही है जो मैंने आपसे बोला कि आप इस पर बताते रहे जरा बताइएगा मुझे पहली चीज कि जो ये प्रश्न मैं पढ़ने जा रहा हूं क्या यह प्रिलिम्स में नहीं आएगा चलिए और क्या आया नहीं है यह भी देखिए आया भी है आई अठारह का विप्लव ब्रिटिश शासन के पूर्ववर्ती सौ वर्षों में बार बार घटित छोटे एवं बड़े स्थानीय विद्रोहों का चरमोत्कर्ष था सुस्पष्ट कीजिए 150 वर्ड ठीक है अब आप देखिए अठारह का विप्लव कह रहा है कि इस विप्लव के आने से पहले छोटे बड़े बड़े विद्रोह हुए थे यानी 1857 का जो विप्लव था सौ वर्षों में बार बार घटित होने वाले छोटे एवं बड़े लोकल विद्रोहों का चरमोत्कर्ष था तो ये आप इस फिल्म इस मतलब फिल्म का या इस जो प्रश्न का मेन पार्ट है वो छोटे एवं बड़े स्थानीय विद्रोह पहले ये बताने तो क्या अभी आप पढ़ने नहीं जा रहे हैं कि सारे पहले अठारह का विद्रोह ही पढ़ेंगे और उसके बाद अट्ठारह के विद्रोह के साथ आप क्या पढ़ेंगे उसके पहले के जितने भी यानी जनजाति और जो भी नागरिक विद्रोह हुए हैं वो सब की सूची आप पढ़ने जा ये फैक्चुअल क्वेश्चन है आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से नागरिक विद्रोह हुए हैं तो अब ये कहाँ पता चलेगा आज की क्लास में पता चलेगा 100% परसेंट पता चलेगा अब अब मुझे बताइए कि क्या अट्ठारह के विप्लव पर प्रलिम्स में क्वेश्चन नहीं आया है अठारह सो के विप्लव का कारण क्या रहा है आया है कि नहीं आया है आया है आया है कि नहीं आया क्या छोटे एवं बड़े स्थानीय जो जनजाति और नागरिक विद्रोह हुए हैं क्या संथाल पर कोल पर मुंडा पर मुंडा पर छोटा नागपुर इन सब पर प्रश्न नहीं आया क्या इन सब पर प्रश्न नहीं आया बच्चों जरा बताते चलिएगा क्या इन सब पर प्रश्न नहीं आया है तो हंड्रेड परसेंट आया इसका मतलब कि हमको बांट के नहीं चलना है यही मैंने अभी स्टार्टिंग में जब अपना विज्ञापन कर रहा था तब भी मैंने यही चीज़ बताई थी कि कोई भी चीज़ आपस में बटी नहीं है जब तक आप मुख्य परीक्षा को आगे नहीं करेंगे तब तक कहीं ना कहीं आप फैक्ट कितना याद रख पाएंगे जब तक आप ये मुख्य परीक्षा के प्रश्नों को आगे नहीं करेंगे तब तक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जन्म नहीं लेगा और जब तक कॉन्सेप्ट दिमाग में जन्म नहीं लेगा आप समझिएगा कि फैक्ट तो आप भूल सकते हैं लेकिन अगर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जन्म ले चुका है तो प्रश्नों को जब यूपीएससी आपको अच्छे से पता है प्रश्न पूछता है जो हमने लगता है कि यार हम तो किताब पढ़ के गए लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा क्यों क्योंकि क्यों, क्यों, वो विकल्प स्पेक्ट्रम से तो बनाएगा नहीं वो विकल्प एनसीआरटी से तो बनाएगा नहीं वो वहां से इश्यूज लेगा लेकिन विकल्प अपने हिसाब से बनाएगा क्यों क्योंकि क्यों, क्यों, उसको एक एग्जाम कंडक्ट कराना है और उसे आई अधिकारी चाहिए लेकिन जब आप ये सब पढ़े रहते हैं मुख्य परीक्षा के कॉन्सेप्ट से तो वहां आइडिया लगाने में आपको हेल्प मिलती है आप ही सब कहते हैं ना कि फिफ्टी प्रश्न आप ही सब कहते हैं ना कि पचास प्रश्न सर इफ एंड बट में रह जाता है तो इसीलिए रह जाता है इस प्रकार के प्रश्न नहीं करते हैं तो हम ये करने जा रहे हैं आज पूरा टोन प्रीलिम्स का रहेगा बट केवल मुख्य परीक्षा का यहां एनालिसिस कर दे रहा हूं अंदर मैं डिटेल करूंगा जो भी प्रश्न आएगा वहां डिटेल करूंगा उन्नीसवीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण और राष्ट्रीय पहचान के उद्भव के मध्य संलग्नताओं का परीक्षण कीजिए एक शब्दों में आया था यानी कि उन्नीसवी शताब्दी में जो भी इंडिया में रनेशा आया ठीक है ना इंडियन रनेशा और इमरजेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी यानी कि जो हमारी एक राष्ट्रीय पहचान बनी यानी राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ उसके मध्य एक संबंध की बात हो रही तो अभी हम आगे पढ़ेंगे राष्ट्रवाद हम पढ़ेंगे सामाजिक एवं धार्मिक पुनर्जागरण दोनों के मध्य संबंध को भी लेकर के आने की कोशिश करूंगा तो आप देख सकते हैं ठीक है और यह प्रिलिम्स में भी आ सकता है यह प्रलिम्स में भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ओब्लिक्स से सही है और पहला यही विकल्प लिख देगा उन्नीसवी शताब्दी में भारतीय पुनर्जागरण और राष्ट्रीय पहचान का उद्भव एक साथ परस्पर संबंधों में देखा गया यानी कि इंडियन रेनेशा और नेशनल आइडेंटिटी एक दूसरे से संबंधित रहे विकल्प वन अब देख लीजिए आप तो ये सारे प्रश्न हमारे लिए प्रश्न नहीं होते ये प्रश्न हमारे लिए एक मार्ग होते हैं जिस पर हमें चलना होता है आगे चलते हैं बच्चों अब देखिएगा गांधीवादी प्रावस्था के दौरान विभिन्न स्वरों ने राष्ट्रवादी आंदोलन को सुदृढ़ एवं समृद्ध बनाया था विस्तार पूर्वक स्पष्ट कीजिए अब देखिए क्या कह रहा है गांधीवादी प्रावस्था यानी कि 1917 से उन्नीस तक की बातचीत हो रही जब गांधी जी चंपारण से लेकर के और आजादी तक विभिन्न स्वर अब विभिन्न स्वर क्या थे गांधी जी आए तो किसान आंदोलन भी चल रहा था श्रमिक आंदोलन भी स्टार्ट हुआ ठीक है कांग्रेस के अंदर भी जो है एक चेंजर्स आए स्वराज पार्टी आई फिर उसके पश्चात जो है भारत में वामपंथ कांग्रेस के अंदर सोशलिस्ट पार्टी वामपंथ का उदय तो ये सारी धाराएं क्रांतिकारी राष्ट्रवाद ये सब मिलकर के किस प्रकार से आजादी तक लेके गए यानी सबका योगदान जितनी भी धाराएं थी तो वो सारी धाराएं आप पढ़ने वाले हैं तो जब आप पीटी पढ़ते हैं तो आपको वो सब याद होता है और जब आप इस टाइप का एनालिसिस पहले कर लेते हैं तो उस याद किए हुए का यूज करना आप सीख जाते हैं तो ये देख सकते हैं मैंने एक एक चीज बताता चल रहा हूं इससे क्या होगा कि यूपीएससी के जो प्रश्न प्रिलिम्स में आएंगे तो आपको जब ऐसे ऐसे प्रश्नों पर आप विचार किए रहेंगे तो आप, आपकी समझ थोड़ी आसान हो जाएगी अब आगे बढ़ते हैं 1940 के दशक के दौरान सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को जटिल बनाने में ब्रिटिश साम्राजिक सत्ता की भूमिका का आंकलन कीजिए यानी 1940 के दशक के दौरान क्या क्या घटनाएं हुई हैं तो जितने भी यानी अगस्त प्रस्ताव शिमला से लेकर जितने भी प्रस्ताव है कैसे उसमें क्रिप्स मिशन है कैसे उसमें डिले करने की कोशिश की गई हर एक मिशन में डिले करने की कोशिश की गई उसके बारे में है ये ठीक है और वर्तमान समय में महात्मा गांधी के विचारों के महत्व प्रकाश डालिए मैं फटाफट क्वेश्चन पढ़ता जा रहा हूं सीधा प्रेलेंस पे आ रहा हूं याद रखिएगा अब देखिए गुप्त कालीन सिक्का शास्त्रीय कला तो ये तो मान लीजिए प्रीलिम्स का आ गया मतलब वो सॉरी एंसेंट हिस्ट्री का आ गया तो इसको हम अभी बिल्कुल छुएंगे चु, चु, नहीं अब देखिएगा नरम दलीय कांग्रेस के बारे में प्रश्न आ गया अब देखिए नरम दलीय क्यों असफल हो गए यही सिंपल प्रश्न है नरम दलीय तो क्या हम पढ़ेंगे नहीं इनको इनकी रणनीति ही इनकी असफलता का कारण रही है तो ये प्रीलिम्स में भी तो आ सकता है कि नरम दलीय क्यों असफल रहे नरम दलीय क्यों असफल रहे फिर इसके बाद देखिए पारंपरिक कारीगारी उद्योग जो था औपनिवेशिक भारत में उसका पतन क्यों हुआ क्या ये प्रिलिम्स में नहीं आएगा क्या ये प्रश्न पारंपरिक जो भारत का हस्तशिल्प है उसका पतन क्यों हुआ क्या यह प्रिलिम्स में नहीं आएगा आप देख सकते हैं तो प्रिलिम्स और मेन्स कोई भी चीज याद रखिएगा बटी नहीं है ठीक है अब फिर कह रहा है कि देखिए तीसरे दशक से भारतीय स्वतंत्रता की स्वप्न दृष्टि के साथ संबद्ध हो गए नए उद्देश्य यानी कि भारत में तीसरे दशक से यानी कि 2021 से ठीक है ना पहला दशक 2010 दूसरा 10 से 20 और तीसरा 21 से 30 तो अब आप देख सकते हैं कह रहा दूसरे यानी 2021 से भारतीय स्वतंत्रता की स्वप्न दृष्टि के साथ कौन कौन से नए उद्देश्य आ गए तो आपको अच्छे से पता है यानी कि भारत में वामपंथ आ रहा है भारत में जो है स्वराज पार्टी आ रही है कांग्रेस सोशलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है इन जो नई नई चीजें आ रही हैं उसके बारे में यहां पर आपसे प्रश्न पूछ रहा है तो ऐसे ही प्रश्न देखिए फिर 1857 का फिर का विप्लव आ गया सुभाष चंद्र बोस एवं महात्मा गांधी के मध्य दृष्टिकोण की भिन्नता तो इनके बारे में जब पढ़ेंगे तो गांधी के बारे में जब आप पढ़ेंगे इनके सारे आंदोलन तो क्या इनकी अप्रोच पता नहीं लगेगी सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ेंगे क्रांतिकारी राष्ट्रवाद में तो क्या इनके बारे में आपको विचारों का पता नहीं चलेगा तो आप देख सकते हैं महिलाओं की भूमिका पूछ रहा है तो अब हम चेक करेंगे कि भाई महिलाओं के बारे में कुछ रेफरेंस आया है कि नहीं आया तो ये सारी चीजें हैं महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अंबेडकर कोई भी रेफरेंस आता है तो ये बहुत सी चीजें हैं फिर इसके बाद देखिए क्या प्रश्न पूछा कि महात्मा गांधी के बिना भारत की स्वतंत्रता की उपलब्धि कितनी भिन्न हुई होती अब आप इसमें बताइए कि महात्मा गांधी ना होते तो क्या होता तो बच्चों आपको 1917 यानी याद रखिएगा आपको इस प्रश्न में 1917 के बाद होने वाली समस्त घटनाओं की जानकारी होनी चाहिए जो भी आंदोलन उस समय नेतृत्व कर रहे थे उनकी जो विचारधारा थी सबके बारे में पता होना चाहिए था तभी लिख पाते गांधी ना होते तो क्या हमारे यहां बामपंथ हा भी होता गांधी ना होते तो क्या क्रांतिकारी कुछ सफल होते गांधी ना होते तो क्या स्वराजी आगे बढ़ते बहुत कुछ क्वेश्चन ठीक है ना तो आप यहां से देख सकते हैं फिर इसके बाद नौसैनिक विद्रोह में भारत में अंग्रेजों की औपनिवेशिक महत्वाकांक्षाओं ठीक है गांधी न होते तो क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है भारत के प्रधानमंत्री होते बहुत से प्रश्न यहाँ से आपके सामने है। ठीक है ना किन प्रकारों से नौसैनिक विद्रोह भारत में अंग्रेज अब देखिए नौसैनिक विद्रोह तो ये सब तो प्रिलम्स में आपको पढ़ना है पानीपत का तीसरा युद्ध सत्रह ठीक है आप देख सकते हैं आप तो अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां पूरा आपका एक सेक्शन ही है बहुत बढ़िया सेक्शन है ये अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां तो देख सकते हैं आप प्रिलिम्स और मेस बंटा नहीं है ठीक है ना अब कौन कौन से विदेशी थे एनी बेसेंट वगैरह जो भारत में रह करके आंदोलन किया उनके बारे में पूछ लिया भारतीय महिलाओं की स्वाधीनता संग्राम में भूमिका पूछ लिया लॉर्ड डलहौजी के बारे में पूछ लिया तो अब आप देख सकते हैं तो ये सारी चीजें हैं जीएस में जो आपकी मदद करेंगी आपके प्रेलिम्स में भी तो जब आप पढ़िएगा खासकर 22, 23, 24, 25 वाले बच्चे 21 वाले तो भी जो है केवल टॉपिक पे आ जाएंगे डायरेक्ट आ जाएंगे प्रिलिम्स पर ही ज्यादा मतलब फोकस रखेंगे लेकिन लेटे लेटे मुख्य परीक्षा के प्रश्नों को भी जरूर देखेंगे अब हिस्ट्री ऑप्शनल अब ये नहीं कि मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं है तो मैं क्यों देखूँ हिस्ट्री ऑप्शनल के क्वेश्चन मैं कितनी बार कह चुका हूँ आप लोगों से ये जी में रिपीट करते हैं और हिस्ट्री ऑप्शनल के क्वेश्चन जिस बच्चे की समझ में आने लग गए तो वो जीएस का जो पूरा का पूरा यानी स्पेक्ट्रम हो या दुनिया की कोई भी किताब हो उसको निचोड़ के रख देंगे क्योंकि ऑप्शनल के क्वेश्चन की अपेक्षा करते हैं और वो डेफ्त में दो दो मिनट में आपके अंदर डालने वाला हूं यानी टाइम नहीं लगना है तो आइए एक बार ऑप्शनल के भी क्वेश्चंस को हम लोग यहां पर देखने की कोशिश करते हैं ठीक है क्या क्या जैसे देखिए टीपू सुल्तान पर प्रश्न आया आया ना टीपू सुल्तान तो मैसूर में महत्वाकांक्षी भूभागीय इरादों वाला एक शक्तिशाली केंद्रीकृत एवं सैनिक राज्य के निर्माण का प्रयास यानी टीपू सुल्तान बस टीपू सुल्तान और टीपू सुल्तान की रणनीतियां यही आपको पढ़ना है अब आप मुझे बताइए कि क्या यह प्रश्न जीएस में आ जाए तो आप नहीं कर पाएंगे अरे भैया सिलेबस है ना अठारहवीं सदी के मध्य से लेकर आप वर्तमान तक का भारत कौन कौन सा महत्वपूर्ण तो व्यक्ति है कि नहीं है कि नहीं घटना व्यक्ति और विषय तो व्यक्ति यानी टीपू तो प्रश्न तो आ सकता है तो आप देख सकते हैं टीपू सुल्तान का मैसूर तो जब हम मैसूर पढ़ेंगे तो क्यों ना थोड़ा फोकस हो जाएंगे क्यों ना थोड़ा फोकस हो जाएंगे चलो भाई ये भी हमारा तैयार हो गया और कुछ नहीं कह रहा है। कह रहा है कि वो एक केंद्रीकृत और मिलिट्री शासन सेटल करना चाहता था चाहता था नहीं चाहता था दो चार घटनाएं पता है आप लिख ले जाएंगे फिर कह रहा देखिए रेलवे ने स्वतंत्रता ये स्वाधीनता के बाद का क्वेश्चन था इसको मैं अभी उठाऊंगा नहीं उसके पीछे रीजन है क्योंकि यह अभी हम लोगों के बुक का हिस्सा नहीं है ठीक है ना अब इसके बाद क्या है यानी सुधार आंदोलन जो हुए थे अभी आपने पीछे जीएस में भी पढ़ा कहा गया तर्कवाद एवं धार्मिक सार्वभौम याद याद रखिएगा यानी दो जो सुधार आंदोलन थे दो महत्वपूर्ण क्राइटेरिया था इंटेलेक्चुअल क्राइटेरिया था याद रखिएगा रेशनलिज्म यानी तर्कवाद और रिलीजियस यूनिवर्सल यूनिवर्सलिज्म यानी कि कोई भेदभाव नहीं था हम भले अपने धर्म के हिसाब से हिंदू धर्म में रिफॉर्म की बात कर रहे हैं हम भले हम जो है बहाबी में इस्लाम धर्म की पुरानी परंपरा के आधार पर रिफॉर्म की बात कर रहे हैं लेकिन हमें किसी दूसरे के धर्म से कोई विरोध नहीं है तो ऑब्वियस है सुधार आंदोलन होते ही इसलिए है कि धार्मिक आधार पर कोई विभेद ना करें जो हो भी जाए वो इनडायरेक्ट होता है डायरेक्ट नहीं होता और तर्कवाद का मतलब क्या होता है यानी कि हर चीज को तर्क की कसौटी पर कसना called, र, जो है रेशनलिज्म मतलब अब देखिए जिस बच्चे का यूपीएससी में अच्छी इस इस क्वेश्चन में नंबर चाहिए जिनका ऑप्शनल है जरा आइए मैं थोड़ा आपको लेके चलता हूं ये जो तर्कवाद है ना रेशनलिज्म एनलाइटमेंट का सबसे बड़ा आधार है जरा बच्चों समझिएगा इस प्रश्न को जिनका ऑप्शनल है अगर आपने इस प्रश्न पर इस ढंग से विचार किया जो मैं बता रहा हूं फिर तो आप बहुत अच्छी रणनीति में नहीं है तो जरा सोचिएगा जरूर मेरी कमी हो तो उसको भी बताइए खैर कमी हो ही नहीं सकती ये मेरा इतिहास तो बी एम नेट यूपीएससी के चारों अटेम्प्ट सब इसी से तो तर्कवाद तो इसका मतलब यहां बड़ा सतर्क रहने की जरूरत है इसलिए कह रहा हूं मैं जो पुनर्जागरण था यानी आपको यह पता होना चाहिए इसमें क्या लिखना जो पुनर्जागरण था वो ट्रस्ट पर आधारित था आस्था पर आधारित था कि अतीत में कुछ अच्छा है उसके हिसाब से हम वर्तमान ये तर्क जो है वो डिपेंड करता है रिनेशा के ही पीठ पर आता है लेकिन वो डिपेंड करता है एनलाइटमेंट जो प्रबोधन आता है जिसके मेन प्रणेता भारत में कौन कहे जाते है? हैं हेनरी बिबियन डेरोजियो तो ये तर्कवाद की बात कर रहा है यानी कि हर चीज को तर्क की कसौटी पर कसना है सही है तो ठीक है नहीं तो नहीं है तो तर्कवाद एवं धार्मिक सार्वभौम हम लोग मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जब हम अभी रिफॉर्म मूवमेंट्स पढ़ेंगे तो या आगे जो भी पढ़ेंगे हम बड़ी डेफ में चलेंगे इसलिए मैंने 12 घंटे की क्लास रखी है 12 घंटे में नहीं होगा तो भी कल भी कुछ खींच लेंगे तो ये आपका यहां पर देख सकते हैं फिर बच्चों देखो कोल विद्रोह अब देखिए आइए कोल विद्रोह के मैं पूरा प्रश्न नहीं पढ़ रहा हूं केवल टॉपिक टॉपिक कोल विद्रोह के बारे में पूछ लिया क्या हम कोल विद्रोह भी आगे नहीं पाएंगे तो आप देख सकते ठीक है फिर देखिए अपवाहन सिद्धांत ड्रेन थ्योरी अब देखिए हिंदी देखिए जरा धन के निर्गमन को अपवन लिख दिया आदमी समझ ना पाए भगवान क्या आई ड्रेन थ्योरी क्या प्रिलिम्स में नहीं आएगा क्या मेंस में नहीं आएगा यानी ड्रेन थ्योरी अपहन सिद्धांत कहां तक उपनिवेशवाद की राष्ट्रीय समालोचना का केंद्र बना तो यानी ड्रेन थ्योरी एक फोकल पॉइंट बन गया अंग्रेजों की आलोचना करने का ये आपको बताना बिल्कुल बन गया राष्ट्रवाद इंडिया में जो इकोनॉमिक नेशनलिज्म यहीं से स्टार्ट होता है फिर देखिए भारत में पश्चिमी शिक्षा इधर देखिए पश्चिमी शिक्षा हम पढ़ने जा रहे हैं कि भारत की जो पूरा शिक्षा का सिस्टम है बहुत बढ़िया कंटेंट है लास्ट में तो वो भी पढ़ने जा रहे हैं हम एजुकेशन सिस्टम अब उसमें क्या ईसाई धर्म प्रचारकों के लिए कुछ था या नहीं था फिर देखिए कर्नाटक में आंगल फ्रांसीसी संघर्ष ने अब देख लीजिएगा यानी कह रहा है कि कर्नाटक में जो आं, आं, आंगल फ्रांसीसी संपर्क हुआ क्या संघर्ष हुआ किस क्या इस आंगल फ्रांसीसी संघर्ष के कारण जो कर्नाटक और हैदराबाद इन सब के जो छत्रप थे यानी जो नवाब वगैरह थे उनका पतन हुआ यह नहीं पूछ रहा है कि उनका पतन कैसे हुआ कह रहा है कि इनके संघर्ष के कारण वो बेचारे भी इनके संघर्ष का हिस्सेदार बन गए तो ये आप देख सकते हैं तो क्या हम कर्नाटक में आंगल फ्रांसीसी संघर्ष अभी पढ़ने वाले हैं कर्नाटक में पूरी सूची आंगल फ्रांसीसी संघर्ष तो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं इसीलिए मैं कहता हूं कि आप एक अच्छी समझ रखिए ये एग्जाम आपकी जेब में आएगा ये हमेशा याद रखेगा ठीक है तो ये हो गया आपका यहां से अब आगे आते हैं यहां से आगे बढ़ते हैं देखिए और ऑप्शनल वाले बच्चों से एक बार पूछना चाहूंगा ऑप्शनल वाले बच्चों से एक बार पूछना चाहूंगा एक बार जरूर विचार करिए जहां जहां पर भी है इजी लग रहा है कि नहीं इजी लग रहा है कि नहीं ऐसा लग रहा होगा कि ऑप्शनल ये ये, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल हलवा है क्यों है क्यों क्योंकि आपको हलवे की तरह प्रस्तुत किया जा रहा है मतलब आपके लिए हलवे की तरह प्रस्तुत किया जा रहा है यही मैं चाहता हूं ये मेरी क्वालिटी आपके अंदर ट्रांसफर हो जाए चाहे और हम लोग तो जीरो वाले हैं इसलिए कोई ईगो तो हो, हो नहीं सकता हम भी जीरो आप भी जीरो बट हमारी क्वालिटियां जो हैं वो आपस में ट्रांसफर हो जाए मैं चाहता हूं कि ये चीज आपके अंदर आ कि हर चीज़ को इजी बना के आप प्रस्तुत कर सकें और एग्जाम में अगर आपने तीन पॉइंट चार पॉइंट भी इजी लिख दिया ना सिलेक्शन आपका सुनिश्चित है ठीक है अब आइए देखिए आइए बिना बंगाल में स्वदेशी आंदोलन की प्रमुख प्रवृत्ति आइए भैया स्वदेशी आंदोलन का नेचर पूछ रहा है वट इज द नेचर और नेचर कैसे निकालते हैं अभी मैं वो पुराना रिपीट नहीं कर रहा हूं नहीं तो आते ही संगठन कार्यक्रम कार्य पद्धति विचारधारा नेतृत्व जन भागीदारी नो मेरी आदत नहीं मैं रिपीट नहीं करता वो बीच में कहीं आएगा उसी पैटर्न पे इसको लिखना है ठीक है तो आप देख सकते हैं स्वदेशी आंदोलन की प्रमुख प्रवृत्तियों की आप क्या यानी कि क्या नेचर रहा संगठन बने विस्तार कहां तक रहा वो सारी बातें तो स्वदेशी आंदोलन ठीक है इस पर मैं एक ओपन लेक्चर करूंगा इस पर मेरा एक मन था कि मैं ओपन लेक्चर करूंगा आइए अब देखते हैं 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अब देखिए कह रहा था कि इसमें ब्रेक तो थे इंजन ही नहीं था गजब का प्रश्न ब्रेक था बट इंजन नहीं था बगैर इंजन के चल रहा था इसलिए इंप्लीमेंट नहीं हुआ ठीक है यानी कि ब्रेक का मतलब क्या था कि शासन की स्थापना हो सकती थी लेकिन इंजन था नहीं चलेगा कैसे यानी कि पिक्चर क्लियर नहीं था ब्रिटिश सत्ता देना नहीं चाहते थे तो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अब देखिए अब क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि आगे आप 1935 का एक्ट पढ़ेंगे और यही प्रश्न आएगा नहीं कुछ और आएगा लेकिन आपको अगर उन्नीस का एक्ट अच्छे से समझा दिया जाएगा ब्रेक्स और इंजन अपने आप, आपको समझ में आएगा ब्रेक थे ठीक है ना बट उसमें इंजन नहीं था इंजन यानी कि प्रैक्टिकलिटी की कमी थी जिसके कारण से वह व्यवस्था में नहीं आ सका प्रावधान उसके सब अच्छे थे और प्रावधान इतने अच्छे थे कि 1950 में जो हमने संविधान अपनाया तो 1950 में हमने उनको हु अपना लिया लेकिन 1935 की परिस्थिति के हिसाब से जिस प्रकार की संकल्पना की गई थी वह संकल्पना व्यवहारिक रूप ले ही नहीं सकती थी क्यों क्योंकि तब तक रियासतों की स्थिति स्पष्ट नहीं थी ठीक है ना तो ये सारी चीजें आप यहां से देख सकते हैं फिर इसके बाद देखिए विधवा पुनर्विवाह आंदोलन अब बताने की आवश्यकता नहीं विधवा पुनर्विवाह आंदोलन आपसे उठा के पूछ लिया ईश्वर चंद विद्यासागर आपको इनका नाम पता है और उसके बाद यहां से सारी कहानी क्या क्या है कैसे कैसे है भारत छोड़ो आंदोलन अब आइए देखिए स्वतः स्फूर्त क्रांति के रूप में अब बताइए भारत छोड़ो स्वतः स्फूर्ति यानी कि स्वयं चल पड़ा क्यों ऐसा कहा जाता है भैया इसलिए कहा जाता है क्यों क्योंकि जिस दिन घोषणा हुई ग्वालियर टैंक में अगले दिन शीर्ष नेतृत्व को गिरफ्तार कर लिया गया तो कोई लीडर ही नहीं था क्षेत्रीय लीडर्स थे जनता अपने आप गांधी जी के डुआ डाई पर निकल पड़ी तो भारत छोड़ो आंदोलन तो मैं ये जो टेल लगाता है ना देखिए अगर आपको फैक्ट याद रहते हैं मैं यहां ये बताना चाहता हूं कि अगर आपको फैक्ट याद रहते हैं तो यूपीएससी टेल लगाता है उस फैक्ट के साथ और शब्दों की बारीकियों को समझते हैं अच्छे लेक्चर्स लेते हैं तो पिक्चर आपकी आसान हो जाएगी तो भारत छोड़ो आंदोलन को एक स्वतः स्फूर्त क्रांति के रूप में क्यों चरित्रांकित किया गया है इसीलिए क्योंकि शीर्ष लीडर उनका गिरफ्तार कर लिया गया यानी सारे लीडर तो ना कोई संगठन था यानी कांग्रेस संगठन है जब लीडर नहीं थे कोई स्पष्ट कार्यक्रम गांधी जी जैसे बनाया करते थे देखिए कितना आसान है जैसे कार्यक्रम प्रत्येक का आंदोलन में बनाया करते थे कि प्रथम चरण में क्या होगा द्वितीय चरण में क्या होगा तृतीय चरण में क्या होगा ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं ब, ब, बना पाए कार्यक्रम ही गांधी नहीं बनाते थे वो कहते थे कि भाई इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है कार्य पद्धति तो कोई एग्जीक्यूशन का भी नहीं क्योंकि उनको गिरफ्तार कर लिया गया कोई विचारधारा यहां पर अनेकों प्रकार के कुछ भी स्पष्ट नहीं है जन भागीदारी क्या रही है बेबाक और जबरदस्त रही है इसीलिए कहा जाता है स्वतः फूर्त रहा और पूरे देश में फैला समानांतर सरकारें बनी इसीलिए इसको ऐसा कहा जाता है देखिए कितना इजी है ठीक है इसने भारतीय स्वतंत्रता की प्रक्रिया को तीव्रता प्रदान करी हां आप लिखेंगे हां उन्नीस के भारत छोड़ो आंदोलन के बाद यह स्पष्टता प्रमाणित हो गया कि स के लिए अब यहां कोई स्थान नहीं ये हो गया आपका देख सकते हैं ठीक है अब देखिए सुभाष चंद्र बोस अभी आपने पढ़ा कह रहे हैं उनकी भूमिका बताई यह आजादी के बाद का क्वेश्चन है इस पर मैं कोई बात नहीं करूंगा अब आप देख सकते हो यह थोड़ा सा विश्व इतिहास आ गया कोई बात नहीं अब देखो बच्चों प्लासी का युद्ध अब देखिए प्लासी का युद्ध अब देखिए प्लासी के युद्ध ने साफ कह रहा है इस तरह से भारत में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक सर्वोच्चता की शुरुआत को चिन्हित किया अब देखिएगा यानी बैटल ऑफ प्लासी कह रहा है कि पॉलिटिकल पैरामाउंसी इनकी स्टार्ट होगी भैया बिल्कुल होगी क्यों क्योंकि अब बंगाल उनके कंट्रोल में आ गए तो प्लासी के युद्ध का इंपैक्ट पूछ रहा है आपसे ठीक है ना अब आप यहां से देखिए अब देखिए भूमि के अब ये तो बात का क्वेश्चन है आजादी के बाद का क्वेश्चन है ठीक है ना उन्नीसवीं शताब्दी में जो कल्चर था उसके बारे में है तो अभी यहां पर आएगा नहीं तो ये सारी चीजें हैं ये तो आजादी के बाद का ही है अभी इसको नहीं देखेंगे ठीक है ये देखिए मोपला विद्रोह आ गया आपका दलित आंदोलन ये स्वाधीनता के पश्चात है तो अभी नहीं देखेंगे ये देखिए उन्नीस में क्या द्वैध शासन भारतीय भारतीयों की राष्ट्रीय भावनाओं को संतुष्ट कर पाया था भाई यानी 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में आपसे प्रश्न पूछ रहा है तो आप देख सकते हैं संतुष्ट कर पाया था कि नहीं संतुष्ट कर पाया था अब देखिए विश्व युद्ध प्रथम और द्वितीय के बीच भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में समाजवादी विचारधारा <coughs> ये आजादी के बाद का इसको पढ़ना नहीं अभी अब फिर देखिए अठारह उन्नीसवी शताब्दी में भारत में प्राच्यवादी आंगलवादी विवाद का क्या महत्व था अभी इसके बारे में आप पढ़ने वाले शिक्षा वाला पूरा प्राच्यवादी आंगलवादी विवाद और उनसे जुड़े हुए विभिन्न मुद्दे आप पढ़ते चले जाएंगे अभी आप यहां से देखते हुए चले जाइए ये सारी चीजें आएंगी बच्चों बस ये देखना है कि आप कैसे एक स्पेक्ट्रम पढ़ के ही मॉडर्न इंडिया आप अपना इतिहास यानी ऑप्शनल भी तैयार कर सकते हैं ये मैं सिखाता चलूंगा ऐसा नहीं है ठीक है कि अभी यहां बता दे रहा आपको पता है कि यूपीआई और ढोल नहीं बजाया तो क्या बजाया वो एक फिल्म का सीन था यश चोपड़ा की कोई फिल्म है तो वैसे ही सुनील मैंने कई बार कहा कि मेरी क्लास में आए और मुख्य परीक्षा ना हुआ तो फिर क्या हुआ <laughs> ठीक है तो क्या आप असहयोग आंदोलन के स्थगन को एक राष्ट्रीय विपत्ति मानते हैं अब देखिए क्या यार इस दिस इज द ये ये क्या एक है एकदम फनी क्वेश्चन इंजॉय वाले क्वेश्चन है अरे भाई विपत्ति है क्या विपत्ति थी क्या असहयोग आंदोलन को रोक दिया तो क्या देश पे विपत्ति आ गई नहीं जी आप लिखेंगे कि प्रथम दृष्टिया ऐसा प्रतीत हुआ जितने भी विश्लेषक थे जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व करता थे तात्कालिक रूप से यह महसूस हुआ कि विपत्ति आगे कि अखिल भारतीय स्तर पर पहली बार एक आंदोलन जो सफल हो रहा था उसे एक छोटी सी घटना के कारण रोक दिया गया लेकिन दीर्घकालिक रूप से इसने एक नए भारत का निर्माण किया हरिजन उत्थान अचूतोद्धार पहले तो गांधी जी ने ही स्टार्ट किया ना गांधी जी की आलोचना कोई भी कर लेता बड़ा आसान है मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं पहले तो उन्होंने स्टार्ट किया ना अखिल भारतीय स्तर पर इस, इस जो भी रचनात्मक कार्यक्रम होता है सभी के लिए सभी जातियों के लिए अछूत जातियों के लिए उन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया बाद में सब लोगों ने उसको अपनाया तो वह एक भारत बना रहे थे तो ऐसा नहीं देख सकते हैं आप एक राष्ट्रीय विपत्ति अब इसके लिए कहां पढ़ेंगे चलिए बताइए मैं आपसे क्या आप इसको कहां पढ़ें किस किताब में लिखा होगा क्या ये राष्ट्रीय विपत्ति थी इसीलिए मैं कहता हूं कुछ बच्चे कहते हैं ना सर तो क्या करते हैं भाषण ही देते हैं कुछ एक आध दो परसेंट ये उनके लिए आप सबके लिए लेने जो बच्चे मुझे प्रेम करते बेटा ये एग्जाम ही भाषण है ये ये एग्जाम ही भाषण है जिसको अच्छा भाषण करना आएगा वही इस एग्जाम को डील पाएगा और वो भाषण लिखित रूप में होना चाहिए बस इतना ही अंतर है अब एक अध्यापक उतना तो लिख नहीं सकता हो तो बोलेगा मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं इस प्रश्न इस इस प्रश्न को आप कहां पाएंगे चलिए बताइए राष्ट्रीय विपत्ति मानते हैं बताइए कहां पर कहां मिलेगा ये तो आपका एनालिसिस क्वालिटी आपको डेवलप करनी पड़ेगी करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी आलोचना इस दुनिया का सबसे आसान काम है सीधा मुखोला आलोचना कर दी लेकिन रचना करना रचना करना एक प्रक्रिया एक प्रोसेस है उसमें एक रचनाकार का सर्वस्व्य उछावर हो जाता है उसके टे, टेंडन में उसके टेंडन में पेन हो जाता है टंडन खड़े खड़े पढ़ाने से पैरों के टेंडन जरा सर्च करिएगा पेन हो जाता है रचना करने में समय लगता है एक रचनाकार एक मूर्ति को गढ़ता है कितने सलीके से कितने सलीके से गढ़ते 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 खड़ा किया और हम दुकान पे गए अच्छी नहीं है तो अगर वह मूर्तिकार उस समय अपनी उस कृति का हाल देख रहा होगा तो उसे कितनी तकलीफ होती होगी हालांकि आलोचना करने का हक हाँ है मूर्ति को नकारने का आपका हक हाँ है तो इसलिए हमेशा याद रखिएगा ये एग्जाम टोटल और टोटल भाषण है राष्ट्रीय विपत्ति अब इसमें कहां से किताब किस किताब में लिखा है दुनिया की किस किताब में लिखा है और अगली बार राष्ट्रीय विपत्ति कुछ और आएगा जो मैंने भी नहीं पढ़ा है यही तो मैं कहता हूं कि अगली बार कुछ ऐसा आएगा जो मैंने नहीं पढ़ा है आलोचना करना एक दुनिया का सबसे आसान काम है लेकिन एक क्रिएटर समझता है कि उस रचना के पीछे जिसके बारे में वो बात कर रहा है कितनी बड़ी कहानी इसलिए मैं जो बोलता हूँ भाषण नहीं होता वो मेरे बच्चों को सिखाने का मेरा थ्री सिक्सटी डिग्री फार्मूला होता है कि बच्चे इधर से ना पकड़े यानी डायरेक्ट ना आए तो कोई बच्चा इनडायरेक्ट पकड़ ले फेल ना हो बस ये मेरी स्ट्रेटजी का सबसे बड़ा हिस्सा है ठीक है भाई क्यों क्योंकि मैं आपके माता पिता के प्रति भी लाएबल हूँ याद रखिएगा आइए आगे चलते हैं अब इसके बाद क्या कह रहा है 1930 से 40 के दशक में विभाजन की राजनीति यानी कि मुस्लिम लीग की राजनीति फिर देखिए कह रहा है क्या हम नरम पंथियों के तरीकों और नीतियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति कह सकते हैं अब मुझे बताइए बच्चों ये तो खैर मुस्लिम लीग वाला हम अब आप बताइए नरम पंथियों के तरीकों और नीतियों को हम राजनीतिक भिक्षावृत्ति कह सकते हैं अरे भाई अब ये नरमपंथी के तरीके और नीतियों को तो ये नीतियां तो प्रिलिम्स में पढ़ने वाले हैं कि नहीं पढ़ने वाले हैं। नीतियां पढ़ने वाले हैं कि नहीं पढ़ने जा रहे बस यही नीतियां आपको याद रहेंगी आप बता देंगे भैया क्या है क्या नहीं तो प्रिलिम्स मीन्स एक दूसरे के साथ मराठा राज्य का बिगटन लीजिए आंतरिक दबाव के फलस्वरूप हुआ राजा राम मोहन राय अब आप देख सकते हैं भारत में रेल निर्माण ठीक है आपके सामने क्वेश्चन है आर्य समाज देख सकते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती श्री नारायण गुरु तो ऐसा क्या है ये सब फैक्ट है अकाल क्यों आते थे अभी मैं एनालिसिस में ही बता दूंगा ठीक है ना फिर देखिए सामाजिक पुनर्जागरण में समाचार पत्रों की भूमिका अब समाचार पत्र अगर आपको पता है तो कहानी हो जाएगी तो ये सारी चीजें आपको देखनी है गदर आंदोलन यानी क्रांतिकारी आंदोलन अब आप देख सकते हैं तो ये सारी चीज़ें हैं बच्चों इसमें यही आपको देखना है तो यही सारी चीज़ें हैं ये सारे प्रश्न हैं बहुत ज़्यादा डीप में अब अब नहीं लेके चल रहा हूं फटाफट हम आ जाएंगे अपने टॉपिक पर बस ये सारे क्वेश्चन हैं आप इसको जरूर देखिए नील विद्रोह तो ये सारी चीज़ें हैं यहां से आपको देखने की आवश्यकता यानी ये सारे क्वेश्चन हैं बहुत क्वेश्चन है मैंने लगा दिया है फाइल आपको मिल जाएगी और इन सब प्रश्नों पर आप विचार करेंगे एक शुरुआत यहां पर मैं करना चाहता था जो मैंने कर दिया अब हम फोकस करते हैं स्पेक्ट्रम पर यानी एक घंटे की चर्चा हमारी हो गई जिसमें हम लोगों ने यह बात किया कि कोई भी चीज़ जब हम पढ़ते हैं तो उसका कोई एक एंगल नहीं होता उसके कई एंगल्स होते हैं तो चलिए अब यहां से स्टार्ट करते हैं भारत में यूरोपियों का आगमन एक एक चीज़ आपको यहां पर बताने की कोशिश मैं करता हूं लेकिन भारत में यूरोपियों का आगमन यहां पर जो भी आपको मिले याद रखिएगा आप इसके अलावा भी कुछ पढ़ना चाहते हैं तो उसका तरीका थोड़ा सा बस मैं आपको सिखाना चाहता हूं तो भारत में यूरोपियों का आगमन यहाँ से आप चलिए मेरे साथ मेरे प्यारे बच्चों भारत में यूरोपियों का आगमन भारत में यूरोपियों का आगमन ठीक है ना तो यूरोपवासी जो भारत में आ रहे थे सबसे पहले कॉपी निकाल लीजिए कॉपी निकाल लीजिए पैटर्न क्या रहेगा पढ़ने का तो सबसे पहले पैटर्न ले लीजिए तो पहला रहेगा कौन सी पहली चीज है यानी पहली तो पहली घटना मेरे प्यारे बच्चों कौन सी है तो पहली घटना जहां पर जैसे भी घटित हो रही चाहे कोई कंपनी आ रही है चाहे अपना कोई वह जो है स्थान बना रही है अपनी फैक्ट्री बना रही है तो पहली घटना और दूसरी चीज होता है हर एक कोई भी घटना जब घटित होती है, एक ड्राइवर फोर्स होता है जिसे हम कह सकते हैं एक फैक्ट होता है जो पूरी घटना को संचालित करता है तो वो ड्राइवर फोर्स क्या है यानी इसको हम मैं कहता हूँ सबसे विशिष्ट घटना क्या है मेरे प्यारे बच्चों सबसे विशिष्ट घटना क्या है ये आपको पढ़ना है और इसके साथ साथ जो तीसरी चीज़ आपको पढ़नी है वह है अंतिम घटना अंतिम घटना क्यों पढ़नी जरूरी होती है उसके पीछे रीजन ये होता है कि इससे क्रोनोलॉजी बनाने में यानी पहली और आखिरी पता है तो दो ऑप्शन तो अपने आप अगर क्रोनोलॉजी पर तीन से चार क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं से हमारी पूरी कहानी पलट जाती है बन जाती है यह चीज याद रखिएगा तो चलिए बच्चों यहां से जर्नी स्टार्ट करते हैं यहां से भारत में यूरोपियंस का आगमन और चलिए थोड़ा सा यहाँ पर भारत में यूरोपीय आगमन एक बार एक एक चीज देखते हैं स्पेक्ट्रम की शुरुआत कैसे हो रही है 1520 सौ ईस्वी के पश्चात बाजार में प्रतियोगिता पर देखिए एक एक शब्द को अब आप समय दे रहे हैं तो एक एक शब्द को समझने की कोशिश करिएगा मैं हमेशा से ये मानता हूं क्लियर यानी कि अब जब प्रलिम्स करने जा रहे हैं तो मॉडर्न इंडिया में जो भी यहां पर हो, हो सकता है कि कुछ पॉइंट ना आए वो स्वाभाविक होता है इतना ठीक है एक लेक्चर में सारे पॉइंट आ पाना एक दो पॉइंट पॉइंट चार पौइंट, तो वो आप अपने आप कर ही लेते हैं उसमें कहीं से कोई इश्यू नहीं क्योंकि आदमी खुद तो पढ़ता ही पढ़ता है लेकिन डूब जाइए मेरा ये कहने का मतलब है पंद्रह सो बीस के पश्चात भारत में प्रतियोगिता पर आधारित लाभार्जन के कारण विश्व इतिहास यूरोप में साकार हुआ यानी कि प्रतियोगिता पर आधारित लाभार्जन यानी यूरोप की सफलता बताया जा रहा है यानी कि जब भौगोलिक खोजें हुई स्वाभाविक है तो सबसे ज्यादा लाभ किसको होगा यूरोपियंस ने किया तो सबसे ज्यादा लाभ उन्हीं को होगा यानी व्यापारिक दृष्टि से मजबूत हुई ठीक है ना व्यापार वगैरह उन लोगों ने किया ठीक है यानी यहां पर कहां पर यूरोप में विभिन्न स्थल मार्गों जल मार्गों से व्यापार किया गया एवं व्यापारियों और बैंकरों के उदित हो रहे वर्ग से मध्य वर्ग का निर्माण हुआ यह मध्य वर्ग याद रखिएगा व्यापारियों और बैंकरों के उदित हो रहे वर्ग से मध्य वर्ग का निर्माण हुआ इस प्रकार कच्चे माल की आवश्यकता बाजारों की प्राप्ति अब देखिएगा यानी कि अब यहां व्यापार होने लगा था बैंकर भी आ रहे थे यानी पैसे वाले थे जो इन्वेस्ट करना चाह रहे थे बाजारों की प्राप्ति और यूरोप में पूंजीवाद स्थापित होने के कारण भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का मार्ग प्रशस्त किया अब पहला क्वेश्चन है प्रिलिम्स का अब फर्स्ट क्वेश्चन है प्रीलिम्स का ये यह यहां पर आप लिख लीजिए कि भारत में ये क्वेश्चन है भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का मार्ग निम्नलिखित में से किसने प्रशस्त किया दैट्स कॉल्ड थ्री सिक्सटी डिग्री एम क्या है थ्री सिक्सटी डिग्री एम एम बच्चों मन में प्रश्न बनाना यानी इसको क्या कहते हैं मन में चुकी कितनी टेस्ट सीरीज दे पाएंगे मन में प्रश्न बनाना यानी पढ़ना नहीं है पैराग्राफ नहीं पढ़ना है एजुकेशन में क्रांति लानी है तो माइंड में क्वेश्चन बनाते चलना है कितने टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे चालीस पचास लेकिन ऐसे करेंगे डेली आप लगभग पाँच सौ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाएंगे तो देखिए क्या प्रश्न है पहला भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का मार्ग निम्नलिखित में से किसने प्रशस्त किया या सिंपल भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का मार्ग प्रशस्त किया दो बिंदी पहला विकल्प पहला विकल्प कच्चे माल की आवश्यकता दूसरा बाजारों की प्राप्ति तीसरा यूरोप में पूंजीवाद स्थापित होना कौन सा कारण था ए केवल एक बी एक दो सी एक दो तीन डी ना तो एक ना तो दो ना तो तीन यानी उपरोक्त में से कोई नहीं आंसर क्या होगा आंसर क्या होगा तीनों अब देखिए इसी को बोलते हैं 360 डिग्री एम एम सी क्यू तो क्या पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया 360 डिग्री देखिए पढ़ा और यहीं पर एक क्वेश्चन बना लिया अब भले यह क्वेश्चन ना आए लेकिन इस प्रकार से आपका दिमाग इनहेंस हुआ तो जब आप एग्जामिनेशन में जाएंगे यही काम आपको करना है यानी यही प्रिलिम्स का काम आपको एग्जामिनेशन हाल में करना है तो क्या मिलेगा आपको वहां पर तुरंत आइडिया लग जाएगा कि यार जब आप बनाते हैं तो दूसरों के द्वारा बनाए गए प्रश्नों पर आपकी निगाह तेजी से जाती है अच्छा यार इसने ये किया होगा क्योंकि मैंने भी किया था तो इसलिए आप युद्ध भूमि में जाने से पहले वॉर की प्रैक्टिस कर रहे हैं यह चीज याद रखिएगा तो एक क्वेश्चन यहां पर देखिए ऐसे हो गया ऐसे ही आपको चलते हुए चलना अब हम आते हैं पुर्तगाली और एक शॉर्ट एक में आपका टॉपिक भी क्लियर हो गया एक शॉर्ट में टॉपिक भी क्लियर हो गया अब आते हैं देखिए पुर्तगाली भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज एवं पुर्तगालियों का आगमन मेरे प्यारे बच्चों अब देखिए पुर्तगाली आ रहे मस्त क्या क्या चीज है एकदम पढ़ते चलिएगा जबरदस्त रूप से अब देखिए भारतीय इतिहास की दिशा को गहरे स्तर पर प्रभावित करने वाला भारतीय इतिहास की दिशा को गहरे स्तर पर प्रभावित करने वाला बास्को डिगामा कब आया सत्रह मई चौदह सो अट्ठानवे ईस्वी को कालीकट पहुंचा कहां पहुंचा कालीकट पहुंचा और जब कालीकट पहुंचा यह भी प्रश्न पूछता है उसका स्वागत किया गया या उसका विरोध किया गया यह भी पूछता है कि जब यह कालीकट पहुंचा तो अरबों ने क्या इसका स्वागत किया कि अरबों ने इसका विरोध किया ऑप्शनल में क्वेश्चन आया है। तो है यार अब अरब को ये हटाएंगे तो अरब इनका विरोध तो करेगा ही करेगा लेकिन भारत में इसका स्वागत होता है जब यह कालीकट पहुंचा कहां पहुंचा ये कालीकट पहुंचा तो कालीकट बड़ा महत्वपूर्ण अब देखिए एमएमसीक्यू कुछ क्वेश्चंस में मैं एमएमसीक्यू बनवा दूंगा बाद में नहीं बनवाऊंगा नहीं तो फिर आप ही लोग मुझे सुनाएंगे कि सर बारह घंटा हो गया और अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ तो अभी नहीं ठीक है ना मैं कुछ क्वेश्चंस में स्टार्टिंग में लगभग आप मान के चलिए कि एक घंटा थ्री सिक्सटी डिग्री एम के साथ चलूंगा आपकी आदत डलवा दूंगा उसके बाद फिर मैं स्पीड पकड़ लूंगा सही रहेगा ना सही रहेगा यह रणनीति एक घंटा आपकी आदत थ्री सिक्सटी चूंकि भैया मैं आया हूं इसी के लिए मैं फिर से बता रहा हूं मैं आपको इतिहास उतिहास पढ़ाने नहीं है क्योंकि इतिहास पढ़ा वढ़ा करके कुछ होगा नहीं आप पढ़ रहे हैं हम पढ़ा रहे हैं रिजल्ट तब भी नहीं हो रहा है अब यह नहीं कि मैं बड़ा उदार बन रहा हूं कि नहीं मेरी सब गलती है और बच्चों की गलती नहीं दोनों की तरफ से मिस्टेक्स हैं लेकिन इक्वल मिस्टेक है पचास आपकी तो पचास हमारी भी ये मैं हमेशा मानता तो।, तो 360 डिग्री के लिए मैं आया हूं याद रखिएगा क्यों? हूं हम लोगों के अंदर ये था का कोई लाला नहीं पड़ा प्रीलिम्स लगातार निकलता गया तो 360 डिग्री का मतलब यही है अब जैसे कालीकट पहुंचा तो मैंने तीन बातें आपको बता दी अब जैसे थ्री कालीकट अब ऐसा देखिए आपने तो ऐसे पढ़ा बच्चों देखिए चलिए इसी कालीकट से मैं कितना क्वेश्चन बना दू चलिए 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 देखिए जबकि इसमें कोई दम नहीं है तब भी इस पॉइंट में कोई दम नहीं लेकिन देखिए मैं कितने क्वेश्चन बना रहा हूं अब देखिए ऐसा पहला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन पहली लाइन से पहली लाइन से हु बो पहलीकट भारतीय इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है पहला क्वेश्चन कालीकट अब देखिए ये बास्कुट कालीकट क्यों प्रसिद्ध है कालीकट इतिहास में सर्वाधिक क्यों प्रसिद्ध है तो ऑबियस है बास्कोडिगामा के आगमन के कारण और उसको मिलने वाले स्वागत के कारण तो एक हो गया कालीकट अब इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा यात्री कालीकट पर सबसे पहले आया तो बास्कोडिगामा आया तीसरा कालीकट में बास्को डिगामा किस वर्ष में आया सत्रह सो अट्ठानवे सत्रह सो अठारह सो अठारह सो एक तीसरा प्रश्न बन गया अब चौथा प्रश्न कालीकट में जब बास्को डिगामा आया तो उस समय वहां के लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही अरबों की क्या प्रतिक्रिया रही भारतीयों की क्या प्रतिक्रिया रही पांच क्वेश्चन बना दिया यही है समझने एक बार मुझे बताइए सारे बच्चे समझ रहे तो पढ़ना बच्चा प्रीलिम्स पास वही करेगा जो मेरी इस रणनीति को इस साल की 360 डिग्री एम और ये भी अभी से घोषणा कर देता हूं कि करियप्पा सर की बुक लगभग सिक्सटी परसेंट रेडी हो चुकी इसके बाद अगला मैराथन अगले संडे वही है पूरी किताब इकोनॉमिक्स की वन शॉट फिनिश फिर शंकर आई एस इंग्लिश और हिंदी दोनों रेडी है ऐसे ही सुबह शाम खत्म तो इसलिए अब प्रिलिम्स तक बने रहेंगे यह याद रखिएगा अब देखिएगा अब अगला एमएमसीक्यू अगला एमएमसीक्यू एमएमसीक्यू भैया हम कंटेंट नहीं पढ़ा रहे हैं। तो जो बच्चे कंटेंट ना 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 आइए पुर्तगालियों का मंतव्य क्या था मेरे प्यारे बच्चों पुर्तगालियों का मंतव्य क्या था मेरे प्यारे बच्चों पुर्तगालियों का मंतव्य क्या था आइए देखिए देखिए अब ये अपने आप में क्वेश्चन है व्यवसाय करना ईसाई मत का प्रचार करना और व्यापार पर एकाधिकार तीनों पॉइंट हो गया ये अपने आप में एमएमसीक्यू हुआ यानी एमएमसीक्यू हुआ क्वेश्चन मैंने पहली लाइन से बनाया एक क्वेश्चन हो गया ये छठी लाइन हो गया कि पुर्तगालियों का उद्देश्य क्या था तीनों उद्देश्य हो गए देखिए कितना बढ़िया नोट्स है इसके बाद आगमन के समय भारत की स्थिति कैसी थी अगला क्वेश्चन यानी सिक्स नंबर क्वेश्चन सॉरी से, सेवंथ नंबर क्वेश्चन सेवंथ नंबर तो उत्तर भारत छोटी छोटी शक्तियों के बीच विभाजित था जैसा कि हमेशा ही रहता है बड़ा मजेदार है एक कॉन्सेप्ट सिखाया जाए थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट सिखाया जाए बच्चों अब देखो मैं यार अगर अब माफी चाहेंगे वही यूपी आए और ढोल नहीं बजाया तो क्या बजाया तो उत्तर भारत की छोटी छोटी शक्तियों के बीच विभाजित मुख्य परीक्षा ना करूं देखो जब भी ऐसा होगा छोटी छोटी शक्तियां इसको बोलते हैं पॉलिटिकल वैक्यूम कई बार मेरे मुंह से आप लोगों ने सब सुना होगा इसको क्या बोलते हैं राजनीतिक शून्यता मेरे प्यारे बच्चों राजनीतिक शून्यता वैसे ही होता है जैसे चक्रवात में निम्न दाब होता है ना चक्रवात आप पढ़ते ना निम्न दाब तो भैया निम्न दाब होगा तो यहां पर हवाएं आएंगी क्लियर है ना तो मेरा बस इसको भी खर... इसको हटाइए राजनीतिक शून्यता तो ये अभी नहीं है यानी छोटी छोटी शक्तियां जब भी होंगी जैसे जब गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट संघर्ष था तो पूर्व मध्यकाल में ऑप्शनल में क्वेश्चन आया हुआ है आप अगर चेक करेंगे तो ऑप्शनल में की अरबों का आक्रमण पूर्व मध्यकाल में राजनीतिक शून्यता का एक परिणाम था ऐसा थीम वाला प्रश्न है तो जब पॉलिटिकल वैक्यूम होता है राजनीतिक शून्यता होती है छोटी छोटी शक्तियां होती हैं आपस में संघर्ष करती हैं तो बाहरी शक्तियां क्या करती हैं इंट्री वहां मारती हैं वही चक्रवात वाला निम्न दाब और उच्च दाब वाला कॉन्सेप्ट है तो ऑब्वियस है छोटी छोटी शक्तियों के बीच और दूसरी चीज क्या देखिए कितना क्लास भारतीय शक्तियों के पास नौसैनिक शक्तियों का अभाव था अब देखिए एक प्रश्न थोड़ा क्लासिकल थोड़ा टफ अब एक प्रश्न और यानी सात हो गया आठवां प्रश्न देखिए एक ही स्लाइड पर आठ प्रश्न इसी को बोलते हैं माइंड एम सिक क्यो? क्योंकि कितना लिखेंगे अब देखिए यहां पर क्या आएगा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए पहला ठीक है ना पहला या मैं या, मतलब ऐसा जाए पुर्तगालियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए पहला पहला कथन पुर्तगाली यात्री बास्को डिगामा च, सत्रह मई चौदह सौ अट्ठानवे ईस्वी को कालीकट पहुंचा विकल्प नंबर वन एक मिनट बच्चों इसको मैं मिटा दूं एक कंप्लीट क्वेश्चन सिखा दूं कहां गया भैया मिट जाओ मिट जाओ मिट जाओ मिट जाओ जा। हाँ अब देखिएगा अब यहां पर क्वेश्चन बनाइए निम्नलिखित में से कौन सा अब्लिक से सही है अब देखिएगा तो पहला विकल्प हो गया कौन सा अब्लिक से सही है ठीक है ना अब देखिए या सही नहीं है कुछ भी आप बना लीजिए पहला पहला हम यही रख लेते हैं कि भारतीय इतिहास की दिशा को गहरे स्तर पर प्रभावित करने वाला बास्को डिगामा सत्रह मई चौदह सौ अट्ठानबे ईस्वी को कालीकट पहुंचा दूसरा देखिए पुर्तगालियों का मंतव्य व्यवसाय करना ईसाई मत का प्रचार करना और व्यापार पर एकाधिकार करना था दूसरा पॉइंट हो गया तीसरा देखिए भारतीयों के पास नौसैनिक शक्तियों का अभाव नहीं था भारतीयों के पास नौसैनिक शक्तियों का अभाव नहीं था अब आपसे विकल्प बनाएगा ए एक दो बी दो तीन सी एक तीन और डी एक दो तीन अब आपसे ये विकल्प बनाया तो आंसर क्या होगा एक दो होगा लेकिन अगर आप माइंड एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करते तो आप यहां गलती कर सकते थे तो पूछे क्यों क्योंकि आपको लगेगा यार हमारे यहां चोलो ओलो के पास तो नौसेना थी तो यार पूर्व मध्यकाल में भी नौसेना रही होगी अरे सॉरी जो है मुगलों के बाद भी नौसेना हमारे पास रही होगी एंड समथिंग समथिंग ऐसा कुछ भी तो ये होता है माइंड एम सी तो यहां लिख देता कि शक्तियों का यानी कि हमारे पास नौसेनिक शक्ति थी हमारे पास नौसेनिक शक्ति थी तो हम कंफ्यूज हो जाते अरे यार दिस यही अब आने वाले टाइम में मैं भले मॉडर्न इंडिया करा रहा हूं लेकिन आप कुछ भी जब घर पे पढ़िएगा कल से तो आप क्या करिएगा कल से आप जो भी पढ़िएगा ऐसे ही एम एम सी क्यू एम एम सी क्यू थ्री सिक्सटी डिग्री एम एम सी क्यू तो एक बार पसंद आ गया हो तो थ्री सिक्सटी डिग्री एम एम सी क्यू टाइप कर दीजिए थ्री सिक्सटी डिग्री फार्मूला सत्ताईस जून फार्मूला इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी डिग्री एम एम सी क्यू आज तक कभी यह शब्द आपको यूट्यूब पर यह मैंने दिया है हमेशा इन्वेंट करता हूं कुछ ना कुछ नया थ्री सिक्सटी डिग्री एम एम सी क्यू पिछली बार था और अलग अब की बार था अलग दोनों को मिक्स करके हम सफलता की तरफ निकलेंगे ठीक है आगे आइए चलते हैं अब देखिए पुर्तगाली एवं कालीकट का शासक जमोरिन के बारे में ठीक है ना अब आप देख सकते पुर्तगालियों द्वारा अपनी नौसैनिक शक्ति को बढ़ाने हेतु तो अफ्रीकी तट पर अनेक व्यापारी अड्डों की स्थापना कर दी गई यूरोप में सबसे पहले भाई भौगोलिक जानकारी आई रनेशा आया एनलाइटमेंट आया बाहर के बारे में जानकारी मिली अब उसके बहुत से रीजन थे ठीक है ना तो अब ये अभी आपने पीछे पड़ा पैसा भी आया इन्वेस्ट भी करना है तो ऑब्वियस है पूंजीवाद आया अफ्रीकी तट पर अनेक व्यापारिक अड्डों की स्थापना की गई परंतु उन्हें आभास हुआ कि भारत में ऐसे व्यापारिक स्थलों पर कब्जा करना मुश्किल होगा यह देखिए यानी अफ्रीका में तो सेटल कर लिया लेकिन भारत एक सभ्य देश था यहां पर मजबूत मजबूत चाहे छोटे छोटे शासक थे लेकिन वह अपनी स्थितियों में मजबूत थे अब तो देखिएगा कालीकट के तट पर हिंदू शासक जमोरिन द्वारा अपने मुसलमान व्यापारियों को ना हटाने के कारण अब देखिए कालीकट पर जो मुस्लिम व्यापारी थे जिन्होंने पुर्तगालियों के आने का विरोध किया था तो ऑब्वियस कालीकट का शासक जमोरिन भाई उसके अपने व्यापारी उनको क्यों वो नुकसान पहुंचाएगा तो उनका सपोर्ट करेगा पुर्तगालियों ने तट पर गोलीबारी की तथा कोचीन के राजा के मालाबार क्षेत्र में अपना पहला किला स्थापित किया अब देखिए आ गया बच्चों अब देखिएगा अभी सबसे पहले जहां पर पहला आया आप तुरंत गोला करके लिख दीजिएगा क्वेश्चन यानी आ गया ये पहला तो कोचीन में इन्होंने सबसे पहला अपना किला स्थापित किया तो बस ज्यादा वो लंबी लिस्ट पिछली बार जो थी बहुत लंबी लिस्ट नहीं करनी आने को तो हम लोग दिखा देते हैं कि भाई देखो हमने ये पढ़ाया यहां से आया है लेकिन एक बच्चे के लिए प्रीलिम्स पास करने का मतलब ये नहीं होता कि भाई ऐसे तो कोई भी बुक सेलर हो वो कह दे कि भाई देखो हमारी बुक सेल्फ में जितनी किताबें हैं यूपीएससी के सारे क्वेश्चन वहीं से आते हैं तो ऐसा तो हम भी कह सकते हैं कोई भी कह सकता है लेकिन मेरा स्पष्ट मानना एक ही चीज का है यहां पर आप सबके लिए कि आपका पास होना बहुत आवश्यक है तो पास कैसे होंगे जब आप हर जगह पर जहां पर भी क्वेश्चन आने वाला हो वहां पर क्यू कुछ भी करके यानी पहला पहला हो गया अब देखिए दूसरा यहां पर इनडायरेक्ट प्रश्न है इनडायरेक्ट प्रश्न है अप्रत्यक्ष अगर आपसे यहां पूछे जबकि लिखा ही नहीं गया है, भारत में पुर्तगालियों के पतन के पीछे के कारण पूछ सकता है ना भारत में पुर्त, पुर्त, और आया भी हुए, भारत में पुर्तगालियों के पतन का कारण तो यही है कि वो क्या करते थे गोलीबारी करते थे असहिष्णु थे क्या थे ये असहिष्णु इंटॉलरेंट थे ये तो ये भले अब यहां पर ये यह लाइन नहीं लिखी हुई है लेकिन गोलीबारी करना अगर आपको याद है दिमाग क्लिक नहीं करेंगे दिमाग को क्लिक नहीं करेंगे अरे हाँ यार अगर गोलीबारी कर रहा है तो सहीषुण का है तो असहसुणु व्यापारी कहा है ये तो ताकत के बल प्यारा क्लियर है तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का सूत्रपात कैसे होता है अब आप देख सकते हैं तो 1505 सौ ईस्वी में जो प्रसिद्ध पर्सनलिटियां उन्हीं के बारे में है पुर्तगालियों के साम्राट द्वारा तीन वर्षों के लिए फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को भारत में गवर्नर नियुक्त किया गया नाम याद करिएगा किसको फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को अल्मेडा को आदन में में और मलक्का को जो है जब्त करने और मुस्लिम व्यापार बर्बाद करने के निर्देश दिए गए यानी देख सकते हैं एकदम ये फोकस थे इसीलिए मुस्लिम व्यापारी एक बार ऑप्शनल में ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता था ना 2010 और उसके पहले तक तो उसमें ये पूछा हुआ कि मुसलमान व्यापारियों ने इनका स्वागत किया कि नहीं किया तो स्वागत नहीं किया था चुकी ये तो देखिए दुश्मनी रखते थे तो ये पॉइंट अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब बस केवल इनका नाम इंपॉर्टेंट है बाकी आप आप इसको ये देखिए ऐसे ऐसे, ऐसे आप काट सकते हैं अब देखिएगा अल्मेडा ने में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मिस्र व गुजरात की नौसेना को संयुक्त रूप से परास्त किया यह इंपॉर्टेंट है तो अब यह पॉइंट आ गया यानी कि निम्नलिखित में से अब ऐसे एक लाइनर तो आगेगा नहीं यूपीएससी में लेकिन फिर भी कि निम्नलिखित में से किस किन जो है गवर्नर ने पुर्तगाली गवर्नर ने मिस्र गुजरात की नौसेना को संयुक्त रूप से पराजित किया यानी कि संयुक्त सेना को पराजित किया मिस्र और गुजरात की तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा तो या निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्लिक से सही है तो पुर्तगालियों के बारे में तीन चार पॉइंट में एक पॉइंट यह भी रख देगा यह आपको ध्यान रखना फिर देखिए 1503 में अल यहां सतर्क आपको नौसेना के, के, के कमांडर के रूप में आया था ठीक है ना तो ये अपने आप देख लीजिए बट वो बहुत समझदार था तो अल बुकर ने पंद्रह में बीजापुर से गोवा छीना जहां से मालाबार व्यापार पर नियंत्रण किया जाता था अब देखिए यह भी अपने आप में क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों ने अब देखिए ऐसे भी क्वेश्चन जब टफ घुसता है ना तो टफ कैसे घुसेगा अब देखिए कैसे यहां पर घुस रहा है। यहां पर घुसेगा कि बुकर्क ने या पुर्तगालियों ने बीजापुर पर नियंत्रण क्यों किया बीजापुर पर नियंत्रण क्यों किया याद रखिएगा क्यों क्योंकि गोवा यानी यहां से मालाबार व्यापार पर नियंत्रण किया जाता था तो यानी बीजापुर पर नियंत्रण किस लिए कि मालाबार के व्यापार पर कंट्रोल कर सके मालाबार किस चीज के लिए प्रसिद्ध है मालाबार ऑबियस है काली मिर्च लौंग इलायची ठीक है इन सब के लिए यानी मसालों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है जो पश्चिम में बड़ी मांग थी तो आप देख सकते हैं तो ऐसा भी पूछता है कि हमने यहां पर नियंत्रण किया लेकिन उसका उद्देश्य कुछ और है तो ये पढ़ते टाइम अभी आप कैसे पढ़ते हैं जो मुझे पता है मतलब जैसे ऐसा नहीं कि आप खराब पढ़ते हैं ये बिल्कुल नहीं बट वो एग्जाम के लिए नहीं पढ़ते हैं ये मेरी अपनी एक छोटी सी आपसे शिकायत आप खराब आप बिल्कुल नहीं पढ़ते जो बच्चा इतना टाइम मेरे साथ खड़ा है या आप अपने घरों में पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं लेकिन आ, मेरी हमेशा से एक शिकायत रही है मतलब आ, सब बच्चों से जिनका रुकता है कि वो अक्षर को पढ़ते नहीं अक्षर के पीछे यूपीएससी क्या मंतव्य लेके हमारे सामने खड़ा हो जाएगा हमें उसको पढ़ना यूपीएससी 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 ठीक है तो ये मुझे लगता है कि बेस्ट बेस्ट टू चीज होगा 1505 में ही मलक्का और पर उसने आधिपत कर लिया तो बताने की जरूरत नहीं है अलबुकर के द्वारा हिंदू महिलाओं के साथ विवाह की नीति अब देखिए फिर क्वेश्चन आ गया तो पहले तो पहले यानी कि किस गवर्नर ने महिलाओं के साथ हिंदू महिलाओं के साथ विवाह की नीति क्यों क्योंकि उसको लगता था कि पुर्तगालियों की आबादी बढ़े विचार करिए तो हिंदू महिलाओं के साथ विवाह की नीति अपनाई गई तो ये पुर्तगालियों की नीतियां हैं आपको दिमाग में रखनी होगी क्या करनी होगी आपको दिमाग में रखनी होगी अब आइए आगे चलते हैं पुर्तगालियों का व्यापार पर प्रभुत्व अब देखिए तो उनका उद्देश्य था मसूलीपट्टन उनके कंट्रोल में था पुलिकट जो प्रसिद्ध स्थल इस बार सारे स्थल मैंने नहीं लगाए ठीक है ना जो प्रसिद्ध स्थल है वही यहां पर आपको मिलेंगे मसूलीपट्टनम और पुलिकट इत्यादि से वस्त्र आदि वस्तुएं प्राप्त करना और जिन बच्चों को और भी चाहिए होगा तो एनसीईआरटी विपिन चंद्रा इसी चैनल पर मैंने कराई हुई है और काफी आप लोगों के बीच में फेमस भी है वो लेक्चर तो एक बार उसको आप जरूर देख लेंगे इसी चैनल पर विपिन चंद्रा का मेरा आधुनिक भारत का इतिहास भी कराया है ठीक है तो मसूली पटनम और पुलिकट अब देखिए ये बड़ा महत्वपूर्ण ये वस्त्र अब ये देखिए ये भी कभी पूछ सकता है कि पुर्तगालियों ने मसूली पट्टनम पर क्यों नियंत्रण स्थापित किया ए मसालों के लिए बी वस्त्रों के लिए सी कपास के लिए डी समथिंग समथिंग किसके लिए आप देख सकते हैं तो यही है होने में इतना समस्या क्यों है क्योंकि हम पहली बार जो तैयारी करते हैं शॉर्टकट और उसमें हम फेल हो जाते हैं समझिएगा इस बात को दूसरी बार हम क्या करते हैं दूसरी बार हम क्या करते हैं जरा याद रखिएगा कि हम फिर अब कोई ढूंढते हैं कि यार कोई मेरी नैया पार लगा दे चाहे दोस्त हो चाहे कोई हमारे जैसा इंसान फिर वो नैया पार वाला अपनी रणनीति पे चलता है आपकी रणनीति वहां रहती नहीं है तो एक की रणनीति से कभी सफलता मिलती नहीं इसलिए मैं फिफ्टी फिफ्टी की बात करता हूं ऐसे में दो अटेम्प्ट खत्म हो जाता है अब उसके बाद क्या होता है घबराहट आती है फिर बीएड भी स्टार्ट हो जाता है बीपीएड भी स्टेट सिविल सर्विसेज चलो वो तो ठीक है तो होता है फिर स्टेट के और छोटे छोटे एग्जाम्स फिर उसके बाद कहानी वहीं से पलटना अरे सर पहले एक जॉब सिक्योरिटी हो जाए फिर जॉब सिक्योरिटी में तीन चार साल अगर मिल गई तो ईश्वर की कृपा नहीं मिली तो फिर जॉब सिक्योरिटी समझ रहे ना क्या ये रीजन है कि नहीं असफलता का तो जो बच्चे 2022 हजार 24 वाले हैं आप पहली बार में ही घुमेड़ घुमेड़ करके घुमेड़ घुमेड़ करके जैसे करा रहा हूं ऐसे ही कि देखिए पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता है कि मसूलीप्टनम पर नियंत्रण क्यों स्थापित किया वस्त्र के लिए कपास के लिए मसालों के लिए पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता तब तो आप बताइए तो जब पूछ सकता है तो आपको क्या करना है ये हो गया ठीक है ना आप देख सकते हैं नागपट्टनम पर क्यों नियंत्रण स्थापित किया ये भी है नागापट्टनम पर पुर्तगालियों ने क्यों नियंत्रण स्थापित किया ये खुफिया क्वेश्चन होते हैं ये खुफिया क्यों स्थापित किया तो जिससे मलक्का और मनीला जैसे पूर्वी एशियाई देशों से व्यापार कर सके इसलिए उन्होंने नागपट्टनम पर कंट्रोल किया तो आप देख सकते हैं चटगांव और सतगांव में इनकी फैक्ट्री थी इसकी अनुमति उन्हें किससे मिली बंगाल के महमूद शाह से अब आप देख सकते हैं इसके अलावा अकबर से फरमान प्राप्त करके बुंद किया हुगली में फैक्ट्री स्थापित की और शाहजहां से बुंदेल में फैक्ट्री स्थापित करी तो आप देख सकते हैं इनकी कहां कहां फैक्ट्री आती है अब ये फिर एक प्रश्न आ गया बाबा रे बाबा एक प्रश्न और आ गया क्या आ गया कि निम्नलिखित में से कहा पुर्तगालियों की फैक्ट्री नहीं थी अब लियो भैया तो ये है ऐसे चलना है दैट्स कॉल थ्री सिक्सटी डिग्री माइंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 360 डिग्री 360 डिग्री एम एम सी क्यू कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में लेकर के चलना अब देखिएगा एक्सपोर्ट एरिया एंड गुड्स इन इंडिया क्या क्या भैया वो एक्सपोर्ट करते थे क्या क्या इंपोर्ट सॉलिड है एंजॉय करिए आप देखिए पुर्तगालियों का तो अब देखिए ये भी है मालाबार से क्या करते थे निर्यात उत्तर पश्चिम भारत से क्या करते थे बंगाल से क्या करते थे दक्षिण पूर्व एशिया से क्या करते थे इंपोर्ट क्या क्या करते थे याद रखिएगा इन इंडिया तो आप देख सकते हैं यानी मालाबार से एक्सपोर्ट क्या होता था काली मिर्च अदरक दालचीनी हरण ये मसालों का प्रकार ना हर हरण बोलते हैं चंदन हल्दी नील इत्यादि <coughs> <coughs> उत्तर पश्चिम भारत से तफ्ता बच्चों एक बड़ा अच्छा शब्द है क्या है तफ्ता एक बड़ा ही अच्छा शब्द है एक प्रकार का कपड़ा होता है चिंट्स ये सब भेजते थे बंगाल से जटा का एक्सपोर्ट करते थे दक्षिण पूर्व एशिया से लौंग कस्तूरी ये सब भेजा करते थे इम्पोर्ट क्या करते थे फ्लैंडर्स जर्मनी व वा, इंग्लैंड वाले हमसे क्या मंगाते थे गुलाब जल मूंगा ताबा पारा सिंदूर ढाले हुए सिक्के ये सब मांगते थे याद रखिएगा और एक टर्म आएगा कार्टेज ये भी है तो ये आपके लिए कितना बढ़िया है ये कभी भी पूछ सकता है ये प्रश्न कभी भी पूछ सकता है डीप में जा सकता है तो ये आप जरा ध्यान रखिएगा ये रिवीजन ये रिवीजन आपको फोकस करना है इस रिवीजन पे तो अब देखिए एक शब्द आएगा कार्टेज अभी आपसे पूछ लेगा कार्टेज क्या होता है तो पुर्तगालियों की लूट से बचने हुए भारतीय जहाजों को गोवा के वायसराय से एक लाइसेंस प्राप्त करना पड़ता था जैसे लाइसेंस परमिट राज होता है ना लाइसेंस परमिट राज होता है ना कि जैसे हमारे यहाँ जब उद्योग स्थापित करने थे उन्नीस के पहले आजादी के पश्चात तो हमें क्या दिया गया हमें क्या दिया गया यानी कि भाई उद्योगपतियों को अगर स्थापित करना है तो उन्हें क्या चाहिए उन्हें लाइसेंस परमिट राज की आवश्यकता लाइसेंस चाहिए तो वैसे ही हमें हमारे ही क्षेत्र में अगर व्यापार करना है तो चूंकि हमारे पास नौसेना की शक्ति थी नहीं हमारे पास नौसेना की शक्ति थी नहीं वो ताकतवर थे तो ऐसे में हमें समुद्री व्यापार करने के लिए उनसे एक अनुमति पत्र लेना होता था लाइसेंस उसे कहते हैं और उसका नाम था कार्टेज तो कार्टेज क्या होता है आपके सामने यहाँ पर तो ये पूरा पिक्चर एक बार सारे बच्चे बताए हंड्रेड परसेंट क्लियर हो गया बहुत बढ़िया पंद्रह उनतीस में आते हैं नीना डी कुन्हा के पास यानी इसने क्या किया पहला मुख्यालय था कोचीन पुर्तगालियों का यह भी क्वेश्चन है पहला मुख्यालय कोचीन था यह नीनू डी कुना था जिसने आते ही गोवा में अपना जो मुख्यालय है उसे क्या कर दिया एक मिनट बच्चों पानी पी लो क्या कर दिया तो क्या कर दिया मेरे प्यारे बच्चों तो क्या कर दिया गोवा में किसने किया नीनू डिकुनहान में. तो पहला क्वेश्चन दूसरा गोवा अब आपको फंसा देगा 360 डिग्री एमएमसीक्यू क्या प्रश्न यहां पर बनेगा तो आप फटाक से प्रश्न बनाइए निम्नलिखित में से कौन सा सही और लिख दीजिए पहला कि भारत में पुर्तगालियों का पहला मुख्यालय गोवा था क्या था पहला मुख्यालय गोवा था पहला मुख्यालय क्या था मेरे प्यारे बच्चों गोवा तो गलत हो जाएगा ना गोवा नहीं था कौन सा था कोचीन था कौन था कोचीन था तो आप देख सकते हैं तो ये बहुत जबरदस्त है ठीक है ना अब देखिएगा 1534 में देखिए ये बड़ी अच्छी खबर है जो स्पेक्ट्रम में ही थी और कहीं नहीं थी 1534 में गुजरात के बहादुर शाह ठीक है ना और मुगल शासक हुमायूं के मध्य संघर्ष हो रहा था उस संघर्ष के दौरान बहादुर शाह प्रथम ने पुर्तगालियों से कहा था कि भैया हमारी मदद कर दीजिए बदले में उसने क्या दिया था बेशिन द्वीप पुर्तगालियों को सौंपा था अब ये देखिए बड़ी जबरदस्त घटना अब देखिए बच्चों ये एमएमसीक्यू अगर आप सीख गए इसमें क्या घटना लिखी हुई है यह घटना आपने पढ़ी अब इसमें अगर आप एम एम सी क्यू सीख गए तो आप समझिए यूपी आ गए और ढोल बज गया आइए देखते हैं क्या यहां से सीखना है देखिए कैसे थ्री सिक्सटी डिग्री सी क्यू और आपको अच्छा लगेगा थ्री सिक्सटी डिग्री एमएमसी क्यू देखिए क्या है पूछता है ना एक प्रश्न पूछता है ना कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है कौन सा युग्म सही सुमेलित है पूछता है कि नहीं पूछता है युग मतलब जोड़ा कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है ठीक है कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है तो अब कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है मेरे प्यारे बच्चों कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है अब आप देखिए लिख देगा पहला ए ए में लिख देगा हुमायूं बहादुर शाह और पुर्तगाली क्या है पुर्तगाली क्लियर है क्लियर है बच्चों, या हुमायूं बहादुर पुर्तगाली नीनो कुन्हा क्या कहते हैं पूछेगा कि नहीं पूछेगा पूछेगा कि नहीं पूछेगा पूछता है कि नहीं पूछता जोड़ा चैतन्य और ये और ये और वो तो भले ही ये ना पूछे लेकिन इस एक प्रश्न के माध्यम से मैंने मॉडर्न पढ़ने का एक तरीका आपके हाथ में दिया कि पढ़ो ऐसे अब क्योंकि तीनों एक साथ हैं हुमायूं बहादुर शाह पुर्तगाली मीनोदा कुना तो कौन सा युग में सुमेलित है ऐसे पूछता है ना अब आप सोचिए क्या टेस्ट सीरीज आपका भला कर पाएगी मैं आपसे पूछना चाहता हूं खासकर हिंदी माध्यम के बच्चों से पूछना चाहता हूं कि क्या टेस्ट सीरीज आई और टेस्ट सीरीज वाले अरब अरब करोड़पति अरबपति हो गए लेकिन क्या रिजल्ट हुआ आपका रिजल्ट क्यों नीचे जा रहा प्रीलिम्स में जबकि टेस्ट सीरीज तो मार्केट में हजारों अवेलेबल है इसलिए क्योंकि टेस्ट सीरीज में भी इतना नहीं सोचा जाएगा जितना आपको बुक में खुद सोचना है टेस्ट सीरीज तो एक प्रैक्टिस का है कि एग्जाम में उसी प्रकार के वातावरण में आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है सौ क्वेश्चन का दो घंटे में आंसर के साथ आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है लेकिन आप क्या करते हैं इसलिए सबसे पहले आसान रास्ता मत ढूंढिए आसान रास्ता नहीं पहले टूट पड़िए एम एम सी क्यू एम एम सी क्यू एम एम सी क्यू ऐसे दिमाग में क्वेश्चन बनाते चलिए देखिए अगर आपकी कोई जर्नी रोक दे तो कहिए तो कौन सा युग अब इसका मतलब दिस इज अ मॉडल इसको हमें नहीं करना कि अब हमें नीनू दुनहा वाला आया नहीं है ये मॉडल है अब आप एंशियंट मेडुअल मॉडर्न कुछ भी पढ़े जहां पर भी चैतन्य के साथ कौन हो रहा है कबीर के साथ कौन हो रहा है ठीक है ना सूरदास के साथ कौन हो रहा है तुलसी के साथ कौन हो रहा है शंकर के साथ कौन हो रहा है दास के साथ कौन हो रहा है एक नाथ के साथ कौन हो रहा है तुकाराम के साथ कौन हो रहा है ज्ञानेश्वर के साथ कौन हो रहा है समझ रहे हैं कौन 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 सम्मिलित चिश्ती के साथ शासक हो रहा है निजामुद्दीन औलिया के साथ कौन हो रहा है सूरावर्दी क्या है इनके साथ कौन कौन हो रहा तो ये एक पूरी सीरीज आप तैयार करेंगे ठीक है ना ये यहां पर याद रखिएगा तो अब देखिएगा लेकिन अब क्या हुआ कि छत्तीस में हुमायूं वापस चला गया तो बहादुर शाह और पुर्तगालियों के रिश्ते में खटास आ गई तो अब आप देख सकते हैं तो ये ये सारी चीजें हैं जो आपको पढ़ते हुए चलनी है अकबर एवं पुर्तगाली धार्मिक नीतियों में निहितार्थ अकबर और पुर्तगालियों के मध्य किस प्रकार का संबंध रहा है तो देखिए पंद्रह में जसवीट ये रोमन कैथोलिक समाज के सदस्य थे जसवुट जो थे ये रोमन कैथोलिक कैथोलिक बच्चों जो रूढ़िवादी वहां का जो धर्म है कैथोलिक ठीक है ना ये उसकी बातचीत हो रही प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक ईसाई मूल ईसाई धर्म ठीक है ना रोमन कैथोलिक समाज के सदस्य थे इनके आगमन के बाद पुर्तगाली सम्राट को भारत के सभी गिरजाघरों का संरक्षक बनाया गया यानी कि अब यहां अकबर के काल में ठीक है ना यहां पर आते हो यानी सॉरी अकबर कालो पंद्रह सो बयालीस में जस इन ये जब भारत में आते हैं एक प्रकार से समझिए एक दल आया था एक दल आया था जब वो दल आया तो यहां पर उनको क्या किया गया कि जो पुर्तगाली सम्राट था उसको भारत के सभी गिरजाघरों का संरक्षक का सम्राट था उसको कब बनाया गया 1542 में अब हो सकता है कि इसको पीछे कर दे अल बुकर बुकर के टाइम पे कर दे तो आप कहेंगे ना ना भैया ठीक है ना पंद्रह सो में कैम्बे यानी खंभात का दौरा करने के बाद अकबर ने ईसाई धर्म में जिज्ञासा रुचि थी उसकी उसके उद्देश्य से गोवा के दो विद्वान पादरी भेजने का निवेदन किया उन्होंने यह अकबर तथा उनकी प्रजा को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का अवसर समझकर निवेदन स्वीकार कर लिया वो सोच रहे थे कि अकबर अब क्या करेगा ईसाई धर्म स्वीकार कर लेगा और पुर्तगाली तो आए ही थे ईसाई धर्म का प्रचार करने उनका एक उनका घोषित उद्देश्य था अंग्रेज ऐसा नहीं थे अंग्रेज बड़े चालाक थे यार अंग्रेजों ने पहली बार अठारह के चार्टर एक्ट में ईसाई धर्म प्रचार सुविधा दी उसके पहले कुछ नहीं दिया था समर्थन करते थे ऐसा नहीं है लेकिन फिर भी ये तो खुले रूप से आए थे तो ये आप देख सकते हैं ठीक है ये हो गया आपका तो अब मेडुअल इंडिया में प्रश्न पूछेगा यहां नहीं पूछेगा मध्यकालीन भारत में अगर अकबर पर कोई प्रश्न पूछा और पुर्तगालियों के साथ कनेक्ट कर दिया गया तो अब आप यहां पर उसको पकड़ लेंगे ऐसा मेरा विश्वास है अकबर प्रजा को ईसाई मत में परिवर्तित नहीं कर सके याद रखिएगा ईसाई धर्म के संदर्भ में अकबर और जो पुर्तगालियों का संबंध था यह सैन्य सहायता सुनिश्चित करने की इच्छा से था तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं पुर्तगालियों का पतन हो जाता है याद रखिएगा ठीक है ना 1580 में पुर्तगालियों का पतन स्पेन के राजा के साथ जोड़ने के फलस्वरूप शुरू हुआ पुर्तगाल में इससे कोई मतलब नहीं आपको पुर्तगाल में सम्राट निरंकुश था उसके अंदरूनी मामलों ने उसकी शक्ति कमजोर की अभी पढ़ने की जरूरत नहीं लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन ये एक बहुत बड़ा इश्यू था कि यह धर्म परिवर्तन करते थे जिसके कारण स्थानीय नागरिकों का इनको सहयोग नहीं मिला वे दूसरी पश्चिमी शक्तियों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सके यानी कि जो डच आए जो आए उससे भी नहीं कर सके यानी पुर्तगाली डच अंग्रेज और फ्रांसीसियों से प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं सके उनकी असहिष्णुता उनकी ये नीति जिसके कारण से वो हार गए और एक रीजन था कि वहां का शासक भी जो है कमजोर था निरंकुश था तो एक बार बताइए कि पुर्तगालियों वाला पूरा टॉपिक हंड्रेड परसेंट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया हंड्रेड परसेंट क्लियर हो गया अब इसी पैटर्न पर थोड़ा सा स्पीड में बढ़ा दूंगा इसी पैटर्न पर अब थोड़ा सा स्पीड में बढ़ाने वाला हूं हल्की सी क्यों क्योंकि अब थ्री सिक्सटी डिग्री केवल बोलना है और आपने करना फिर आगे और बढ़ा दूंगा अब आइए चलते हैं ब्रिटिशों का भारत आगमन क्या पढ़ते हैं ब्रिटिशों का भारत आगमन क्या है ब्रिटिशों का भारत आगमन यहां से अपनी बात हम स्टार्ट करते हैं अब देखिएगा सरकारी आदेश व सहयोग यानी कि देख लीजिए शुरू से ही ईस्ट इंडिया कंपनी जो आ रही है उसको सरकारी समर्थन मिला हुआ तो सरकारी आदेश व सहयोग मिल जाने पर अनेक ब्रिटिश नाविकों ने सामुद्रिक यात्राएं करी इंग्लैंड के व्यापारिक समृद्ध अच्छा एक एक, एक प्रश्न मेरे मन में आया है जैसे हम अकबर को इतना महान प्रूफ करते हैं और अपने इनर पॉलिसीज में वो महान था भी इसमें कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं है लेकिन जिस तरीके से उस समय वो समुद्रों से अनभिज्ञ थे इससे ये पता लगता है कि दूरदर्शी तो बिल्कुल भी नहीं थे दूरदर्शी तो बिल्कुल भी नहीं थे क्योंकि उसी समय पश्चिम में इतना कुछ हो रहा था और पश्चिम से लोग आ रहे थे ऐसा नहीं था इनका पश्चिम से संपर्क नहीं था अगर पुर्तगाली आए थे तो इनको सीखना था कि यार पुर्तगाली कैसे हमारे यहां पर आकर के जो है आ, सारा सिस्टम डेवलप कर रहे तो यहां पर एक अकबर के ऊपर एक मोटा क्वेश्चन उठाया जा सकता है ठीक है आइए ब्रिटिशों का भारत आगमन तो इंग्लैंड के व्यापारिक समृद्धि तो सबसे महत्वपूर्ण कदम कब उठाया गया 31 दिसंबर सोलह ईस्वी को उठाया गया उस दिन 100 व्यापारियों ने लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की अब देखिए फैक्ट प्रश्न बना लीजिए 360 डिग्री डिग्री एमएमसी नि क्यू निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्लिक्स सही है या सही नहीं ठीक है ना कौन सा और प्रश्न कैसे बनाइएगा एक मिनट के लिए वो भी बता दूं नहीं तो पीछे बताना था दिमाग उतर गया था। बच्चों जो मैंने ईवीएम मेथड बताया था तो ये क्यों बताया था क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें एक को एलिमिनेट कर दो तो उत्तर आ जाता है तो जो आप एमएमसी बनाया करेंगे उसमें एक क्वेश्चन ईवीएम वाला रखेंगे जिसमें एलिमिनेशन वाला रखेंगे दूसरा वाला जो क्वेश्चन रखेंगे एबीएम यानी एप्रोप्रियट बेस्ड मेथड अप्रोप्रिएट का मतलब होता है वह प्रश्न जिसमें ए बी सी डी वाले ऑप्शन होते हैं और कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक उपयुक्त है सर्वाधिक का मतलब कि चारों भी ठीक हो सकते हैं लेकिन उसमें एक होगा जो सबसे अच्छा होगा ठीक है तो वो होता है तीसरा क्वेश्चन मैंने बताया था डीबीएम मेथड यानी डिसप्रोप्रिएट बेस्ड मेथड डीबीएम मेथड का मतलब होता है डिसप्रोप्रिएट का मतलब होता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ओब्लिक से सही नहीं है निम्नलिखित में से कौन सा या असत्य है असत्य है वाले में तो असत्य में डिसप्रोप्रियट यानी ए बी सी डी में से एक ऐसा होगा जो बहुत डिसप्रोप्रिएट होगा यानी इन तीनों के जैसा नहीं होगा तो ये आप जरूर लगाइएगा ठीक है ना ये जरूर और चौथा एकदम से टफ बना दीजिएगा जिसमें तुक्का लगाना पड़े आपको ऐसा प्रश्न भी एकदम टफ यानी जिसका कोई और छोड़ना ना तो ये प्रैक्टिस करना है इस पैटर्न पर ये है मेथड लिख के क्वेश्चन नहीं बनाने हैं लिख के क्वेश्चन नहीं बनाने ये चीज याद रखिएगा ठीक है तो अब 31 दिसंबर 1600 को 100 व्यापारियों ने ये ये संख्या याद रखेगा सौ की जगह वह एक हजार कर देगा क्या कर देगा एक हजार एक जीरो बढ़ा देगा और आप कहेंगे अरे यार ये क्या हो गया तो एक हजार यहां पर अलर्ट रहेगा एक हजार व्यापारियों ने लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी उन्होंने इस कंपनी का नाम क्या रखा मेरे प्यारे बच्चों गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया इसका नाम रखा गया आप यहां से देख सकते हैं और दूसरी चीज यह भी पूछती है कि सरकार किस पर क्या रणनीति रही तो इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इस कंपनी को पूर्ण संबंध समर्थन दिया और पंद्रह वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान किया यह पंद्रह को यूपीएससी पच्चीस कर देगा या पंद्रह को पैंतीस कर देगा पंद्रह को दस कर देगा पंद्रह को पांच कर देगा यहां पर आपको अलर्ट रहना है और महारानी एलिजाबेथ प्रथम की जगह पांचवी कर देगा पहली कर देगा कुछ भी सॉरी दूसरी कर देगा तो पढ़ते टाइम ये चीजें तीनों पॉइंट यानी वन टू थ्री आपके लिए माइंड एमसीक्यू की दृष्टि से वर्ल्ड क्लास पॉइंट है आइए आगे चलते हैं अंग्रेज भारत के साथ व्यापार करने को प्रेरित कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों बताने की आवश्यकता नहीं अंग्रेज ये अपने आप में 360 डिग्री क्वेश्चन है ये दिस इज द क्वेश्चन कैसे प्रेरित हुए द फर्स्ट विकल्प विकल्प नंबर वन इंग्लैंड की उपभोक्ता संस्कृति और औद्योगिक विकास मांग व पूर्ति का संतुलन तथा अनुकूल राजनीतिक स्थिति ने पूंजी निवेश की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया यानी अगर आप अमीर हो जाते हैं तो आप अपना पैसा कहां रखते हैं आप अमीर हो जाते हैं तो अपना पैसा कहां रखते हैं बैंक में रखते हैं या किसी को उधार देते हैं जमीन खरीद लेते हैं इसका मतलब वो इन्वेस्टमेंट है शेयर मार्केट में लगा देते इन्वेस्टमेंट है तो भाई वहां पैसा आ गया था अमीर हो गए थे इन्वेस्टमेंट करना था तो इन्वेस्टमेंट इंडिया में दूसरा सोलहवीं शताब्दी के तक कई एशियाई वस्तु में यूरोप में पहुंचने लगी थी और जो का, का, कालीकट से लेके गया था बास्कोडिगामा पैंसठ गुना एक सौ पैंसठ गुना कितने में बेच दिया था कमेंट करके बताइए तो इतना लाभ हो रहा था यहाँ की वस्तुओं से तो इसलिए भी आए यहाँ की वस्तुओं का व्यापार करने के लिए वाणिज्यवाद का युग था व्यापारिक युग युग था वाणिज्यवाद यानी कि व्यापार और वाणिज्य ही केंद्र में थे ठीक है इसी क्रम में पंद्रह सौ निन्यानवे ईस्वी में अंग्रेज व्यापारी मिल्डन हाल भारत आया यानी देख सकते हैं यह भी एक महत्वपूर्ण घटना कि कंपनी की, की स्थापना से पहले उनका कौन सा व्यापारी भारत आया दैट्स मिल्डन हाल यानी मिल्डन हाल तो यह देख सकते हैं अंग्रेज भारत के साथ व्यापार को कैसे प्रेरित हुए पॉइंट इज क्लियर पॉइंट इज क्लियर हंड्रेड परसेंट क्लियर फटाफट फटाफट एकदम एनर्जी मेंटेन रखिए एकदम एनर्जी मेंटेन और चलाते रहिए अपने आप को यानी आज शाम तक 12 घंटे तक देखता हूं कि कौन मेरे साथ मुकाबला कर पाता है याद रखिएगा मैं अधेड़ उम्र का हूं और आप सब अभी एकदम युवा हैं ठीक है अंग्रेज ठीक है अधेड़ <laughs> बोल रहा हूं अपना <laughs> अंग्रेजों का व्यापारिक विस्तार ठीक है अब आइए आगे चलते हैं अंग्रेजों का व्यापारिक विस्तार मेरे प्यारे बच्चों शीघ्र ही अंग्रेजों ने भारत की वस्तुओं विशेषकर सबसे पहले सबसे पहले उनका फोकस ये भी प्रश्न है कि सबसे पहले उनका फोकस कहां रहा हम मार देंगे मसालों रहा, जी नहीं उनका पहला फोकस कहां था कपड़े के महत्व को समझा सबसे पहले वो कपड़ों पर आए और वे उसका उपयोग मसाला खरीदने के लिए करने लगे याद रखिए कपड़ा खरीदते बेचते पैसा कमाते मसाला खरीदते मसाला बेचते तो सबसे पहले उन्होंने कपड़े के महत्व को

ये भी अपने आप में एक प्रश्न है प्रश्न क्या है प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कहां पर नियंत्रण करने के पश्चात अंग्रेज पुर्तगालियों पुर्त पुर्त से निम्नलिखित में से कहां पर नियंत्रण करने के पश्चात अंग्रेज पुर्तगालियों से सुरक्षित हो गए और उसमें रहेगा मलक्का ये वो तो रहेगा हरमुज आप मार दीजिएगा हरमुज पर तो आप देख सकते हैं ये याद रखेगा ठीक है ना अब देखिएगा 1640 सो ईस्वी में अंग्रेजों ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास छीन लिया जो कि एक बंदरगाह नगर था तो मद्रास क्या था बंदरगाह था और यहीं पर सेंट जॉर्ज किले का निर्माण तो सेंट जॉर्ज किला फिर से प्रश्न है कहां बना मद्रास में बना जिसके भीतर कई कारखाने खोले गए आप यहां से देख सकते हैं सोलह सौ सत्ताईस ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय सूरत से यानी सबसे पहला मुख्यालय सूरत में था वहां से मुंबई लाया गया और इस प्रकार धीरे धीरे अंग्रेजी साम्राज्य समृद्धि की तरफ बढ़ने लगा अब यहाँ पर एक बड़ा पेचीदा प्रश्न आता है कि अंग्रेजों ने सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की मेरे प्यारे बच्चों तो सूरत में 1607 में लेकिन अगर सूरत और मछलीपट्टनम रहेगा हमारे टाइम पर एक बार ऑप्शनल में आ गया था तो हम लोगों ने उस टाइम पर मछलीपट्टनम ही मारा था क्योंकि मछलीपट्टनम में 1605 में इन्होंने एक एक फैक्ट्री स्थापित करी थी जो अस्थाई थी सूरत वाली फैक्ट्री जो 1607 में स्थापित हुई थी वो अस्थायी थी तो इसलिए जब दोनों ऑप्शन रहेगा तो मछलीपट्टनम मारना है और एक ऑप्शन रहेगा तो जब मछलीपट्टनम नहीं रहेगा तो आपको सूरत मारना है या अस्थायी और अस्थायी शब्द को भी ध्यान में रख लीजिएगा पहली फैक्ट्री दैट्स इट बहुत ज़्यादा डीप में इसमें अगर आपको पढ़ना होगा तो आप क्योंकि स्पेक्ट्रम में अलग दिया है एनसीईआरटी में अलग था तो एनसीईआरटी का लेक्चर चैनल पर पड़ा हुआ आप उसको देख सकेंगे लेकिन इतने से आपका काम हो जाएगा अब देखिए पूर्वी भारत में कंपनी का बढ़ता प्रभाव यानी अब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहां कहां पर कंपनी का क्या इंपैक्ट रहा उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 1630 सौ ईस्वी के बाद पूर्वी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव तेजी से बढ़ने लगा एक स्टोरी है पढ़ने की जरूरत नहीं व्यापारिक वस्तुएं यहां से क्या लेते थे कपड़े का थान लेते थे सिल्क लेते थे चीनी और शोरा तो ये पॉइंट याद करेगा ये इंपॉर्टेंट होता पूर्वी भारत से किस चीज का व्यापार करते थे आपके सामने लिस्ट आ गई सोलह सो नब्बे ईस्वी में ही बंगाल के नवाब इब्राहिम खान ने कंपनी को निमंत्रण दिया और सोलह सौ इक्यानबे ईस्वी के फरमान द्वारा औरंगजेब ने एक निश्चित वार्षिक राशि के बदले में कंपनी को बंगाल में चुंगी मुक्त व्यापार करा दिया अच्छा एक चीज बताइए हम कहते हैं पॉइंट को नोट करिएगा इतिहास पर कभी कभी मेरा ऐसे ही चर्चा करने का मन करता मैं आप सबसे कहता हूं हम कहते हैं कि हम हमीन लो, लोगों ने जैसे नवाब इब्राहिम ने कंपनी को निमंत्रित किया तो आज भी तो हम आजादी के बाद भी कंपनियों को निमंत्रित करते ना का ये हमारे यहां इन्वेस्टमेंट कीजिए उस समय कोई हिंदुस्तान तो था नहीं छोटी छोटी रियासतें थी जिसको जो सुविधा लगती थी वो निमंत्रित करता था तो हम कैसे उनको गलत कह सकते हैं इस पर आप एक बार विचार करिएगा भाई आज भी तो हम एफडीआई पाना चाहते हैं ना विदेशी कंपनियों को अपने यहाँ प्रोजेक्ट लगाने की अनुमति करना चाहते हैं तो उस टाइम बेचारे छोटे छोटे शासक थे ये भी चाहते थे कि हमारा भला हो जाए कोई एक राष्ट्र भारत तो था नहीं वो तो प्राचीन मध्यकाल में, में तो बिल्कुल ऐसा कुछ था नहीं खासकर जब अंग्रेज आए तब छोटी छोटी रियासतें हो गई जब अंग्रेज आए तब उस समय की बात में कर रहा हूं तो ये हो गया आपका तो ठीक है ना अब इसके बाद मुख्यालय इनका मेन कोलकाता फोर्ट विलियम नामक किलेबंद बस्ती में बनाया गया तो इनका मेन मुख्यालय यहीं पर था फरुखसियर का शाही परमान क्या है फरुख सियर का सत्रह सो ईस्वी में जान सुरमैन या सरमैन जान सुरमन भी बोलते हैं ऐसे भी लिखते हैं जान सुरमन तो जान सुरमन की अध्यक्षता में अंग्रेजी शिष्टमंडल मुगल सम्राट फरुख सियर से फरमान प्राप्त करने में सफल रहा जिससे अंग्रेजों की या सोलह सो इक्यानवे ईस्वी के फरमान द्वारा निर्धारित सुविधाएं गुजरात एवं दक्कन में अब देखिएगा तो पहले जो बंगाल में थी वो अब कहां होगी गई सत्रह सो सत्रह में फरुखियर के द्वारा बंगाल के बाद गुजरात और दक्कन में भी ये बढ़ गई तो आप देख सकते हैं यानी इस फरमान से साहिब फरमान के विशेषाधिकार क्या क्या थे ईस्ट इंडिया कंपनी को कोलकाता के आसपास के और अधिक क्षेत्रों में राजस्व वसूली के अधिकार प्रदान कर दिए गए रुपए दस हजार सालाना राशि देने के अवज में सूरत के सभी करों से उन्हें मुक्ति मिल गई कंपनी को बिना शुल्क दिए बंगाल में मुक्त रूप से व्यापार करने की छूट मिल गई जिसके बदले में कंपनी को रुपए तीस हजार की एक रकम वार्षिक रूप से अदा करनी थी बंबई में ढाले गए कंपनी के सिक्कों को पूरे मुगल साम्राज्य में वैधता मिल गई यही बहुत गलत हुआ था कंपनी के हैदराबाद के पुराने विशेषाधिकारों को बनाए रखा गया और उस क्षेत्र में उन्हें टैक्स में छूट दी गई तो आप देख सकते हैं शाही फरमान तो ये इंपॉर्टेंट है थ्री डिग्री एम यानी क्या है एम एम सी क्यू तो शाही फरमान के क्या क्या विशेषा मतलब जो है शाही फरमान में कंपनी को क्या क्या विशेषाधिकार मिले इसकी आप प्रैक्टिस करिए पहला विकल्प 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 दूसरा कल, तीसरा चौथा और पांचवा एक दो तीन चार पांच उपयुक्त तो सभी कर लीजिएगा अब देखिए आइए थोड़ा सा देखते हैं पुर्तगाली एवं डच में कंपेयर करते हैं ठीक है ना तो पुर्तगाली एवं डचों के साथ अंग्रेजों का जो संघर्ष होता है तो सत्रहवीं शताब्दी के शुरुआती दशकों में यानी 1600 से 1630 तक अगर आप मान लें उन्हें पुर्तगालियों का सामना करना पड़ा सोलह सो तीस ईस्वी में पुर्तगालियों की शत्रुता समाप्त हुई थी निम्नलिखित में से किस संधि के पश्चात पुर्तगालियों और अंग्रेजों की शत्रुता समाप्त हुई तो वह है मैड्रिड संधि यह पॉइंट भी ध्यान रखिएगा डचों की रुचि मुख्य रूप से मसाला उत्पादक द्वीपों में थी यानी दक्षिण पूर्व एशिया में थी सोलह सौ ईस्वी में एक समझौते के अनुसार डच भारत में स्थापित अंग्रेजी अड्डों को छोड़ने के लिए चले मतलब सहमत हो गए और अंग्रेज इंडोनेशिया पर अपना दबाव छोड़ने के लिए राजी हो गए इसलिए इंडोनेशिया चले गए डच और पुर्तगाली तो देख सकते हैं इन दोनों के साथ कितना स्मार्टली वर्क करके कितना स्मार्ट वर्क करके समाधान कितना बढ़िया से चीजें आपके लिए पिक्चराइज की गई बढ़िया है कंटेंट एकदम मजेदार है ठीक है ना एकदम से मजेदार है ठीक है आगे चलते हैं अंग्रेज के विस्तार का अभी एक बार विस्तार से फिर इसको समराइज भी करेंगे हम लोग पहली दूसरी जो हमने कहा पहली घटना दूसरी तीसरी चौथी पांचवी वो सारी होंगी ठीक है अब देखिएगा अंग्रेजों के व्यापार का प्रभाव अब यहां पर एक प्रश्न जो मैं अक्सर जिक्र करता हूं और यूपीएससी में मेंस में आया हुआ है ऑप्शनल में आया हुआ बच्चों वो प्रश्न क्या आया हुआ कि अंग्रेजों ने बेखबरी के दौर में भारत को जीता अंग्रेजों ने बेखबरी यानी कि उनका कहना है कि हम यहां व्यापार करने आए थे और परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो गई कि हमें यहां का शासन करना पड़ा तो अब देखिए अभी तक हम व्यापार देख रहे हैं अब आगे हम देखेंगे कि ये कैसे बेखबर नहीं थे और सब प्लान करके आए थे तो याद रखेंगे इस प्रकार से तो अंग्रेजों के व्यापार एवं विस्तार का इंपैक्ट अंग्रेजों ने शीघ्र ही अरब सागर और फारस की खाड़ी पर अपना एक अधिकार अंग्रेज क्या लेके जाते थे अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया थ्री सिक्सटी डिग्री एम एम सी क्यू यानी माइंड मल्टीपल जो बच्चे बाद में आए हैं एमएमसीक्यू का मतलब होता है बच्चों माइंड में यानी कि हम कितनी टेस्ट सीरीज कर पाएंगे और जबकि हम दस बीस करते हैं तब भी फेल होते हैं तो दिमाग में मल्टीपल मानी अपने दिमाग में आपको सोचना है क्या करना है अपने दिमाग में आपको सोचते हुए चलना है क्वेश्चन याद रखिएगा अपने दिमाग में ठीक है तो ये दिमाग में सोचते हुए चलना है। अंग्रेज भारत से वस्त्र ले जाते थे नील ले जाते थे सोरा ले जाते थे मसाले ले जाते थे मलमल ले जाते थे अपने यहां ठीक है ना जिससे आरंभ में भारतीय दस्तकारी को बहुत लाभ पहुंचा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये ठीक है ना बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको लगेगा कैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जरा सुनिए यानी कि जब हम प्रश्न पढ़ते हैं ना अभी पीछे था ना भारत में दस्तकारी उद्योग का पतन कैसे होता है तो इसका मतलब ये दस्तकारी का गोल्डन एरा था सत्रह प्लासी की लड़ाई के पहले सत्रह में प्लासी की लड़ाई के पहले अंग्रेजों को अपने यहां से स्वर्ण लाना पड़ता था उस स्वर्ण के बदले ये सारी चीजें वो खरीदा करते थे तो इससे भारत में बड़ा लाभ होता था स्वर्ण भी मिलता था और उसके साथ साथ व्यापारियों को लाभ भी मिलता था लेकिन सत्रह के प्लासी की युद्ध ने स्थिति बदल दी पॉलिटिकल कंट्रोल आया तो इकोनॉमिक कंट्रोल भी आया और फिर अब वो यहीं का पैसा जो बंगाल से उनको मिलता था अपनी पिट्ठू सरकारों से यहीं के पैसे से वो वस्त्र खरीदने लगे नील सोरा मसाले तो वो सारी चीजें आप पढ़ेंगे तो शुरू में दस्तकारी को बहुत लाभ था अपने समकालीन यूरोपीय व भारतीय शक्तियों को पराजित करने के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक प्रसार अब देखिएगा प्रारंभ कर दिया यानी अंग्रेजों ने भारत को बेखबरी में जीता यह गलत है क्यों क्योंकि जैसे उन्होंने अपने प्रतिद्वंदियों यानी डच और पुर्तगाल को हराया अब उन्होंने राजनीतिक विस्तार का स्वप्न देखा और जिसका परिणाम होगा कि अब फ्रांसीसी उनके प्रतिद्वंदी थे ना केवल यहां अपित यूरोप में भी अब वो क्या करेंगे फ्रांसीसियों को हराने की कोशिश करेंगे जो आगे की स्लाइड में आपको दिखने वाला है ठीक है तो ये हो गया यहां से पिक्चर इस क्लियर बच्चों ये पॉइंट आपका 360 डिग्री एमएमसीक्यू है तो मैं ये कह रहा था कि जो बच्चे अभी बीच में ज्वाइन किए होंगे थ्री डिग्री एमएमसीक्यू का मतलब होता है कि मन आप अपने कोई भी चैप्टर किसी भी विषय का ना केवल इतिहास का जो भी पढ़ें तो दिमाग में क्वेश्चन बनाते चलें क्योंकि आपके दिमाग की जो मेमोरी होती है इतने न्यूरॉन्स होते हैं बच्चों इनको एक्टिवेट आप पढ़ के नहीं कर पाएंगे इनको जितना छेड़ेंगे उतना ही एक्टिवेट होंगे तो इनको छेड़ना है कैसे क्वेश्चन बना बना करके इनको छेड़िए ठीक है ना इनको छेड़िए ये करना है आपको ठीक है मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है आपको इनको छेड़ना है तो ये हो गया यार से आगे चलते हैं फोर्ट द द कैपिटल ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी इन ब्रिटिश इंडिया ये उसकी पिक्चर है आप यहां से देख सकते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अब आते हैं डच पे यह एक वाणिज्यिक उद्यम था जिसने डच को पूरब की यात्रा करने के लिए प्रवृत्त किया ठीक है ना अब कार्ल कार्नेलियस डी हाउमैन इसका नाम याद करिएगा कभी कभी स्टेट सिविल सर्विसेज में आईएएस में तो नहीं स्टेट सिविल सर्विसेज में कहां पर स्टेट सिविल सर्विसेज में यह प्रश्न आ सकता है कार्नेलियन डी हाउमैन पहला डच था जो पंद्रह में सुमात्रा और बनता पहुंचा डचों की व्यापारिक संस्थाओं ठीक है ना यह क्या थी नवीन प्रकार की संस्था थी कंपनी का पूर्वी केंद्र बेटबिया में स्थित था कोई मतलब नहीं है सोलह सौ ईस्वी में डच संसद द्वारा डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई ऊपर के सारे पॉइंट आप छोड़ सकते हैं केवल एक पॉइंट यहां पर कि 1602 में इसकी स्थापना होती है भारत में डच कहां कहां है पूर्वी भाग में आए पूर्वी तटीय क्षेत्र में आए पश्चिमी तट पर यानी इन तीनों क्षेत्रों में उन्होंने क्या किया अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की मेरे प्यारे बच्चों तो एकदम लगे रही है दबा दब दबा दब पहले मैं पानी वानी कम पीता था लेकिन दवाओं के कारण पानी ज्यादा पीना पड़ रहा ठीक है तो भारत के पूर्वी भाग पूर्वी तटीय क्षेत्र और पश्चिमी तट पर डचों ने अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करी पहली फैक्ट्री 1605 में मसूलीपट्टनम में दूसरी 1610 सो में पुलिकट में 1616 में सूरत में और उसके बाद फिर डिमलीपट्टनम में 1641 में 1645 में ठीक है ना फिर करिकल में सोलह में चिंसूरा में सोलह में फिर ये उनकी इतनी फैक्ट्रियां थी कहां कहां नहीं थी डेट मत याद करिएगा पहली याद कर लीजिए केवल मसूलीप्तनम फिर पुलिकट फिर सूरत फिर बिमली बिमलीपट्टनम क्योंकि पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से किस ऑब्लिक किन स्थानों पर डच फैक्ट्री थी या डच फैक्ट्री नहीं थी तो ये करिकल में थी चिंसुरा में थी कासिम बाजार में थी पटना में थी बालासोर में थी नेगापट्टनम में थी याद रखिएगा, और कोचीन में थी ऐसे भी पूछ सकता कि निम्नलिखित में से कहां पर सभी की थी जैसे कोचीन है तो लगभग सभी की फैक्ट्रियां थी तो यह ऐसे भी पूछ सकता कुछ भी पूछ सकता भैया तो अब आप समझ गए होंगे ना कि लाइन बाय लाइन पढ़ना नहीं है क्या करना है लाइन बाय लाइन 360 डिग्री एमसीक्यू तो लाइन बाय लाइन क्या करना है 360 डिग्री 360 डिग्री माइंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाना है यह पॉइंट आपको ध्यान में रखना क्या करना है माइंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाना है कि कहां थी किसकी थी क्या नहीं थी और पढ़ते ही टाइम एक कॉपी एक पेपर भी रखा करिए इधर देखिए पढ़ते ही टाइम एक पेपर भी रखिए ऐसे एक एक पेपर रखिए ऐसे एक पेपर रखिए और एक मिनट रुक जाइए थोड़ा बता देता हूं ठीक है ना एक पेपर रखिए पेन को पकड़िए और जैसे आइडिया लगाई जैसे मैंने अभी बताया ना कि, कि किसकी फैक्ट्री कहाँ थी तो चिंसुरा में ऐसे टिक लगाइए चिंसुरा ये हो गया ये हो गया ये हो गया मतलब एकदम जैसे होता ना हमेशा प्रैक्टिकल मोड में रहिए लेट गए पढ़ रहे फोन आया हेलो हाँ नहीं नहीं बस पढ़ रहे यार डच पढ़ रहे हैं आज क्या आया फोन आया डच पढ़ रहे अब यार पूरा आपका रिदम ही टूट गया तो प्लीज़ यार तीन महीना फ़ोन वगैरह प्लीज़ दूर कर दीजिए दूर कर दीजिए फोन वगैरह मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं थोड़ा चेंज भी हो जाएगा आपका मूड आप लोगों को मैंने बताया था मेरा पेट निकल गया था और दो महीना पहले मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया जब उसको समाप्त करने के लिए फ्लैटन करने को बिल्कुल फ्लैट हो चुका है दो महीने के अंदर ही कैसे ये पॉसिबल हुआ कितना निकल आया हो बिल्कुल से एकदम से फ्लैट हो गया हो कैसे तो जब मैं खुद वर्कआउट कर रहा था जरा समझिएगा बड़ी अच्छी कहानी है ये ठीक है दो मिनट की क्योंकि मैं मुझसे आप पढ़ते हैं तो आपको ये जाना चाहिए कान में म्यूजिक लगा लेना फिर जितना हो रहा है उतना करना ऐसा समथिंग तो मैंने जो मेरे कोच साहब थे पर्सनल कोच मैंने हायर किया था उन्होंने मेरे आ, मतलब ईयर से जो ईयर बड था मतलब जो आपका उसको हटा दिया और उन्होंने कहा कि जरा अब महसूस करिए उन्होंने मुझे एक उदाहरण दिया समझिएगा गाना हटा दिया खींच दिया मेरे कान से क्योंकि वो कुछ समझा रहे थे म्यूजिक की वजह से मैं बहुत अच्छे से समझ नहीं पा रहा था मतलब वो कह रहे थे कि बॉडी ऐसे लेके जाओ कुछ भी तो उन्होंने मेरे कान से उसको निकाल दिया ठीक है फिर उन्होंने मुझसे कहा कि ये बताइए कि 1960 में 1950 में भी बॉडी बिल्डर्स होते थे उस समय क्या म्यूजिक सिस्टम होता था और उस समय के बॉडी बिल्डर आज के बॉडी बिल्डरों से नेचुरल थे और ज्यादा ताकतवर थे यानी अगर एक्चुअल ताकत देखा जाए तो सारे रिकॉर्ड उन्हीं लोगों के नाम है तो मैंने कहा कि सर क्या मुझे मतलब मैंने उनसे अनभिज्ञ हुआ मैं मैंने कहा कि नहीं सर मुझे नहीं आप, आप बताए तो उन्होंने कहा इसलिए चूंकि वो नेचर के साथ कनेक्ट थे वो जब कोई वर्कआउट करते थे एक्स या वाई तो वो फील करते थे ठीक है ना कि उनकी बॉडी कैसे रन कर रही आप म्यूजिक फील करते हैं केवल आपका हाथ चलता है आपका पैर चलता है वो बात मुझे बड़ी अच्छी लग गई सर की उसके बाद से मैंने म्यूजिक सुनना बंद कर दिया महसूस करता हूं कि क्या उसका रिजल्टेंट अच्छा मिला तो यही आपको कहना चाह रहा हूं छोड़ दीजिए अब आप, आप क्या करेंगे पढ़ रहे हैं हाँ कौशल हाँ अरे नहीं यार चल रही है पढ़ाई हाँ हाँ हाँ, हाँ, हाँ ना 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 सही चल रहा है बस अभी पुर्तगाली पर हटके पड़े हाँ यार अरे वो सुनील सर यार एक कल संडे तक खोपड़ी खा गए और जो है कि चिंसुरा बिमली में किसका किसका था जो है यार वसीम खोपड़ी खा लिए थे तुम्हें पता है यार खोपड़ी खाते रहते हैं वो चल यार रख यार अगर नहीं पढ़ेंगे तो कल फिर खोपड़ी खाएंगे चलो यार रखो समझ रहे हो ना तो ये 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 जो ये जो ये जो होता ना ये प्लीज फोन हटाइए मतलब पढ़ अब जैसे हम लोग क्लास ले रहे हैं उसके बाद जब आप अपना रिवीजन करिएगा तो फोन बिल्कुल हटाइएगा तीन महीने की बात है तीन महीने की बात है ये चीज याद रखिए क्लियर है तो ये ये हो गया ठीक है ना अब इसके बाद क्या किया कि यहां पर बताया गया कि गुलगुंडा के सुल्तान जिंजी मदुरई तंजोर के नायकों ने डचों को कम शुल्क पर व्यापार करने की छूट दी क्या है गोलकुंडा के सुल्तान तो ये सब बहुत कोचीन के मुत्ता को, कोई मतलब नहीं ठीक है ना बस हो गया इतना ही आपको यहां से देखना है यानी उनको हर जगह से शुल्क मुक्त इनको भी मिला ठीक है ना ये आप याद रखिएगा सोलह में हुगली क्षेत्र से पुर्तगालियों को डचों ने हटाना शुरू कर दिया और सोलह सो श्रीलंका से डचों ने पुर्तगालियों को हटाया तो यानी पुर्तगाली एक दूसरे को वो जो है धकेल रहे थे डच व्यापार क्या क्या था एशियाई संपर्क के आरंभिक चरण में डच मूलता काली मिर्च एवं अन्य मसालों के प्रति रुचि रखते थे आपको पता है मेन इनका टारगेट यही था मेन इनका टारगेट यही था यह मसाले मुख्यतः इंडोनेशिया में मिलते थे अतः डचों का वह मुख्य केंद्र बना तो यह याद रखिएगा डचों की एक पॉइंट बड़ा अच्छा है कि डचों की प्रारंभिक रुचि हमेशा मसालों में थी इसीलिए उनकी जो रुचि वो इंडोनेशिया के मार्केट में ज्यादा बनी ठीक है ना तो यह चीज यहां पर याद रखिएगा उन्होंने कोरोमंडल जो तट है अपना ठीक है ना कोरोमंडल तट से भारतीय वस्तुओं का दक्षिण पूर्व एशिया में लाकर भारी मुनाफा कमाया मद्रास के दक्षिण में उनका एक क्षेत्र था डास्टम विशेष वस्त्र हेतु प्रसिद्ध था मसूली पट्टनम से उन्होंने नील का निर्यात किया डचों ने शोरे के निर्यात व्यापार को प्रोत्साहित किया यानी अब डच किस किस चीज का व्यापार कर रहे हैं वो नाम आपको डच किस किस चीज का व्यापार कर रहे हैं वो नाम आपको याद रखना आवश्यक है फिर अफीम रेशम और सूती वस्त्र का भी इन्होंने जो है जावा और चीन में बेचकर लाभ कमाया किसका अफीम का रेशम का सूती वस्त्र का अब आप याद रखते हैं ठीक है ना और डच दलालों के माध्यम से बुनकरों से संपर्क करते थे याद रखिएगा यह सिंपल सा बात है ठीक है और कासिम बाजार में रेशम की चक्री का उद्योग भी यानी रेशम का उद्योग भी स्थापित किया जहां पर रेशम बनता था तो ये है डच व्यापार किस किस चीज का व्यापार केवल बस और कुछ मत पड़ेगा केवल इस इस पैरा अच्छा एक चीज मैं और आप लोगों को सिखाता हूं कि पैराग्राफ कैसे पढ़ना है तो क्या बोलता हूं कंगारू स्टाइल क्या बोलता हूं कंगारू स्ट्रेटजी आइए देखते हैं एक बार सिखाता हूं ये क्या है जरा सीख लीजिए कंगारू पढ़ने की कंगारू स्ट्रेटजी क्या है कंगारू कंगारू कैसे कल्चर ठीक है ना एक कदम फिर लंबा फिर यो लंबा तो कंगारू ऐसे देखिए अब हमें पढ़ना है डच व्यापार हमें पता है प्रीवियस क्वेश्चन से कि भाई केवल यही पूछता है किस चीज का ये लोग व्यापार करते थे तो बस फटाफट देखिए कैसे काली मिर्च एवं अन्य मसाले फट फटाफट इसके बाद फिर क्या है फिर उसके बाद उसके बाद उसके बाद वस्त्र फिर इसके बाद क्या आ नील फिर इसके बाद अगला आ गया सोरा फिर आ गया रेशम फिर आ गया सूती वस्त्र खत्म इसे बोलते हैं कंगारू स्ट्रेटजी पढ़ने की और ये अब खासकर मई और जून में खासकर कंगारू कंगारू रिवीजन इसे आप बोल लीजिए कंगारू रिवीजन, ये भी एक वर्ड है जो मैं आपको दे रहा हूँ कंगारू रिवीजन, ये सब मेरे वर्ड हैं जो आपको म, मतलब अच्छा लगेगा आपको सुनकर के कंगारू रिवीजन। तो कंगारू रिवीजन का मतलब क्या हो गया कंगारू रिवीजन का मतलब हो गया ये मई और जून में आपको मदद करेगा ऐसे ही करते हैं पूरी लाइन नहीं पढ़ते हैं आपको चूंकि पढ़ते पढ़ते सब याद अच्छा ये अच्छा ये अच्छा ये अच्छा ये अच्छा दैट्स कॉल कंगारू रिविजन यही रिविजन आप सब स्टार्ट कर देंगे मुझे लगता है ज्यादा बेस्ट होगा अब आते हैं डच अंग्रेज संघर्ष और ऑब्वियस है डचों का पतन तो बताने की आवश्यकता नहीं है पुर्तगालियों के नियंत्रित क्षेत्र गोवा ठीक है ना तो ये ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है ठीक है ना ठीक है ये बिल्कुल भी नहीं क्योंकि हम लोगों ने पहले ही कर लिया है तो इसको आप एक बार कर लीजिएगा कोई मतलब नहीं है इनके बीच में संघर्ष हो रहा है और अंततः समझौता हो जाएगा अभी हमने पीछे ही पढ़ा था अभी हमने पीछे ही पढ़ा था कि समझौता हो गया ठीक है इनकी रुचि यहां थी भी नहीं तो कोई इश्यू नहीं है अब आते हैं फ्रांसीसी तो पिछला वाला आप पूरा छोड़ सकते हैं आपको टाइम खराब करने की आवश्यकता नहीं फ्रांसीसी फ्रांसीसियों का भारत आगमन अब आप देख सकते हैं तो अभी ऐसा क्यों आएंगे तो इसमें भी इनकी कंपनी का नाम क्या था कंपनी ईस्ट इंडिया द कंपनीज देश इन इन देश ओरिएंटलिस द कंपनी देश इन देश ओरिएंटलिस इनका नाम याद करेगा इनकी कंपनी का नाम था सबका नाम था फ्रांसीसी जो पुर्तगाली कंपनी थी उसका क्या था एस्तादो द इंडिया नाम था क्या था एस्तादो द इंडिया नाम था इनका नाम ये था ठीक है ना तो ये ठीक है इसका फ्र... एक फ्रेंको कैरो साहब थे यह पहली कोठी इन्होंने ही सूरत में स्थापित करी तो हो गया भैया सूरत में पहली फैक्ट्री बस इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर इसके बाद फ्रांसीसी कंपनियों का पुनर्गठन तो कुछ भी खास नहीं फ्रांसीसियों ने 1721 सो ईस्वी में मॉरिशस 1725 में मालाबार में स्थित माहे और सत्रह में कराइकल पर अधिकार कर लिया तो यह आप यहां पे देख सकते हैं कहां कहां पर तो फिर वही प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ऑब्लिक किन स्थानों पर निम्नलिखित में से किस ऑब्लिक किन स्थानों पर क्या था यानी कि फ्रांसीसियों का जो है बेस था तो बस उनकी फैक्ट्री थी तो बस वही सारे नाम यहां पर आपको याद रखने ठीक है बच्चों तो ये हो गया आपका यहां से अब देखिएगा पांडिचेरी को अब ये इंपॉर्टेंट है दिस इज इंपॉर्टेंट पांडिचेरी को क्यों क्या किया गया फ्रांसीसी बस्तियों का मुख्यालय बना दिया गया मानव सब सत्रह सो एक पांडिचेरी तब तो आप देख सकते हैं। और फ्रांसीसी मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी मामलों का महानिदेशक बनाया गया और जब गवर्नर डुप्ले आया तो फ्रांसीसी प्रभुत्व की यहां पर स्थापना होती है आपके सामने भारत में फ्रांसीसी शक्ति का प्रचार होता है तो सोलह सौ बहत्तर ईस्वी में फ्रांसीसियों ने मद्रास के निकट सेंट टोमे को जीत लिया परंतु अगले वर्ष उनका नौसेना अध्यक्ष दिल्ला डीला गोलकुंडा के सुल्तान और डचों की सम्मिलित सेना द्वारा पराजित हुआ तथा डचों को सेंट टोम में देने के लिए बाध्य हुआ यह सब कहानी है इसको बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं ये डीप में तब जाएंगे आप लोग जरूर इसको एक एक लाइन पढ़िएगा क्योंकि अभी हम लोग सब्जेक्ट वाइज टेस्ट करेंगे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी करेंगे अभी हम विजन वाला कंप्लीट टेस्ट कर रहे थे अब हम लोग क्या करेंगे तो ये आप अलर्ट रहिएगा ठीक है ना तो ये हो गया आपका सोलह सौ निदेशक फ्रेंको मार्टिन और बेलाग ये जो थे या गैर पेशेवर सैनिक था जो एडमिरल दिला हे के स्थान पर आया था इन्होंने बालिकोंडापुरम के मुस्लिम सुबेदार शेर खान लोधी से एक छोटा गांव प्राप्त कर एक फ्रांसीसी बस्ती स्थापित की जिसे पांडिचेरी के नाम से जाना जाता है तो पांडिचेरी को किसने बनाया फ्रेंको मार्टिन ने और बेलाग लेस्पिने ने यह पूर्ण रूप से किलापन बस्ती थी ये 360 डिग्री एमएमसीक्यू प्रीलिम्स का क्वेश्चन है ये क्या है 360 डिग्री एमएमसीक्यू प्रीलिम्स का क्वेश्चन है ये चीज आपको दिमाग में रखना तो ये हो गया आपका यहां से अब आगे आते हैं सोलह सो ईस्वी में फ्रेंको मार्टिन इस बस्ती का प्रमुख नियुक्त हुआ अंग्रेज समर्थित डचों ने अब अंग्रेज देखिए समर्थन कर रहे थे किसका डचों का सोलह सो में फ्रांसीसियों से पांडिचेरी ले लिया परंतु सोलह सो में यूरोप में एक रिजविक की संधि हुई थी उसके द्वारा इसे लौटा दिया गया यानी कि अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष जो भी इंडिया में हो रहे थे वो सब यूरोप का एक उत्पाद था प्रोडक्ट था तो आप देख सकते हैं यानी यहां पर यह देखा जाएगा अब क्या प्रश्न बनेगा जरा सतर्क रहिएगा 360 डिग्री एम एम सी क्यू में यहां पर प्रश्न क्या बनेगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और एक विकल्प आएगा कि फ्रांसीसियों के विरुद्ध पॉइंट को नोट करिए फ्रांसीसियों के विरुद्ध फ्रांसीसियों के विरुद्ध अंग्रेज और डच सम्मिलित होकर के लड़े अगर इस टाइप का कोई विकल्प रहेगा तो क्या हम आज की क्लास के पहले इस चीज को समझ पाए थे तो यह चीज अगर आप समझ पाए थे बहुत अच्छी बात है नहीं तो हमने यानी पढ़ कुछ और रहे लेकिन प्रश्न कुछ और दिमाग में चलाते रहना है हम क्या करते हैं डायरेक्ट पढ़ते हैं तो ये चीज याद रखे अब आते हैं आंगल फ्रांसीसी संघर्ष ठीक है ना तो अब बताने की आवश्यकता नहीं बंगाल के सुबेदार साइस्ता खान ने सोलह सो ईस्वी में फ्रांसीसियों को एक स्थान दिया जहां सोलह सो ईस्वी में उन्होंने चंद्रनगर की प्रसिद्ध फ्रांसीसी कोटी यानी पहली कोटी फिर दूसरी पहली कहां सूरत में पहला सबका याद रखना है तो पहला कहां सूरत में दूसरा चंद्रनगर आपके सामने देख सकते हैं अब देखिए व्यापारिक अधिकार के लिए अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच तीन युद्ध होते हैं पहला जिन्हें हम कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं तीन पहला दूसरा और तीसरा पहला होता है सत्रह सो चालीस से सत्रह सो अड़तालीस में दूसरा सत्रह सो इक्यावन से सत्रह सो पचपन में और तीसरा सत्रह सो से सत्रह सो तिरसठ ईस्वी में यह युद्ध होता है ठीक है ना पेरिस की संधि ने भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य के विस्तार के लिए डुपले द्वारा रखी गई मजबूत नींव को उखाड़कर फेंक दिया फ्रांसीसियों की पराजय ने भारत के लिए राजनीतिक गुलामी का मार्ग खोला पुर्तगालियों एवं डचों को पराजित करने के बाद फ्रांसीसियों को हराकर अंग्रेज ने अपना एक चतुराज्य स्थापित कर लिया इसके बारे में ठीक है ना आप इतना जो कुछ भी होगा डिटेल इसके बारे में यानी यह वाला पार्ट आप खुद कर लेंगे कुछ खास नहीं है फ्रांसीसियों की असफलता के कारण क्या रहे तो भारत में फ्रांसीसियों की पराजय अथवा असफलता के लिए अनेक छोटे बड़े स्तर पर उत्तरदायी कारक थे देखिए क्या क्या कारक थे का क्वेश्चन अंग्रेजों की व्यापारिक क्या क्या कारण थे आपके सामने देखिए पहला है अंग्रेजों की व्यापारिक तथा आर्थिक श्रेष्ठता थी कंपनी का स्वरूप यानी कि फ्रांसीसी कंपनी सरकार के द्वारा नियंत्रित थी जबकि ब्रिटेन की कंपनी जो थी वह निजी कंपनी थी अंग्रेजों की बंगाल विजय यानी जो चाबी डुपले ने जो है दक्षिण भारत में खोजी उसे बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव ने खोज लिया डुपले की फ्रांस वापसी लाली की अधूरदर्शिता यानी काउंट दी लाली जो गवर्नर था मतलब एक सॉरी प्रशासक था उसकी अधूरदर्शिता विलियम पिट की नीति यूरोपीय राजनीति यानी कि यूरोप में इनके मध्य बढ़ने वाला संघर्ष और परस्पर संधि अंग्रेज अंग्रेजों में परस्पर सहयोग की भावना फ्रांसीसी जल सेना का ब्रिटेन की जल सेना की तुलना में कमजोर होना तो ये सारे रीजन प्रिलिम्स के लिए आए तो आप इसको यहां पर लगा दीजिएगा तो ये हो गया आपका यहां से ठीक है अब आगे बढ़ते हैं निष्कर्ष तो बताने की आवश्यकता नहीं है तो आर्थिक राजनीतिक सामाजिक तीनों कारणों से इनका पतन होता है प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन जरा आप लोग इसके बारे में आंसर करिए हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था चलिए बताइए आई एस उन्नीस में आया था ये आपका होमवर्क है यह प्रीवियस क्वेश्चन आप इस पर जुगाड़ लगाइए ठीक है ना हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था पुर्तगालियों ने डेनमार्कवासियों ने फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों ने भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहां पर बनाया फटाफट इनका आंसर दी जब तक मैं अपनी चाय खत्म कर लू फटाफट इसका आंसर करिए फटाफट पहले पहले वाले का दीजिए फिर दूसरे वाले का ऐसे मत दीजिए ऐसे समझ में नहीं आगा कौन क्या दे रहा है पहले पहले वाले का दीजिए फिर दूसरे वाले का पहले पहले वाले का फिर दूसरे वाले का बच्चों पहले पहले वाले का फिर दूसरे वाले का पहले वाले का हुगली को बंगाल की खाड़ी में किसने बनाया यस yes, बहुत बढ़िया पहले में सब बच्चे ये मार रहे हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया दूसरा दूसरा मेरे बच्चों दूसरा दूसरा बहुत बढ़िया दूसरा भी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आप देखो प्रिलिम्स हो गया आपका खेला अब मेन्स हो जाएगा मेरा खेला ठीक है ना आइए भारत की चाबी को मद्रास में खोजने की डुपले ने एक मौलिक भूल की क्लाइव ने प्रयास किया और उसे बंगाल में पाया समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए ऑप्शनल में आया था 2013 में अब पॉइंट इज क्लियर तो चाबी का कॉन्सेप्ट एक बनाया जाए फिर से चाबी का कॉन्सेप्ट बनाया जाए जरा आइए देखते हैं चाबी क्या होती है ठीक है तो आइए देखते हैं जरा चाबी थोड़ा सीखा जाए थोड़ा आनंद लिया जाए पढ़ाई का ऐसे बोरिंग पढ़ाई से क्या मतलब है जिसमें हम कुछ सीखे ना ठीक है आइए तो सीखने की कोशिश करते हैं चाबी चाबी का मतलब क्या होता है यानी देखिए कहां गया कहा गया कह रहा है ये इस प्रश्न का मेन एक्टर कौन है चाबी मैं रेड पेन अगर ले लूं तो यहां पर मैं लिख सकता हूं क्या है चाबी यानी इसको क्या बोलते हैं की ये देखिएगा की यानी की अगर आप मद्रास में खोजते हैं तो इसको प्रश्न में कहा गया यह भूल है जो कि डुपले ने किया अगर आप बंगाल में करते हैं तो यह बुद्धिमानी है अगर बंगाल में करते हैं तो यह बुद्धिमानी है बंगाल में करते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो यह क्या है बंगाल में करते हैं तो यह बुद्धिमानी है और किसने किया बंगाल में करते तो इसे किसने किया क्लाइब ने किया यानी रॉबर्ट क्लाइब ने किया किसने किया अभी बच्चों देखो अभी एकदम टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे ना तब और मैं आपको पता है कि मैं मतलब ठीक है बताने की जरूरत नहीं जैसे जैसे अभी हैवी टॉपिक आएंगे ना अभी तो ये पुर्तगालियों का आगमन इनका आगमन ये कोई टॉपिक नहीं थे फिर भी हम लोगों ने इसमें इंटरेस्ट लाने की कोशिश करी आगे अभी आप आएंगे तो जहां एनालिसिस आएगा ना फिर एकदम से एकदम जबरदस्त ठीक है ना तो मद्रास हो गया बंगाल आए अब देखिए रॉबर्ट क्लाइब अब देखिए समझिएगा यानी ये बुद्धिमानी थी किसकी रॉबर्ट क्लाइब की तो यहां पर की का मतलब क्या है की का मतलब होता है बच्चों बेस यानी आधार यानी आपके पास जब तक बेस नहीं होगा तब तक आपके पास सुपर स्ट्रक्चर नहीं होता हालांकि मार्क्स की थ्योरी है लेकिन मैं यहां पर मार्क्स की थ्योरी को ही अप्लाई कर रहा हूं अब उनका समाजवाद के रेफरेंस में यानी सत्ता पर तो जिसके पास बेस नहीं होगा तो उसके पास सुपर स्ट्रक्चर बेस का मतलब होता है बच्चों पूंजी क्या है इसको बना लीजिएगा आप लोग इसको कॉपी में बनाइएगा बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को इसको बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को तो जैसे बेस यानी पूंजी क्या है ये पूंजी तो ये पूंजी है बेस यानी पूंजी तो जिसके पास पूंजी नहीं है धन नहीं है तो सुपर स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है बच्चों एक मिनट के लिए मैं थोड़ा इस इसपे क्योंकि थोड़ा सा कैमरा नीचे होने के कारण मुझे बैठना पड़ जाएगा एक मिनट के लिए तो बेस स्ट्रक्चर क्या होता है जरा एक मिनट में नहीं तो आप लोग कहेंगे मैं देख नहीं रहा अब देखिए सुपर स्ट्रक्चर में क्या होता है सुपर स्ट्रक्चर में होता है बच्चों राजनीति सुपर स्ट्रक्चर में क्या होता है प्रशासन सुपर स्ट्रक्चर में होता है धर्म सुपर स्ट्रक्चर में होता है सभी प्रकार की संस्कृति यानी साहित्य कला नृत्य संगीत सब ये सब खेल वेल सब कुछ भी तो जिसके पास पूंजी होती है ना उसी के पास ये सब होता है तो अब जब बंगाल चाभी कैसे था यानी अब यहां पर आते हैं हम लोग इसको पूंजी मतलब बंगाल कर देते हैं चाभी मतलब बंगाल कर देते हैं ठीक है ना और मद्रास तो बंगाल और मद्रास की अगर हम तुलना कर दें एक पॉइंट में देखो मैंने पिछली बार जैसे पढ़ाया था उससे अलग पढ़ा रहा हूं <laughs> आप सब ने पिछली बार भी पढ़ा है और इसी विपिन चंद्रा के एन सबसे ज़्यादा अभी तक वो में व्यूज है उसमें एक बार आप लोग देखिएगा तो उसमें मैंने चाबी अलग ढंग से खोली है यहां अलग ढंग से खोल रहा हूं मैं इसीलिए कहता हूं कि एनालिसिस आपको ऐसे ही सिखाना चाहता हूं कोई बना बनाए ढर्रा डर रहा नहीं होता आपको सीखना है बस कोई भी आए हम लिख लेंगे ये आपके अंदर मैं डेवलप करना चाहता हूं तो देखिए अब बंगाल और मद्रास की अगर हम तुलना करें तो तो भाई बंगाल उस समय का सबसे समृद्ध प्रदेश था क्या मद्रास था तुलना करिए क्या मद्रास था क्रॉस लग गया कि नहीं था लग गया क्या कि नहीं था क्लियर है बच्चों यानी मद्रास नहीं था क्या था मद्रास बिल्कुल भी नहीं था ये आप ध्यान कर सकते हैं फिर इसके अलावा यानी बंगाल सबसे बंगाल क्या था मेरे प्यारे बच्चों बंगाल एक समृद्ध बंदरगाह नगर था यानी कलकत्ता सबसे व्यस्ततम बंदरगाह था क्या ये था नहीं था बंगाल में एक बहुत बड़ी जनसंख्या थी एक आबादी थी आप सबको पता है ठीक है ना और समृद्ध बंदरगाह होना एक बहुत बड़ी बात है समृद्ध बंदरगाह होना एक बहुत बड़ी बात है उसके पीछे रीजन है चूंकि वो नौसैनिक शक्ति थे क्लियर है तो ये जो की है ये कंपेयर है इसके बारे में इसके अलावा वहां पर अनुकूल राजनीतिक स्थिति थी यानी कि जब मुर्शिद कुली खां के बाद अलीवरदी खां की मृत्यु होती है अलीवरदी खां की तो उसके बाद उसका कोई योग्य यो, मतलब कोई उसका सीधा उत्तराधिकारी होता नहीं तो इसका मतलब वहां पर हस्तक्षेप करने की गुंजाइश भी थी और मद्रास में ऐसा कुछ भी नहीं था तो ये सारी स्थितियाँ ऐसी बन करके आई जिसने क्या किया कि डुपले को कमजोर किया और रॉबर्ट क्लाइव की बुद्धिमानी को प्रमाणित किया और उसने बंगाल के राजस्व से अथाह राजस्व से यहीं का माल खरीद करके और उसे अपना निवेश कह करके अधिकतम लाभ कमाया और यहाँ के सुपर स्ट्रक्चर धीरे धीरे राजनीति पर कंट्रोल किया फिर सत्रह सौ में द्वैध शासन के माध्यम से दीवानी का सीधा प्रशासन अपने हाथ में लिया निजामत यानी सामान्य प्रशासन पुलिस कानून को इनडायरेक्टली ले लिया ठीक है ना और उसके पश्चात यहां से पूरा का पूरा नियंत्रण भारत में प्रारंभ कर दिया तो क्या अब हम कह सकते हैं क्या आप इस बात को कह सकते हैं कि भारत की चाबी को मद्रास में खोजने की डुप्लेक्स ने एक मौलिक खोज की एक मौलिक भूल की लेकिन क्लाइब ने वह बंगाल में खोज ली क्यों बिकॉज आप वहां बेस था जिस पर सुपर स्ट्रक्चर निर्मित हो सकता था मद्रास में बेस नहीं था जिस पर सुपर स्ट्रक्चर निर्मित तो नहीं हो सकता था हंड्रेड परसेंट क्लियर हुई कि नहीं है एकदम सौ परसेंट क्लियर हुआ कि नहीं ऑप्शन वाले बच्चे बताएं एकदम सौ परसेंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ अब आप विचार करिए तो क्या है दिस इज द यूपीएससी अब देखिए अगला दो, दो में आया बच्चों ऑप्शनल में अगला आया देखिए जीएस में कहा गया भाई हाँ भारत में क्षेत्रीय साम्राज्य स्थापित करने की फ्रांसीसी महत्वाकांक्षा पर टिप्पणी कीजिए फ्रांसीसी महत्वाकांक्षा ऑब्वियस है आपको पता लग गया सूरत आपको लग गया जो है चंद्रनगर आपको लग गया पांडिचेरी यस महत्वाकांक्षा थी आते ही अपनी फैक्ट्री सूरत में स्थापित करी चंद्रगिरी में स्थापित करी पंडिच्चेरी में बेस बनाया मद्रास में बेस बनाया यस बिल्कुल उनकी इच्छा थी परंतु कमियां थी ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी में और वो कमियां क्या थी ये निजी कंपनी वो सरकवा जो असफलता के कारण थे वही बता दीजिए जिसके कारण से वह वह सफल नहीं रहा भारत में क्षेत्रीय साम्राज्य स्थापित करने में सफल नहीं रहा महत्वाकांक्षा थी जो फैक्ट आपने पढ़ा यस आते ही फैक्ट्रिया स्थापित करी सब कुछ किया अंग्रेजों के साथ संघर्ष भी किया प्रथम आंगल म, 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 प्रथम कर्नाटक सेकंड कर्नाटक थर्ड कर्नाटक सब कुछ किया स्थानीय शक्तियों में हस्तक्षेप भी किया लेकिन अंततः कुछ अंतर नहीं शक्तियों तो ये जो हस्तक्षेप हो रहा था जो वार हो रहे थे ये दिखा रहा है कि भारत में क्षेत्रीय साम्राज्य स्थापित करने की महत्वाकांक्षा फ्रांसीसियों की थी थी कि नहीं थी अरे भैया मेरे बच्चा भारत में क्षेत्रीय साम्राज्य स्थापित करने की फ्रांसीसी महत्वाकांक्षा अगर आपको लिखनी है तो इसके पहले पार्ट में क्या लिखेंगे भाई पहले फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का परिचय देंगे फिर बताएंगे आते ही उन्होंने सूरत में सोलह में फिर चंद्रनगर में सोलह में फिर पांडिचेरी में उन्होंने अपना बेस स्थापित किया फिर उन्होंने मद्रास की स्थानीय मतलब कर्नाटक की स्थानीय राजनीति में हस्तक्षेप किया पहली बार एक ऐसा डुपले था जिसने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया और अपने आप को मजबूत स्थिति में सेटल किया ऐसा लगा कि जो है फ्रांस यहां पर एक बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित होगा और जो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य कर्नाटक का वन टू एंड थ्री वॉर हुआ यह भी इस चीज को प्रमाणित करता है कि क्षेत्रीय साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे इसलिए अपनी प्रतिद्वंदी शक्ति ब्रिटेन से वो लगातार युद्ध कर रहे थे फिर उसके बाद ये हो गया फिर पैराग्राफ बोलिए परंतु कुछ अंतर्निहित कमजोरियों के कारण परंतु कुछ अंतर्निहित कमजोरियों के कारण से वह भारत में अपना क्षेत्रीय साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाए कमजोरी क्या है ये देखिए जाता और चक्का चल रहा है ठीक है ना यही है ना कमजोरियां जिसके कारण अब एक बार जरा कमेंट करके बताइए दूसरा प्रश्न एकदम इजी हो गया कि नहीं हो गया अदरवाइज आप चलिए हमने कहीं से भी पढ़ा आप बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा ठीक है ना इस क्लास के पहले इस प्रश्न के बारे में आप क्या सोचते तो मैं बस यही आपसे कहना चाह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों कोई भी यूपीएससी का सेट पैटर्न नहीं है स्टेट सिविल सर्विसेज का भी कोई सेट पैटर्न नहीं है कोई भी सेट पैटर्न कहीं का नहीं हमारी गलती होती है जब हम सेट पैटर्न ढूंढते हैं और वहीं से हमारी असफलता हमारे साथ खड़ी हो जाती देर आर नथिंग कुछ भी सेट पैटर्न नहीं है जो सेट पैटर्न है वो ये मेरे बच्चों बिनती है रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के ये इसको मजबूत करिए मेरा अपना एक ही है हम तो कह देंगे कि भैया हम तो अब अब जो आदमी पूरा पढ़ा रहा है अभी ये पढ़ाएगा पूरी शंकर आयस पढ़ाएगा पूरा जो है इकोनॉमिक्स की गारंटी आपको दी यानी चार विषय की गारंटी आपको दे चुका है इतिहास की आपको इकोनॉमिक्स की एनवायरमेंट की और पॉलिटी की सब आप लोग यूट्यूब पर लेक्चर और करंट अफेयर्स की तो अब आप खुद बताइए वो आदमी आपसे कह नहीं देगा कि हमने तो भाई सब पढ़ा दिया था ये सब सब आ गया है फिर कहा नहीं आपका होता है आप इस पर विचार करिए मैं तो कह दूंगा कि मैंने ही मैंने ही सब पढ़ा है इसलिए चूंकि आपको मैं प्रेसराइज नहीं कर पा रहा हूं कि अपने दिमाग को बड़ा करिए और मुझे बड़ी आलोचना इसके लिए सुननी पड़ती है कि आदमी केवल क्या करता है भाषण करता है ये करता है वो करता है यह भाषण नहीं है ये एक 18 से 20 वर्ष की शिक्षा पद्धति को पलटना है तो विष तो पीना पड़ेगा ना यह भाषण पुनर्जागरण है हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के लिए रीजनल माध्यम के अभ्यर्थियों के लिए भाषण नहीं है यह भाषण पुनर्जागरण का प्रतीक है कि इसको बड़ा करिए चूंकि पता नहीं है क्वेश्चन का पैटर्न क्या होने और क्या होने वाला है और दूसर का यह नहीं पता क्या आने वाला है यह भी तो नहीं पता है यह भी तो नहीं पता है आप विचार करिए जब हमें पैटर्न ही नहीं पता है तो कैसे कर पाएंगे तो इसके लिए ये 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 जिसका ये 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 इसको इतना चलाओ इतना चलाओ कि एकदम ये हॉर्स बन जाए दिमाग तो प्लीज बच्चों ठीक है इस पॉइंट से हमने सीखा अब देखो लगातार अच्छा खैर वही क्वेश्चन है ठीक है ना भारत में ने ठीक है ये हो ही गया आइए अब देखते ब्रिटिश विजय के समय भारत की स्थिति कैसी थी मुगल साम्राज्य के पतन के कारण तो मुगल साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे तो पढ़ने की जरूरत नहीं है अरे भाई मुगल साम्राज्य की स्थापना के समय जो परिस्थितियां थी तो मुगल साम्राज्य क्यों स्थापित हुआ जो कारण थे वही कारण पतन के होंगे नहीं समझे अरे भाई कोई अयोग्य उत्तराधिकारी रहे होंगे तो मुगलों को मौका मिला क्षेत्रीय शक्तियां परस्पर संघर्ष करती रहेंगी तो उनको मौका मिला यानी जो कमजोरी होती है वह सार्वभौम होती है मैं यहां पर यूनिवर्सल होती है वह केवल मुगलों के पतन के कारण नहीं पूरे इत, पूरा विश्व इतिहास पढ़िए अठारह के विद्रोह के पतन का कारण समझ गए दुनिया में किसी के भी पतन का कारण नेपोलियन के पतन का कारण दुनिया में किसी भी चीज के पतन का कारण वही होता है क्या होता है अयोग्य उत्तराधिकारी ऑबियस है जब निरंकुश शासन व्यवस्था होती है मोनार्किस्ट सिस्टम होता है निरंकुश निरंकुश का मतलब यानी राजा का शासन लोकतंत्र नहीं जब राजतंत्र होता है वंशानुगत शासन होता है तो वहां पर उत्तराधिकारी का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता अगर योग्य उत्तराधिकारी नहीं तो समस्या तो अयोग्य उत्तराधिकारी थे स्वाभाविक है तो मोनार्की में अयोग्य उत्तराधिकारी चल नहीं सकते थे फिर इसके बाद दक्कन में जो सैन्य अभियान हुए औरंगजेब के काल में तो जो राज्य का बजट था वो बजट क्या हुआ निगेटिव में चला गया राज्य का बजट निगेटिव में चला गया यानी युद्धों में जो खर्चा हुआ शाहजहां के काल में भी और फिर बाद में चल के औरंगजेब के काल में तो युद्धों के कारण बजट हमेशा निगेटिव में चला जाता है जैसे मैं इसको अगर इंटरलिंक करूं मेरे प्यारे बच्चों विश्व इतिहास से इसको अगर मैं इंटरलिंक कर दूं विश्व इतिहास से और यहां पर मैं लिख दूं फ्रांस की क्रांति क्या लिख दूं फ्रांस की क्रांति और फ्रांस की क्रांति में भी एक आता है क्या है यानी कि बजट उनका खराब हो गया था और फ्रांस की क्रांति इसीलिए हुई चूंकि उनके पास बजट यानी पैसा ही नहीं था और पैसा नहीं था तो मुद्रास्फीति और ना जाने क्या क्या समस्याएं बढ़ती चली जा रही थी तो क्यों नहीं था तब हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल जो पूरा सिस्टम था तो जो लुई चौदाहवा था फ्रांस की क्रांति जब हुई तो उस समय शासक कौन था लुई सिक्सटीन था बट लुई चौदाहवा उसने युद्धों में उस क्योंकि उसकी विस्तारवादी नीति थी तो वो युद्धों में खूब पैसा खर्चा किया लुई पंद्रहवें ने भी लगभग लगभग व्यवसाय किया तो वो दोनों योग्य थे वो समय समय पर कुछ डिसीजन ले लेते थे लुईस लुईसा डिसीजन लेने में अक्षम था इसलिए वह कोई डिसीजन कर नहीं पाया लेकिन राजकोष घटता चला गया अब राजकोष घटेगा तो जब सरकार के पास अपने अधिकारियों को देने के लिए वेतन नहीं होगा उद्योग चलाने के लिए सिस्टम नहीं होगा तो क्या होगा गरीबी भुखमरी महंगाई मुद्रा स्पीति और फिर आर्थिक रूप से एक आतंकवाद स्था? आतंक की स्थापना आर्थिक आतंकवाद यानी कि आर्थिक रूप से एक आस, मतलब एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि नागरिक विद्रोह करने के लिए तत्पर हो जाएंगे तो दक्कन में सैन्य अभियानों में अधिक धन औरंगजेब की धार्मिक की नीति जागीरदारी व्यवस्था का संकट यानी ऑबियस जागीरदार कौन होते थे ये मुगलों के द्वारा नियुक्त किए जाते थे ठीक है मेडल इंडिया में बताऊंगा तो ये एक प्रकार से ये प्रशासनिक एक कंट्रोल होता है जमींदारों के ऊपर यानी जमीदार जो भूमि के स्वामी थे जागीरदार जो उस भूमि का प्रशासन संभालते थे मुगलों की तरफ से तो जब जागीरदारी और जमींदारी दोनों में संबंध खत्म हुआ जमींदारों ने जो कृषक थे विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया तो स्वाभाविक है जागीरदारी जमींदारी का संतुलन टूट गया और जैसे ही जागीरदारी और जमींदारी का संतुलन टूटा तो ऑबियस है मुगलों के पतन का एक बड़ा कारण बना तो सतीश चंद्र अपने शोध अध्ययन में लिखते हैं मिडोल इंडिया जिन बच्चों को, को जमींदारी व्यवस्था के संतुलन पर ही मुगलों का स्थायित्व तो डिपेंड करता था और जैसे ही जागीरदारी जमींदारी व्यवस्था का यह संतुलन समाप्त होता विशेषकर इस पर सतीश चंद्रा जी का काम है तो वैसे ही क्या हो गया मुगलों का पतन हो गया आप

तो ये हो गया तो यह सारी बातें हैं मैंने आपको पहले ही बताया है यहां पर ठीक है ना यह सारी बातें हैं आंतरिक कमजोरियों के अलावा मुगल साम्राज्य को उत्तर पश्चिम से विभिन्न आक्रमणों के रूप में चुनौतियों का सामना करना पड़ा फारस के शासक नादिर शाह ने सत्रह में भारत पर हमला कर दिया लाहौर को जीत लिया और 13 फरवरी सत्रह को करनाल में मुगल सेना को पराजित कर दिया दिल्ली को ध्वस्त कर दिया इसने आक्रमणकारी ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया और शहर मलबे में तब्दील कर दिया नादिर शाह के पश्चात अहमद शाह अब्दाली ने अफगानिस्तान पर अपना पद कायम किया सत्रह में जब अंग्रेज प्लासी को जीतकर बंगाल में कदम रखते हैं सत्रह में मराठों पर एक महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की जो इतिहास में किसने अहमद शाह अब्दाली ने इतिहास में पानीपत के तीसरे युद्ध के नाम से जानी जाती तो ये सब घटनाएं बड़ी महत्वपूर्ण होती ये घटनाएं बड़ी महत्वपूर्ण होती मैं आप कहेंगे सर कैसे महत्वपूर्ण होती कैसे महत्वपूर्ण होती तो जरा देखिएगा अभी आपने प्रश्न किया बच्चों कौन सी घटना जैसे मैंने कहा कि पानीपत का थर्डवा अभी आपने देखा अगर मैं प्लासी में चाबी वाला प्रश्न अभी करा रहा था बंगाल में चाबी पाई क्लाइव ने डुपले ने द्रास में नहीं पाई अगर उसी प्रश्न में मैं एक थोड़ा सा चेंज कर दूं और आपसे पूछूं क्या पूछू हल्का सा चेंज लाते हुए आपसे पूछू मैं कि प्लासी की विजय ने भारत में अंग्रेजों के साम्राज्य स्थापना को सुनिश्चित कर दिया टिप्पणी कीजिए कमेंट कीजिए तो ठीक है पहले तो आप बताएंगे भाई प्लासी से क्या क्या मिला जो भी हम लोग पीछे बात करी चाबी चाबी वाला पार्ट चलो यस आप लिखेंगे हां यह तथ्य यानी कि जो भी आप पॉइंट में सारी चाबी वाला बताएंगे पैराग्राफ चेंज कर लिखेंगे यह तथ्य स्पष्ट रूप से इस बात को प्रमाणित करते हैं कि साम्राज्य स्थापना की दिशा में एक बड़ा कदम स्थापित किया पैराग्राफ चेंज परंतु सत्रह में पानीपत के तृतीय युद्ध से पहले जिसमें मराठों की अंतिम रूप से पराजय होती है हम यह नहीं कह सकते हैं कि सत्रह के प्लासी के वॉर ने अंग्रेजों के लिए साम्राज्य स्थापित करना संभव बना दिया था क्योंकि उस समय तक मराठे भारत की सबसे ताकतवर शक्ति थे सबसे जुझारू शक्ति थे क्या यह पॉइंट लिख सकते हैं नहीं लिख सकते फटाफट कमेंट करके बता दीजिए यह होता बच्चों मोती छोटे छोटे अपनी एक, एक गुरिया बनाई कॉन्सेप्ट की गुरिया एक सॉरी कॉन्सेप्ट की माला और उसमें एक एक मोती ऐसे सजाते हुए चले जाए ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते तब तक मैं पानी पी लेता हूं ठीक है तब तक मैं पानी पी लेता हूं यानी देखो हम पढ़ नहीं हमें क्या करना है हमें डूबना है हमें क्या करना है हमें इसमें डूब जाना है मेरे प्यारे बच्चों अब आगे चलते हैं। मुगल साम्राज्य के विघटन के कारण तो ये सारी चीजें होगी बताने की जरूरत नहीं है मैंने आपको बता दिया ठीक है औरंगजेब के पश्चात अन्य समस्याएं ये सारी चीजें हैं ये सारे रीजन है बताने की जरूरत नहीं है पूरा अब आते हम मराठा पढ़ते हैं नवीन राज्य यानी अठारहवीं शताब्दी के नवीन राज्य मराठा तो आइए सबसे पहले मराठा पर चलते हैं क्या क्या है? 1707 की कालावधि के पश्चात मुगलों के पतन यानी कि औरंगजेब की, औरंग की मृत्यु के पश्चात मुगलों का पतन मुगलों के पतन में ठोस चुनौती किसने प्रस्तुत करी पहले पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने इन्होंने मुगलों की आंतरिक कमजोरियों का लाभ उठाकर मराठा साम्राज्य को शक्तिशाली बना दिया बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र पेशवा बाजीराव बनता है और कटक से अटक तक मुगलों मराठों की पताका फैलाने का, का निर्णय करता है जिस पर आप लोग बाजीराव मस्तानी पिक्चर भी देख चुके हैं बाजीराव प्रथम महान पेशवा बाजीराव की तलवार पर कभी संदेह नहीं करते ठीक है ना ये हो गया दक्कन में हैदराबाद के निजाम को पराजित किया उत्तर में मालवा और गुजरात पर विजय प्राप्त की यहां पर कई संधियों वगैरह के नाम वो मैंने लिखे नहीं चूकी वो आएंगे नहीं मुंगी सिंह की संधि ये संधि कोई मतलब नहीं ठीक है ना इतना ही पढ़ना और फिर क्या किया कि इन क्षेत्रों से राजस्व एकत्र करने का अधिकार प्राप्त किया और राजस्व कैसे एकत्र करते थे उसको बोलते हैं चौथ जहां भी ये जीतते थे वहां से बच्चों ये चौथ लेते थे यानी चौथ मतलब कि आपको अपनी आय का एक चौथा हिस्सा एक चौथा हिस्सा जैसे सौ रुपया होता है तो इस सौ रुपये में से पच्चीस रुपये इनको देना पड़ेगा चौथ और ये चौथ व्यवस्था इनके पतन का कारण भी बना था क्योंकि ये जिन क्षेत्रों में अटैक करते थे सबसे वसूली करते थे और शक्ति से वसूली करते थे इसलिए सत्रह में जब मराठे पानीपत का युद्ध लड़ रहे थे इन्हें किसी शक्ति की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला था तो ये आप यहां से देख सकते हैं और वो बहुत बड़ी भूल थी एक विदेशी शक्ति के लिए सब लोगों को मिलना था तो एक कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा पॉइंट था ठीक है ना निजाम को मतलब उसने पराजित किया और दक्कन के क्षेत्र में चौथ वसूलने का अधिकार प्राप्त कर लिया चौथ क्या है मैंने आपको बता दिया ठीक है चौथ के चार पार्ट होते थे चार पार्ट होते थे मैं एक बार लिखता हूं एक बार ऐसे ही क्योंकि पूछ सकता है अब मैं एक एकाद भूल जाऊं तो उसके लिए बाबती सहोत्रा नाडगोंडा एक और होता था मेरा थोड़ा नाम भूल रहा हूं बाबती सहोत्रा गोंडा तो ये मतलब चार हिस्सा इसका हिस्सा मोकासा हां मोकासा बाबती सहोत्रा और नाड़ गोंडा यह कभी पूछ ले अगर क्या होता है मोकासा बाबती सहोत्रा गोंडा तो आप बोल दीजिएगा ये चौथ का जो बंटवारा होता था ये उसके लिए चार शब्द इस्तेमाल किए जाते थे इंपॉर्टेंट है ठीक है ना अब आप देख सकते हैं अब इसके बाद तीसरे पेशवा आते हैं बालाजी बाजीराव यानी कि जो बाजीराव प्रथम के उत्तर भारत दिल्ली की ओर कुछ यही करते हैं बालाजी बाजीराव यह भी इंपॉर्टेंट है कौन सा पेशवा दिल्ली पर सबसे ज्यादा दबाव बनाता है तो बालाजी बाजीराव ठीक है ना अब आप याद रखेगा तो इमादुद मुल्क को मराठों के मौन समर्थन से यानी इमादुद मुल्क को इन्होंने क्या बना दिया वजीर बना दिया यानी सीधा इनका दिल्ली में हस्तक्षेप हो गया इसलिए हम बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि जब तक मराठे थर्ड वार में पराजित नहीं हुए थे पानीपत के तब तक हम ये नहीं कह सकते हैं कि प्लासी के युद्ध में ही जो है विजय के पश्चात भारतीय साम्राज्य अंग्रेजों के पैरों में गिरा पड़ा था बिल्कुल भी नहीं क्योंकि तब तक ये इतनी बड़ी शक्ति मौजूद थे तो जो ऑप्शनल वाले बच्चे होंगे थोड़ा अलर्ट रहिएगा जो वास्तव में मुगल सिंहासन के पीछे की शक्ति बन गए थे बालाजी बाजीराव ने जल्द ही पंजाब को भी अपने नियंत्रण में कर लिया परिणाम स्वरूप मराठा और अफगानों के बीच झगड़े के जन्म के कारण सत्रह में पानीपत का युद्ध अपने चरम सीमा पर पहुंच गया बताने की की आवश्यकता नहीं ठीक है है ना और और अब एक प्रश्न होता है कि पानीपत हार में युद्ध का मुख्य कारण क्या था था तो पहला अफगानी सेना का पश्चिमी तर्क पर प्रशिक्षित होना यह बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है याद रखिएगा यहां पर क्यों क्योंकि जैसे हम लोग इतिहास में कभी कभी पढ़ते हैं आप लोग पढ़े भी होंगे और मैं आप लोगों से यह तर्क करना चाहता हूं चूंकि हम लोग यूपीएससी के एस्पेरेंट हैं तो एक अच्छा तर्क होना चाहिए जैसे हम देखिए कई बार कुछ किताबों में यह मिल जाता है कि पानीपत के युद्ध में जो है मराठी इसलिए पराजित हो गए क्योंकि उन्होंने गुरिल्ला वार को छोड़ दिया गुरिल्ला वार को छोड़ दिया अब जरा यहां पर मेरे मन में एक प्रश्न है हम लोग भी कभी कभी पढ़ाते हुए इस बात को बोल देते हैं लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आ, क्या इसको हम 100 परसेंट एक्सेप्ट करें इस कॉन्सेप्ट को तो मेरे मन में, में उत्तर आता है कि नहीं क्यों उसको मैं आपसे शेयर करता हूं आप विचार करिए कि पा, क्या पानीपत के मैदान में गुरिल्ला वार किया जा सकता था चलिए आप सबसे प्रश्न क्या पानीपत के खुले चौरस मैदान में गुरिल्ला वार किया जा सकता था गुरिल्ला वार तो भौगोलिक स्थितियों के हिसाब से चलता है चगवेरा की थे चीनी विचारक है चगवेरा वार कैसे चलता भौगोलिक स्थितियां तो महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थितियां ऐसी थी कि औरंगजेब के खिलाफ वो सब वार कर सकते थे लेकिन मैं आप सब बच्चों को ये पूछना चाहता हूं कि आप मुझे बताएं कि क्या ऐसा पानीपत के चौरस मैदान में ऐसा संभव था चौरस मतलब बिल्कुल खुला मैदान एक बार मेरे प्रश्न का कमेंट करिए तो थोड़ा किताबें पढ़ते समय भी हमें थोड़ा अपने दिमाग को जागृत करना क्योंकि देखिए हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और ना ही वो कहता है कि आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ के आइए ना वो कहता है कि आप स्पेक्ट्रम पढ़ के आइए ना कहता है एनसीआरटी वो कहता है कि आप पढ़ के आइए समझ के आइए आपकी समझ हम निकलवा लेंगे आप चिंता ना करिए रट के आएंगे तो आप फेल होंगे लेकिन अगर दिमाग को बड़ा करके आएंगे तो आपको कोई माइक लाल पैदा नहीं जो फेल कर सकेगा ये यूपीएससी खुद आपसे कहता है विचार करिए मेरा मतलब है कि मैं आपको जागृत भी करते रहना चाहता हूं इतिहास पढ़ने का मतलब यानी लकीर का फकीर पढ़ते चले जा रहे हैं तो विचार करिएगा तो इसका मतलब है अब अगर प्रीलिम्स का ये मैंने क्यों बताया ज्ञान बघारने के लिए नहीं इसलिए बताया क्योंकि फिल्म का प्रश्न कराने जा रहा था तो आपके मन में आता कि सर वार? नहीं प्रश्न आया कि क्यों हार गए तो सबसे बड़ा रीजन था पहला अफगान सेना का पश्चिमी तर्ज पर प्रशिक्षित होना दैट्स इट ठीक है तो ये आएगा कि मुख्य कारण क्या था मराठों की हार का मुख्य कारण वार मत मार दीजिएगा इसीलिए मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया है ये स्पेक्ट्रम में नहीं था ये मैं अपनी तरफ से ठीक है ना समझा रहा हूं आपको तो अफगानी सेना के पश्चिमी तर्द पर प्रशिक्षित होने के कारण मराठों को पानीपत युद्ध में हार का सामना करना पड़ा ये याद रखिएगा ठीक है अब अठारहवीं शताब्दी की सामाजिक आर्थिक दशा मेरे प्यारे बच्चों तो सामाजिक दशा आर्थिक दशा एक फार्मूला जिंदा कर दिया जाए और फिर फटा फटाफट पढ़ते चला जाए तो ये हो जाएगा आ जाएगा आनंद तो ये हो गया सामाजिक और आर्थिक दशाएं आपके सामने हैं मेरे प्यारे बच्चों तो सामाजिक दशा में क्या होता है आर्थिक दशा में क्या होता है तो सामाजिक दशा अगर पढ़ना है तो क्या क्या हमें जानना चाहिए टाइप टू कर दें जो बच्चे फर्स्ट टाइम सुनेंगे चलिए इसको टाइप वन कर देते नहीं बच्चे कहेंगे आवाज से ये चेंज टाइप टू की बजाय टाइप वन कहेंगे क्योंकि बच्चे कंफ्यूज जाते हैं प्लस वाले बच्चे और जो और बच्चे हैं जो लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हैं यूट्यूब पर उनको पता होता है टाइप वन अब इसको टाइप वन कर देंगे नहीं बच्चे बेचारे बेवजह हम कंफ्यूज रहते हैं सर टाइप टू तो बता दिए टाइप वन क्या है तो इसको हम टाइप वन करें यानी सामाजिक दशा अब हम ये जहां पढ़ने जा रहे हैं तो आप तो भाई एनसीआरटी भी पढ़ेंगे पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे तो आप एनसीआरटी पढ़ेंगे इस, इस टाइम में प्लीज तो जिससे कि एक भी क्वेश्चन मेरे बच्चों का गलत ना हो किसी भी काल की सामाजिक दशा चाहे अठारहवीं शताब्दी की या अठारह के विद्रोह के समय की सामाजिक दशा या जब राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तब की या स्वदेशी आंदोलन के समय सामाजिक स्थिति असहयोग आंदोलन के समय भारत छोड़कर समय सभी समय सभी समय किसी भी समय पर तो याद रखिएगा मेरे अरे मेरे प्यारे बच्चों ठीक है अरे अरे ठीक है तो क्या है यानी कि समाज में कभी भी जब हम ये सामाजिक वाला पार्ट पढ़ते हैं इधर ही आ जाता हूं ये जो सामाजिक वाला पार्ट पढ़ते हैं तो इस सामाजिक वाले पार्ट के कई बेस होते हैं बच्चों इसको हम तीन आधार पर बांटते हैं वर्ग ठीक है ना जो बच्चे पढ़ चुके कमेंट करेंगे तो और बच्चों को अच्छा लगेगा कि मेरे बच्चे केवल पढ़ते नहीं है उसको मेमोराइज भी करते हैं यानी सबसे पहले होता है संरचना समाज की संरचना होती है उस संरचना में होता है वर्ग फिर क्या होता है जाति फिर होता है लिंग यानी महिला पुरुष ट्रांसजेंडर ठीक है ना जाति लिंग ठीक है फिर होता है परिवार और फिर इसके बाद सुविधाएं आ जाती हैं सुविधाएं और सुविधाएं यानी कि उस समाज में रहने वाले इन सभी वर्गों को जातियों को वर्गों में भी उच्च मध्य निम्न ये तीन प्रकार के वर्ग होते हैं सुविधाओं में शिक्षा स्वास्थ्य पोषण कौशल ये सब होता है और फिर इसके बाद इनकी अपनी एक संस्कृति होती है यानी कि पर्व त्योहार नाटक मेले उत्सव तो यानी यहां पर यही बताया जा रहा है ठीक है ना तो ये आपको पढ़ना पड़ता है सामाजिक में ठीक है यही इतनी चीजें कि अठारहवीं शताब्दी को डार्क एज के रूप में विवेचित किया जाता रहा और यह दो महान साम्राज्य मुगल एवं ब्रिटिश के बीच का संक्रमण काल था भारत अब विषमताओं का देश हो गया था अत्यंत तो दरिद्रता और अत्यंत तो समृद्धि साथ साथ पाई जाती थी वैश्विक संदर्भ में भारत आर्थिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र नहीं था ना ही यूरोपियोम उत्तरी अमेरिका इतने धनवान थे जितना हुए उन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दी में बने तो ये भारत की सामाजिक आर्थिक आर्थिक मतलब कि आर्थिक का मतलब वही जो आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं यानी कि हमारे एग्रीकल्चर की स्थिति क्या थी पशुपालन वगैरह इंडस्ट्री हमारे यहाँ क्या क्या थी लघु उद्योग मध्यम उद्योग और इसके अलावा हम और भी हमारे पास यानी हम बीमा वित्त हुंडी ये सब करते थे कि नहीं करते थे बैंकिंग हमारे पास था कि नहीं था साहूकारी एक एक प्रकार से बैंकिंग था ये सारी चीजें तो यही होता है सामाजिक आर्थिक दशाएं यहां पर यही बताया गया कि अट्ठारहवीं शताब्दी डार्क एज का प्रतिनिधित्व करता अब मान लीजिए कोई आपसे पूछे कि अठारहवीं शताब्दी डार्क एज का मान लीजिए आपका हिस्ट्री ऑप्शनल और आपका इंटरव्यू होने वाला है आई का या पीसीएस का आपसे अगर प्रश्न पूछ ले कि अठारहवीं शताब्दी डार्क एज का प्रतिनिधित्व तो क्यों करता है अठारहवीं शताब्दी डार्क एज का प्रतिनिधित्व क्यों करता है अब आप बताएं तो अठारहवीं शताब्दी एज का प्रतिनिधित्व करता क्यों क्योंकि यह दो महान यानी मुगल और ब्रिटिश के बीच का संक्रमण काल था यानी कि जब मुगलों का पतन हो रहा था छोटी छोटी क्षेत्रीय स्वायत्त शक्तियां उदित हो रही थी जो परस्पर संघर्षरत थी जिसके कारण से सामाजिक और आर्थिक विकास अवरुद्ध था कुछ एक दो मतलब विकास के प्रतिमान स्थापित हो रहे थे लेकिन वो व्यक्तिगत थे तो इसीलिए इसको डार्क एज कहा जाता है आप ऐसा बता सकते हैं यहां पर ठीक है ये हो गया आपका आर्थिक स्थिति क्या थी आइए देखते हैं भारतीय ग्राम समुदाय आत्मनिर्भर एवं स्वित बहुत बढ़िया पॉइंट है ये इतना बढ़िया पॉइंट है ना आप कहेंगे क्यों आप कहेंगे क्यों वाई वाई सर आप क्यों कह रहे इतना बढ़िया टॉपिक है पहले मैं लिख देता हूं पहले मैं एक प्रश्न लिख देता हूं जीएस में भी और ऑप्शनल में भी अगर आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस बोथ ये मत समझिएगा प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ अगर आपसे पूछे कि अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों के कारण अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों के कारण अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों के कारण ग्रामीण ऋण ग्रस्तता क्या है ग्रामीण ऋण ग्रस्तता अगर आपसे यह पूछे तो अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों के कारण ग्रामीण ऋण ग्रस्तता अगर आपसे प्रश्न पूछे तो पूछ सकता है ना ग्रामीण ऋण ग्रस्ता ऋण ग्रस्ता मतलब कि ऋण के चक्र में फंसना कि एक बार ऋण लिया तो फिर अंततः ऋण आप चुका नहीं पाएंगे ऋण ग्रस्ता का मतलब क्या होता है ऋण का चक्र मेरे प्यारे बच्चों जरा इसको समझ लीजिए एक कॉन्सेप्ट तब आपको समझ में आएगा कि यह मैं क्या बता रहा हूं और हमें आज की क्लास कितनी इंपॉर्टेंट आपके लिए है तो ऋण का चक्र का मतलब क्या होता है ऋण का चक्र का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों की जैसे मान लीजिए अब अस्थाई बंदोबस्त तीन प्रकार का बंदोबस्त उन्होंने लगाया था उन्होंने ऋण चक्र को समझने के लिए तो आपको पहले यह भी समझना यानी उन्होंने रैयतवाड़ी लगाया उन्होंने अस्थाई बंदोबस्त लगाया और उन्होंने महलवाड़ी लगाया ठीक है तीनों लगाया अब इसके तहत चाहे किसानों को व्यक्तिगत रूप से या किसानों को जमींदारों को स्थाई में रेतवाड़ी में व्यक्तिगत रूप से और महलवाड़ी में गांव के प्रधान को यानी कि जो गांव का मुखिया होता था महल का मुखिया होता था उसको रेवेन्यू देना पड़ता था और ये जा करके उनको चुकाते थे किसको अंग्रेजों को एक सेट टाइम पे तो अब मेरे प्यारे बच्चों ये देखिएगा जरा समझिएगा तो इन तीनों व्यवस्थाओं के तहत मान लीजिए कोई किसान है किसानों की ऋणग्रस्ता अब एक किसान है ठीक है ना क्या है एक किसान है अब ये जो किसान है मेरे प्यारे बच्चों तो इसके साथ क्या है ये ये जो किसान है ये लगान अपना चुका रहा है ठीक है ना यानी अंततः वह अंग्रेजों को लगान दे रहा और आपको अच्छे से पता भारत में क्या है अरे भाई हम तो आज भी पढ़ते हैं भारत में कृषि के साथ जो भारतीय कृषि है मानसून के साथ जुआ इकोनॉमिक सर्वे पढ़िए सरकार को सुनिए विश्लेषकों को सुनिए इस बार मौसम अच्छा रहा है एग्रीकल्चर प्लस थ्री प्लस ग्रोथ रहेगी मानसून यानी मानसून पर अभी भी हम डिपेंड करते हैं 2014-15 में मानसून अच्छा नहीं था तो नेगेटिव 1.2 की हमने एग्रीकल्चर में ग्रोथ दर्ज करी आप चेक करिएगा एक बार आंकड़े निकाल करके तो अब लगान वो दे रहा जरा याद करिएगा ऐसे में फसल खराब हो गई फसल खराब हो गई अब उसके दो रीजन हो सकते हैं या तो मौसम ठीक है या कुछ और ठीक है ना जैसे बीमारी लग जाना और ये वो अभी वो क्या करेगा उसको लगान तो चुका नहीं लगान यहां पर बना हुआ है और फसल खराब हो गई फसल खराब हो गई है लगान बना हुआ अब इस लगान को चुकाने के लिए वो क्या करेगा साहूकार के पास जाएगा चूंकि उसे ऋण चाहिए भाई फसल भी नहीं हुई है तो साहूकार के पास जाएगा वो लगान के लिए ऋण लेगा यानी एक ऋण लेगा लगान के लिए और एक ऋण लेगा एक ऋण लेगा लगान के लिए बच्चों और दूसरा ऋण वो क्या लेगा जरा समझने की कोशिश करिए दूसरा ऋण वो क्या लेगा दूसरा ऋण वो लेगा अपनी कृषि के इनपुट के लिए कृषि के इनपुट यानी आगत के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए बीज उर्वरक कीटनाशक के लिए तो एग्रीकल्चर इनपुट के लिए वो ऋण लेगा अब देखिए अब देखिए चक्र कैसे बनेगा अब इसके ऊपर क्या आ गया डबल दायित्व तो आ गया दोहरा दायित्व तो आ गया कि नहीं आ गया मेरे प्यारे बच्चों अब इसके ऊपर दोहरा दायित्व तो आ गया कि नहीं आ गया डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि नहीं आ गई अब इसके ऊपर क्या आ गया डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कौन सा पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि भाई उसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी इसको मैं यहां से निकाल दू कि लगान तो चुकाना ही चुकाना यानी लगान चुकाना और दूसरी क्या आ गई कि साहूकार का साहूकार का क्या मूलधन यानी जो उसने मूल लिया है और प्लस ब्याज इधर देखिएगा मूलधन भी और ब्याज भी अब आप समझिएगा अब इसके बाद क्या होगा फिर उसने कुछ किया अब जो किसान लगान देने में ही तकलीफ में था अब वही किसान मूलधन मु, उसके ऊपर कर्ज के रूप में हो गया और ब्याज भी दे रहा तो ब्याज भी एक प्रकार का लगान हो गया इसी परिस्थिति में साल दो साल के बाद अंग्रेजों की गलत आर्थिक नीतियों के कारण प्लस अकाल सूखा इनके कारण फिर से फसल खराब हो गई फिर से फसल खराब हो गई अब क्या करेगा अब किसके पास जाएगा और फिर क्या करेगा यानी कि अपनी जमीन को गिरवी रख देगा किसके पास साहूकार के पास और फिर क्या करेगा वह इसका ऋण नहीं चुका पाएगा केवल ब्याज और लगान चुकाएगा और अंततः वह अपनी ही भूमि पर भूमिहीन श्रमिक के रूप में काम करने लगेगा और जो अन्नदाता है वह अन्न से वंचित हो जाएगा इसी को बोलते हैं ग्रामीण ऋण ग्रस्तता एक दूसरा कि ग्रामीण ऋण ग्रस्ता अंग्रेजों के पहले नहीं होती थी क्यों क्योंकि एक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन था किसानों के बीच में ग्रामीणों के बीच में क्या था वार्टर सिस्टम था कि अगर तुम्हारे यहां कुछ नहीं हुआ यानी कि तुम्हारी फसल खराब हुई तुम हमसे ले लो अगली बार तुम्हारी फसल होगी तो तुम हमको दे देना इसको बोलते हैं ग्रामीण सामुदायिक एक दूसरे के ऊपर निर्भरता सामुदायिक स्वामित्व की भावना कि आज हमारे पर है कल तुम्हारे पर होगा लेकिन चूंकि अंग्रेजों ने क्या किया भू राजस्व बंदोबस्त के द्वारा जमीन को कागज के रूप में कन्वर्ट कर दिया तो कोई किसान किसी की मदद नहीं कर सकता था क्योंकि सभी को अपनी स्वयं की समस्याओं को सुलझाना सबसे पहले महत्वपूर्ण था तो ये आप कॉन्सेप्ट समझ गए अब आइए देखिए जो कंटेंट पढ़ता हूं कैसे आपके अंदर एकदम डूबता हुआ चला जाएगा आइए देखते हैं ठीक है ना एक बार सब बच्चे बताएं ये पॉइंट क्लियर हो गया मैं पानी पी लू मैं पानी पी लू फटाफट बताएं ये पॉइंट एकदम मस्त क्लियर हो गया बच्चों ये पॉइंट एकदम से क्लियर हो गया मेरे बच्चों बहुत बढ़िया अब आइए देखिए ये मैंने समझाया क्यों अभी तो आपको केवल ग्रामीण ऋण ग्रस्ता के बारे में बताया गया अब आइए देखिए मैंने समझाया क्यों उसको वाई 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 आइए अब इसको हमने समझाया क्यों भैया आइए जरा देख हमने इसलिए समझाया आर्थिक स्थिति भारत की एटीन सेंचुरी में कैसी थी ये क्यों पढ़ रहे क्योंकि यही स्थिति तो अंग्रेज बदलेंगे ना यही स्थिति तो अंग्रेज पलट देंगे तो इसका मतलब इसको हम पढ़ लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हम कैसे क्या थे और क्या हो गए हम क्या थे और क्या हो गए तो ये थे और अंग्रेजों ने हमें ऋणग्रस्त कर दिया तो भारतीय ग्राम समुदाय आत्मनिर्भर एवं स्वशासित था यानी कि हमारे यहाँ पंचायतों की व्यवस्था शुरू से ही थी तो आत्मनिर्भर क्या थे आत्मनिर्भर थे यानी इन्हें इन्हें किसी से मतलब नहीं था ये राज्य को देने वाले थे एवं स्वशासित थे तथा अपनी स्थानीय जरूरतों को पूरा कर लेते थे स्थानीय जरूरत यानी बाटर सिस्टम गिव एंड टेक अंग्रेजों ने इसी व्यवस्था को चकनाचूर कर दिया यही पना ग्रामों का राज्य से संबंध मात्र भू राजस्व के भुगतान से सीमित था यानी राज्य को केवल भुगतान करके बाकी ये अपना पंचायत इनका अपना पंच परमेश्वर ये सब सिस्टम था चूंकि एक ही समूह के थे तो साहूकार भी बहुत ज्यादा मनमानी नहीं कर पाता था क्योंकि उसे भी समाज में नैतिकता का एक डर था तो ये था भू राजस्व के भुगतान तक सीमित था तो बट अब क्या हो गया अंग्रेजों के आने के बाद व्यवस्था चरमरा गई टूट गई क्योंकि उन्होंने ग्राम गर, समुदाय की आत्मनिर्भरता को समाप्त कर दिया भू राजस्व बंदोबस्त के कानूनों के द्वारा स्वशासन को समाप्त कर दिया वो केवल लगान देने वाले एक उपकरण बन गए क्यों क्योंकि पहले क्या होता था जैसे किसान साहूकार के मध्य कोई विवाद होता था तो उसकी सुनवाई पंच करता था अब आप कौन करता है तीनों बंदोबस्त जब लाए गए सबसे पहले स्थायी लाया गया तो अब क्या हो गया यानी अब जमींदारों को भूस्वामी मान लिया गया और उसके बाद फिर अगली परिस्थिति क्या बनाई गई उसके बाद अगली परिस्थिति यह बनाई गई कि अब कोई भी भूमि संबंधी विवाद होगा उसको कहां निपटा जाएगा पुलिस यानी कि थाने में और न्यायालय में तो स्थानीय जो ये आत्मनिर्भरता और स्वशासन था इसको खत्म कर दिया कि नहीं कर दिया तो अब ये प्रश्न है फ्यूचर का जीएस का या ऑप्शनल का दोनों का कि क्या भारत में भू राजस्व बंदोबस्त नोट करिए क्या भारत में भू राजस्व बंदोबस्त ने क्या भारत में भू राजस्व बंदोबस्त ने ग्रामीण आत्मनिर्भरता को समाप्त करते हुए ग्रामीण ऋण ग्रस्तता को बढ़ावा दिया अब आप इसके बारे में विचार करिए इसके बारे में आप लिखिए इसके बारे में आप सोचिए ठीक है।, है ना यह यूपीएससी है जो हमें पकड़नी है भारत से निर्यात जो किया जाता था सूती वस्त्र था अभी भी भारत आर्थिक यानी सूती वस्त्र उद्योगों में सूती वस्त्र और सूती वस्त्र की पश्चिम में गजब की मांग थी भारत के जो रेशमी वस्त्र हुआ करते थे एक अंगूठी से निकल जाते थे इतने बारीक इतने खूबसूरत अब फिर क्या होगा ब्रिटेन का जैसे जैसे शासन स्थापित होगा वो वहां पर क्या करेगा वहां पर सीमा शुल्क बढ़ाना स्टार्ट कर देगा भारत के सूती वस्त्रों पर क्यों क्योंकि वहां फैक्ट्री औद्योगिक क्रांति आ चुकी है तो वहां पर फैक्ट्रियों द्वारा माल अब उनको बेचना है तो ऐसे में अगर भारत का सब खरीदेंगे तो फिर उनको नुकसान है तो सीमा शुल्क बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे तो ये हो गया बट आप अभी याद रखिए सूती वस्त्र थी ये क्यों इंपॉर्टेंट है याद रखना क्योंकि जब अब आप अंग्रेजों का इंपैक्ट दिखाएंगे तो ये सारे पॉइंट के हम पहले क्या थे और क्या हो गए एटीन सेंचुरी में क्या थे और क्या हो गए व्यापारी पूंजीपति गठजोड़ अस्तित्व में आया तथा व्यापारी वर्ग उदाहरण जगत सेठ नगर सेठ दक्षिण भारत में चट्टी ठीक है ना और अन्य बैंकिंग समव्यवहारों जैसे हुंडी वगैरह का उदय हुआ एटीन सेंचुरी में हुंडी का उदय हुआ हुंडी हुए मतलब एक, एक प्रकार से प्रमाण पत्र है माल को लाने ले जाने का एक प्रकार से ठीक है ना कि आपको एक स्थान पर पहुंचने पर एक मुक्त राशि मिलेगी ये सारी चीजें तो ये पॉइंट आप यहां पर देख सकते हैं प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन कौन से थे सूती वस्त्र के ये इंपॉर्टेंट है ये सुमेलित करने को एक प्रश्न आता है ना एम थ्री सिक्सटी डिग्री एम एम सी क्यू थ्री सिक्सटी डिग्री एम एम सी क्यू तो सुमेलित करने को आता है मेरे प्यारे बच्चों क्या आता है सुमेलित करने को आता है तो ढाका अहमदाबाद और मसूलीप्टनम सूती वस्त्र के लिए था मुर्शिदाबाद आगरा लाहौर एवं गुजरात सिल्क के कपड़े के लिए था कश्मीर लाहौर एवं आगरा उत्कृष्ट उन्नीस साल के लिए था ठीक है ना तो ये आप यहां से देख सकते हैं कभी कभी ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं शैक्षिक स्थिति क्या थी तो एक बार फटाफट ये क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी जो शैक्षिक स्थिति थी तो अभी लास्ट में हम अंग्रेजों के यानी जो अंतिम लेक्चर होगा उसमें लास्ट में अंग्रेजों की शैक्षिक स्थिति यानी कि उनके टाइम पर शिक्षा को किस प्रकार से देखा गया और हमारी शिक्षा व्यवस्था जब अंग्रेज आए तो कैसी थी तो जब हमें यह पता लग जाएगा कि हमारी शिक्षा व्यवस्था जब अंग्रेज आए थे कैसी थी तो कहीं ना कहीं चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी आइए देखिए शिक्षा व्यवस्था परंपरागत थी और पश्चिम में तीव्र विकास जो शिक्षा में हो रहा था उससे भारत बिल्कुल अनभिज्ञता परंपरागत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अध्ययन की उपेक्षा की गई थी साहित्य विधि धर्म एवं दर्शन शास्त्र के अध्ययन पर ज्यादा बल दिया जाता था यह पॉइंट आप याद रखिएगा देश में प्राथमिक शिक्षा व्यापक थी लेकिन उच्च शिक्षा सीमित थी और इन्हें केवल अमीर वर्ग यानी नवाब राजा और जमींदारों के द्वारा धन से संपोषित थी बड़े लोग ही पढ़ाई करते थे फारसी शिक्षा राजकीय भाषा होने कर्ण हिंदू और मुसलमान दोनों में लोकप्रिय थी क्योंकि जो राजकाज की भाषा होगी जैसे आज अंग्रेजी राजकाज की भाषा है तो फारसी राजकाज की भाषा थी इसलिए सभी में प्रिय थी, चूंकि सभी लोग इसको सीखना चाहते थे उच्च शिक्षा संस्कृत अधिगम पर आधारित थी ब्राह्मणों के बीच प्रचलित थी उच्च शिक्षा संस्कृत में होती थी और ब्राह्मणों के बीच उन्हीं का उस भाषा पर कमांड था। यह थी शैक्षिक स्थिति महिलाओं की स्थिति कैसी थी पितृसत्तात्मक परिवार व्यवस्था के कारण महिलाओं को बेहद को बेहद न्यून स्वतंत्रता हासिल थी ये मे में पूछ सकता है महिलाओं पर हर साल आप देखेंगे एक प्रश्न रहता है राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भूमिका तो एटीन सेंचुरी के मिड से आपका सिलेबस लिखा हुआ सिलेबस है ना अठारह शताब्दी के मध्य से लेकर आधुनिक भारत तक तो महत्वपूर्ण घटनाएं तो और जो है प्रावधान और विषय तो विषय में महिलाओं की स्थिति तो महिलाओं की स्थिति भी आपसे यहां पर प्रश्न बन सकता है महिलाओं की स्थिति पर तो पितृसत्तात्मक परिवार व्यवस्था करण महिलाओं को बेहद न्यून स्वतंत्रता हासिल थी यद्यपि महिलाओं को घर एवं समाज में आदर एवं सम्मान की स्थिति प्राप्त थी हिंदू एवं मुस्लिम महिलाओं के बीच पर्दा प्रथा प्रचलन में थी निम्न वर्ग की महिलाओं में ऐसा प्रचलन नहीं था और वह काम करने के लिए भी जाती थी सती प्रथा बाल विवाह एवं बहु विवाह जैसी शोषक प्रथाएं प्रचलन में थी यानी यह सारी यह देख सकते हैं आप महिलाओं की स्थिति कैसी थी तो यह पूछ सकता है अट्ठावी शताब्दी के मध्य में महिलाओं की स्थिति किस प्रकार से थी याद अगर आपसे पूछे जैसे ऑप्शनल में पूछ सकता है कि अठारहवीं शताब्दी एक डार्क एज का प्रतिनिधित्व करती थी पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता ऑप्शनल वाले बच्चे बताएं या जीएस में भी शताब्दी एक डार्क एज का का अंधकार युग प्रतिनिधित्व करती थी तो क्या उसमें ये महिला वाला पॉइंट नहीं आएगा डार्क एज में ये सती प्रथा बाल विवाह बहु विवाह ये डार्क एज में आएगा कि नहीं आएगा एक बार मुझे बताएं आप लोग डार्क एज में आएगा कि नहीं आएगा तो ऐसे ही आपको चलते हुए चले जाना है सांस्कृतिक स्थिति क्या है मेरे प्यारे बच्चों भारतीय संस्कृति की मुख्य कमी विज्ञान के क्षेत्र में पिछड़ा होना था ठीक है ना और शासक की इसमें कोई रुचि भी नहीं थी विज्ञान में पिछड़ा लोग धर्म क्षेत्र कबीले भाषा और जाति के आधार पर विभाजित थे जिसके कारण हमें भारतीय संविधान में अनुच्छेद पंद्रह डालना पड़ा देख सकते हैं अगर कोई आपसे पूछे भारतीय धर्म में अरे सॉरी भारतीय संविधान में अनुच्छेद पंद्रह धर्म जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध क्यों लाया गया तो आप कहिए कि सर अठारवी शताब्दी के भारत को देखें तो लोग धर्म क्षेत्र कबीले भाषा और जाति के आधार पर विभाजित थे ऐसे में भारतीय संविधान में इसको बेहतर नहीं माना गया एक एकीकृत भारत के लिए तो इसलिए इस प्रावधान को लाया गया कैसे भी करके भारतीय सोच परंपरा और अंधविश्वास से जकड़ी हुई थी भाषा एवं साहित्य के क्षेत्र में कुछ सकारात्मक संकेत दिखाई पड़ते हैं यानी कि हिंदी मलयालम सिंधी तथा उर्दू में काव्य सृजन हुआ यह यहां बताया गया दास्ता दास प्रथा एक अन्य सामाजिक बुराई थी दास दो श्रेणियों में वर्गीकृत थे घरेलू दास और कृषि दास हालांकि भारत में दासों की स्थिति अमेरिका और यूरोप के दासों से बेहतर थी दासों को सामान्यतः परिवार के वंशानुगत नौकर के तौर पर देखा जाता था कलायों में स्थापित दिल्ली में कलायम साहित्य को संरक्षण ना दिए जाने के कारण ऑब्वियस है कलायम साहित्य जरा समझिए यहाँ क्या लिखा हुआ कि दिल्ली में कला एवं साहित्य को संरक्षण ना दिए जाने के कारण जो कला एवं साहित्य से संबद्ध प्रति... प्रतिभाएं थी वह हैदराबाद लखनऊ मुर्शिदाबाद जयपुर इत्यादि क्षेत्रीय इकाइयों की ओर कूच कर गई तो अब ये क्यों आपको पता है कि जब केंद्रीय शक्ति पतनोन्मुख होती है तो जो कलाकार होते हैं वो कहाँ पाएंगे है जहां सत्ता का केंद्र होगा तो वो वहाँ चले जाएंगे और ये इंडिया नहीं पूरे विश्व की बात है ठीक है जैसे जब कुस्तुन दुनिया का पतन होता है तो फिर वो जो भी कुस्तुन दुनिया में जो है यूरोप में तो वो सारे लोग कहाँ चले जाते हैं इटली में चले जाते हैं विद्वान लोग तो जहाँ भी उनको मिलता है यानी तो ये हो गया आपका तो यहाँ आ गए उदाहरण आसफुद्दौला दौ ने लखनऊ में एक बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण तो बड़ा इमाम बाड़ा किसने बनवाया आसिफुद्दौला ने सवाई जय सिंह ने सुप्रसिद्ध गुलाबी शहर जयपुर एवं पांच खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण किया तो ये आप यहां से देख सकते हैं क्लियर है अब आइए देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं स्पष्ट कीजिए कि मध्य अठारहवीं शताब्दी का भारत विखंडित राजतंत्र की छाया से किस प्रकार से ग्रसित था यह जीएस में आया हुआ यह प्रश्न है विखंडित राजतंत्र तो आप बता दीजिए सारा सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जो भी आपने पढ़ा विखंडित राजतंत्र ठीक है ना विखंडित राजतंत्र की अवधारणा से था यानी विखंडित राजतंत्र का मतलब क्या हो गया कि जो पूरा पोलिटिकल सिस्टम था वो क्या था विखंडित था विखंडित का मतलब होता है कि राज्य व्यवस्था में कोई अनुक्रम नहीं था यानी केंद्रीय शक्ति मुगल स्थानीय शक्तियां अ, अ, शक्तियां शक्तियां सॉरी क्षेत्रीय और स्थानीय तीनों स्तरों पर किसी भी प्रकार से राज्य शासन के जितने भी गुण होने चाहिए वह गुण नहीं थे तो सिंपल सी बात है इसमें इतना ही अभी हम लोग प्रिलिंस पर फोकस हैं आइए एक प्रश्न हल करिए अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तात्कालिक कारण क्या था क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर टू ऐसे बहुत से क्वेश्चन है बड़ी प्रैक्टिस होने वाली अभी आएगी तो चलो बच्चों पहला क्वेश्चन का आंसर आप लोग दो पहले क्वेश्चन का आंसर आप लोग दो बच्चों पहले क्वेश्चन का पहले क्वेश्चन का आंसर दो चलो फटाफट फटाफट पहले क्वेश्चन का आंसर दो बच्चों ठीक है चल बच्चे शाबाश पहले क्वेश्चन का आंसर ठीक है बच्चों फटाफट तो अबियस है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ए बहुत बढ़िया दूसरा क्वेश्चन चलो दूसरा निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है चलिए चलिए फटाफट दिख रहा है दूसरा दूसरा ख नहीं रहा अच्छा मैं पढ़ता हूं निम्न कथनों में से कौन सा है? सही नहीं है ठीक है अली मर्दान खान ए ने बंगाल में राजस्व की नई पद्धति प्रारंभ की ठीक है दूसरा महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए तीसरा अमेर में सवाई जय सिंह ने यूक्लिट के रेखा गणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया फटाफट 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 आंसर आंसर दूसरा दूसरा ठीक है तो बहुत बढ़िया उन्होंने यहां पर वेदशालाएं बनवाई थी ठीक है अभी मैं आप लोगों के कमेंट देख रहा था कुछ बच्चे कह रहे सर आप क्या काले लोमड़ रहते नहीं भैया गिलहरी बोलती है गिलहरियां रहती है हम प्रकृति के आसपास रहते हैं खूब ढेर सारे पक्षी पौधे ये सारी चीजें ठीक है आइए आगे चलते हैं अब ब्रिटिश विस्तार एवं ब्रिटिश सफलता के कारण आइए बच्चों बहुत अच्छा पॉइंट है मतलब शॉर्ट में है मजा आएगा ब्रिटिश भारत में क्यों सफल हुए अगर कोई आपसे प्रश्न पूछे कि ब्रिटिश भारत में क्यों सफल हुए आइए देखते हैं उत्कृष्ट हथियार हल्की व अधिक मारक क्षमता वाली बंदूकें और तोपें सैन्य अनुशासन था नियमित वेतन की व्यवस्था जिससे सैनिक उनके सत्यनिष्ठ थे तीसरा असैनिक अनुशासन ठीक है ना असैनिक प्रशासन जैसे आई एस पी सी एस होता है अधिकारी व कर्मचारी गण का चयन योग्यता के आधार पर होता था और हमारे यहां अभी बताते हैं कैसे होता था मेधावी नेतृत्व आप लोग ये, ये बोलते रहिए अपने यहां कैसे होता था अपने यहां यानी उस टाइम पर भारत में कैसे होता था यहां पर पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा कैसे होता था इसको आप बताते रहे इसको आप बताते रहिए बच्चों इसको आप बताते रहिए ठीक है तो हल्की व अधिक मारक क्षमता वाली यह हो गया असैनिक अनुशासन अधिकारी व कर्मचारी गण का चयन योग्यता पर होता था मेधावी नेतृत्व क्लाइव वारेन हेस्टिंग्स एल्फिंस्टन मुनरोलौजी आदि ठीक है ना मेधावी नेतृत्व था वित्तीय सुदृढ़ता थी यानी कि बेहतर व्यापार के कारण इनके पास पूंजी बहुत अवेलेबल थी औद्योगिक राष्ट्र भी बनने वाले थे राष्ट्रवादी अभिमान भी था यानी कि अपने देश को वो पूरे विश्व में सबसे श्रेष्ठ देश मानते थे तो एक राष्ट्रीय गौरव का भाव था कि हम ब्रिटेन के हैं तो ये सारे रीजन ब्रिटिश सफलता के कारण थे बहुत अच्छा पॉइंट है ठीक है और हमारे यहाँ क्या था ये ये था ही नहीं था तो ये सारी चीजें हमारे पास नहीं थी ठीक है ना राष्ट्रीय गौरव का भाव ही नहीं हो सकता था चूंकि हम छोटे छोटे टुकड़ों में बटे थे अब देखिए इसको हम कैसे यूज करेंगे अब मान लीजिए मैं एक प्रश्न प्रश्न आपके सामने रख देता हूं क्या रख देता हूं वे कौन से अंतर्निहित कारक थे इनहरेंट रीजन थे वे कौन से अंतर्निहित या इनहरंट रीजन थे जिसके कारण से वे कौन से कारक रहे हैं जिसके कारण से ब्रिटिश भारत में आते ही सफल रहे और भारतीयों को उनके सामने मुंह की खानी पड़ी चर्चा कीजिए टिप्पणी कीजिए तो ये वो कारण थे उठा के चिपका दीजिए पॉइंट क्लियर ठीक है आगे चलते ठीक है ना और ये हर जगह आएगा क्या ये क्या ये पॉइंट वहां नहीं आएगा चलिए एक प्रश्न लिखता हूं बताइए मुझे या ऐसे बोल दूं लिखूंगा तो टाइम लगेगा चलिए फटाफट बताइए एक प्रश्न आप लोगों का मैं कमेंट देख रहा हूं चलिए थोड़ा एंजॉय आपके साथ किया जाए यही इतने पॉइंट यानी यही इतने पॉइंट यही इतने पॉइंट अगर मैं कई प्रश्न बोल रहा हूं चलिए पहला प्रश्न मैं सबको सबका पढ़ रहा हूं ठीक है ना अभी मेरे सामने जो भी नाम आ रहे हैं तेज अनुराधा लोधी जितेन कुमार पटेल सुरुचि जानवी, दीपक चौधरी रोहित कुमार सीमा यादव व्लादिमिर पुतिन कविता सबिता यूपीएससी उदय प्रताप सिंह मोहम्मद मुकेश राम जितने भी आगे बस अब इतना नहीं सब बच्चे बाकी सबका प्रतीक ठीक है ठीक है प्रबल विकास मिश्रा वैभव लोकेश ठीक है सुमन बहुत से बच्चे प्रियंका काजल जो भी हैं अब आपसे अगर मैं पूछूं अठारह देखिए और जबकि मैंने एनसीआरटी में अलग पढ़ा है बच्चों इसी चैनल पर एक एनसीआरटी है मॉडर्न इंडिया की इसी चैनल पर ठीक है मॉडर्न इंडिया की मेरी एनसीआरटी है बिपिन चंद्रा उसमें मैंने अलग बताया है कि अठारह के पतन मतलब अठारह के विद्रोहियों की पराजय का कारण क्या था या अठारह में अंग्रेज क्यों जीत गए तो क्या यही रीजन नहीं आया वहां मैंने कुछ और बताया और यहां अलग पैटर्न लेके आ रहा हूं तो क्या पहला रीजन नहीं होगा अठारह की पराजय का उत्कृष्ट हथियार क्या दूसरा नहीं होगा सैन्य अनुशासन क्या तीसरा नहीं होगा सैनिक अनुशासन क्या चौथा नहीं होगा मेधावी नेतृत्व क्या पांचवा नहीं होगा वित्तीय सुदृढ़ता क्या छठा नहीं होगा राष्ट्रवादी अभिमान क्या होगा कि नहीं होगा होगा कि नहीं होगा होगा कि नहीं होगा एक बार फटाफट बच्चे बताइए होगा कि नहीं होगा होगा कि नहीं होगा तो बच्चों मैं जो बात बात आपसे करता हूं बस एक ही है मेरे प्यारे बच्चों ये पृथ्वी गोल है ये या ऐसे यार जिया छोड़ो वो तो बात की बात है गोल है अब थोड़ा मेरा इधर उधर हो गया होगा जल्दी बाजी आप ट्रस्ट करिए बच्चों जैसे कहा था ना कि जैसी करनी वैसी भरनी ये जो कहावत है गोविंदा साहब की पिक्चर भी है देखिए आप लोगों ने देखिएगा बड़ी अच्छी पिक्चर जैसी करनी वैसी भरनी तो जैसी करनी वैसी भरनी भी तो गोल है ना <laughs> जैसी करनी वैसी भरनी वो भी तो गोली है ना जैसा करेंगे वैसा भरेंगे हर चीज गोल है तो इसलिए हमें किसी चीज के लिए स्पेशल कुछ नहीं करना केवल अपना ये सोचने का तरीका न, जो हमारी नई जनरेशन है ये नई जनरेशन केवल अपनी सोच का तरीका बदल दे बस ये जो नई जनरेशन है ये अपनी सोच का तरीका केवल बदल दे अगर तो समझिए मजा ही आ जाएगा और मैं आप सबसे कहूंगा खासकर उन बच्चों से जो मुझे फर्स्ट टाइम फॉलो कर रहे हैं एक बार मेरे प्यारे बच्चों आप लोग जरूर बिपिन चंद्रा का वीडियो देखिएगा जरूर से जरूर क्यों वाई रीजन क्या उसके पीछे तब आपको लगेगा कि यार सर देख हमेशा मतलब एक ही पैटर्न पे नहीं चलते हैं वहां पर एक अलग पैटर्न था यहां पर एक अलग पैटर्न चल रहा आपको अच्छा लगेगा इसके बाद तीसरी क्लास इतिहास की क्या होगी इसके बाद एनशियन करेंगे मेडोल करेंगे कल्चर करेंगे उसके बाद फिर सब का MCQ करेंगे अब मैं एक्टिव हूं याद रखिएगा चलिए आगे चलते हैं बंगाल ब्रिटिश विजय से पूर्व का बंगाल क्या है भाई ब्रिटिश अच्छा लेकिन एक बड़ी शिकायत है यार ये हिंदू को क्यों नहीं आप लोग फॉलो कर रहे हो एक बहुत बड़ी शिकायत है आप लोगों से ये हिंदू क्यों नहीं फॉलो हो रहा है अरे बच्चा चाहे पीसीएस दे रहे हो और चाहे आई दे रहे हो हिंदू के बगैर अगर आप जीएस में निकाल ले जाओगे ए से लिख ले जाओगे तो आपकी सबसे बड़ी भूल है थोड़े से इंग्लिश के वर्ड क्या आ गए कि सब लोग डर गए मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं मुझे इस प्रश्न का उत्तर चाहिए क्या थोड़े से इंग्लिश के वर्ड से आप डर जाएंगे कंपटीशन किससे आपका आपका कंपटीशन किससे? बताइए मुझे आपका कंपटीशन किससे? कोई भी स्टेट पीसीएस आप दे रहे हैं ना अगर थोड़ा सा भी मेरे मुझे समझते हैं आप तो बगैर द हिंदू के और इंडियन एक्सप्रेस के मेरे एनालिसिस के आप निकाल के दिखाइएगा इसलिए द हिंदू शाम को छह बजे वो कभी मत छोड़िए लाइव नहीं आ पाते हैं तो बाद में देखिए बट देखिए जरूर मैं पहले कह रहा हूं उसके बगैर काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा ये याद रखिएगा तो आइए बच्चों ब्रिटिश विजय से पूर्व का बंगाल कैसा है मुगल शासन के दिन बंगाल एक सूबा था बच्चों समझिएगा ये क्यों समझना है ये क्यों समझना है ब्रिटिश विजय से पूर्व का बंगाल बिकॉज चाबी समझना है वो चाबी समझना है जो चाबी जो की जो चाबी जो की बंगाल में क्लाइव ने ढूंढ ली थी उस चाबी को समझने के लिए यानी समझ गए उस चाबी को समझने के लिए उस की को समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा ब्रिटिश ब्रिटिश विजय से पूर्व का बंगाल देखना पड़ेगा कि नहीं देखना पड़ेगा ब्रिटिश विजय से पूर्व का बंगाल देखना पड़ेगा नहीं देखना तो हम चाबी देखने जा रहे हैं तो पहली चाबी मुगल शासन के अधीन बंगाल एक सूबा था और बंगाल के नवाब यहां पर शासन करते थे उदाहरण मुर्शीद कुली खां अलीवर्दी खां इनका अनुक्रम चलिए याद कर लेते हैं बंगाल के शासकों का अनुक्रम सबसे पहला सबसे पहले मुर्शीद कुली खां फिर अलीवर्दी खां ठीक है ना सिराजुद्दौला मीर कासिम सॉरी मीर जाफर मीर कासिम फिर मीर जाफर ठीक है ना ऐसे आप पकड़िएगा मुगल शासन के दिन बंगाल एक सूबा था बंगाल से यूरोप को कच्चे माल जैसे सोरा चावल नील काली मिर्च चीनी रेशम सूती कपड़े आदि का निर्यात होता था आइए शानदार पॉइंट आ रहा है चाबी वाला क्या यह चाबी वाला पॉइंट आ गया कि नहीं आ गया चाबी वाला यानी कि जो चाबी बंगाल में ढूंढी तो इसका मतलब यह बंगाल चाबी इसलिए था क्योंकि यह एक निर्यात केंद्र था और जो भी निर्यात केंद्र होता है वह क्या होता है यानी वह धनाढ़ क्षेत्र होता है चूंकि निर्यात से उसके पास इनकम आती है तो इसका मतलब है कि इतने बड़े निर्यात क्षेत्र पर चाभी किसके पास आ गई इतने बड़े निर्यात क्षेत्र की क्लाइब के पास तो देख लीजिएगा यह होता है कि समझ गए बच्चों ऑप्शनल वाले बच्चे जो भी हैं ये होता है कि ये होता है कि यानी सोरा चावल नील काली मिर्च चीनी रेशम सूती कपड़े इन सब के एक्सपोर्ट पर कंट्रोल हो गया किसका ब्रिटेन का अब यही करता ही था यह अत्यंत समृद्ध प्रदेश था एशिया से यूरोप को होने वाले लीजिए दूसरी चाबी दूसरी चाबी साठ परसेंट व्यापार बंगाल से होता था समृद्ध पतन था चाबी नंबर टू बंगाल की व्यापारिक क्षमताओं के कारण ही अंग्रेजों की दृष्टि तो ये देख सकते हैं यानी ये सब पॉइंट क्या है ये चाबी वाले पॉइंट है ये चाबी वाले पॉइंट हंड्रेड परसेंट क्लियर हो गया की 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 यानी चाबी 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 पॉइंट इज क्लियर अब देख और मुझे बताइए कि शब्द में उस प्रश्न को लिखना है तीन पॉइंट से ज्यादा क्या लिखेंगे डायग्राम एक बना दीजिए अरे भाई जैसे अब ये मैंने कहा कि ये चार पॉइंट आपको एग्जाम में लिखना है चाबी वाला में अब उधर मैंने बताया लेकिन यहां मैं कह रहा हूं कि चार ही लिखिए चलिए भाई चार में कितना वर्ड है जरा देखिए एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस बीस और लगभग इसमें पंद्रह पैंतीस दस पैंतालीस दस पचपन यानी पचपन साठ शब्द ये हो गए उसके बाद अब एक ही ठीक है कुछ एनालिसिस करेंगे इंडिया का एक मैप बनाएंगे एक छोटा सा इंट्रो हो जाएगा ये सारे पॉइंट हो जाएंगे एक फ्लो चार्ट हो जाएगा कहानी खत्म जरूरी थोड़े कि हम डेढ़ सौ शब्द ही लिखें फ्लो चार्ट वगैरह बना के हम कम में भी निपटा सकते हैं ठीक है हो गया अब आते हैं सिराजुद्दौला और अंग्रेज अब ऑबियस अलीवर्दी खां का कोई उत्तराधिकारी था नहीं आप सबको पता है यानी क्या है अलीवर्दी खां का कोई उत्तराधिकारी तो था नहीं उत्तराधिकारी ना होने के कारण उसकी छोटी बेटी के पुत्र सिराजुदौला को नवाब बनाया गया अब ऐसा हुआ तो अब देखिए यही होता है अंग्रेजों को हस्तक्षेप करने का मौका इन दो लाइनों में अंग्रेजों का इंटरबीन आकर के खड़ा हो जाएगा अब ऐसा होने से बड़ी बेटी घसीटी बेगम मंत्री राज बल्लभ और उसका भाई शौकत जंग उसका शत्रु बन गया क्या बन गया शत्रु बन गया होता ना कि हम तरक्की करें तो कम वक्त पूरा दुनिया एक आदमी आगे बढ़ रहा है उसको पीछे खींच कीछ रहा खींचो इसको ये तो दुनिया आप सबके साथ भी होता सबके साथ होता है। आप आगे बढ़ेंगे दूध पकड़ के आपको पीछे की तरफ खींचेगा तो वही यहां भी हो रहा था ठीक है ना अंग्रेजों की उदंडता भी अब बढ़ती जा रही थी उन्होंने सिराजुद्दौला के शत्रुओं से हाथ मिला लिया और उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे अब देखिए अब यहां पर उस प्रश्न को याद करिए अंग्रेजों ने भारत को बेखबरी के दौर में जीता ब्रिटिश इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि हम तो यहां पर व्यापार करने आए थे हम तो हिंदुस्तान में व्यापार करने आए थे यहां की परिस्थितियों ने विवश कर दिया हमें हम तो महान लोग हैं हम विवश हो गए कि हमें रूल करना पड़ा और ये व्हाइट मैं बर्डन थ्योरी है श्वेत व्यक्ति के उत्तरदायित्व का बोझ है हम पे कि हम लोकतंत्र को समझने वाले मानवाधिकारों को समझने वाले सभ्य लोग असभ्य बर्बर जंगली सपेरों के देश के लोगों को सभ्य बनाए और फिर हमने क्या किया हमने क्या भाई हमने, क्या भाई? हमने कहा चलो भाई शासन कर लेते हैं अच्छा यह है इतिहासकार अब इधर सच्चाई है ये ये जो मैंने बोला ये इतिहासकार ऐसा सोचते हैं और दिस इज द रियलिटी दिस इज द रियलिटी यानी वास्तविकता षड्यंत्र रच रहे थे <laughs> आप अगर एक व्यापारिक कंपनी थे तो सिराज के, सा, के सामने घसीटी बेगम राजबल्लभ और शौकत जंग के साथ मिलकर के षड्यंत्र क्यों रच रहे थे तो इसका मतलब उस प्रश्न में कि अंग्रेजों ने भारत को बेखबरी के दौर में जीता उसका पहला खंडन आएगा कि अगर ऐसा होता यही पॉइंट अगर ऐसा यह सही होता तो वह क्यों षड्यंत्र कर रहे थे एक व्यापारिक कंपनी को आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की क्या आवश्यकता पड़ी उस प्रश्न का पहला पॉइंट यह होगा कि नहीं होगा उस प्रश्न का यह पहला पॉइंट होगा कि नहीं होगा जरा बताइए मुझे मेरे प्यारे बच्चों होगा कि नहीं होगा तो हो गया फिर इसके अलावा दस्तक जो होता था दस्तक इज इक्वल टू फ्री पास होता था दिखाइए और अपना व्यापार आप करिए जो कि मिला हुआ था किसको फरुख शेयर के फरमान से किसको किसान अंग्रेजों को तो फ्री पास था इसका दुरुपयोग किया जा रहा था जिससे नवाब को राजस्व की हानि हो रही थी अब दुरुपयोग कैसे किया जा रहा था दस्तक तो मिला था अंग्रेजी वस्तुओं के लिए लेकिन ये लोग अपने प्राइवेट व्यापार भी करते थे तो उसको भी दस्तक के द्वारा भ्रष्टाचार कर रहे थे तो भाई एक तो फ्री पास है अंग्रेजी माल के लिए इन क्षेत्रों में उसका भी रेवेन्यू नहीं मिलना जो पर्सनल ट्रेड करते हैं उस पर भी रेवेन्यू नहीं मिलना तो भाई सरकार चलेगी कैसे तो यह हो गया नवाब ने मना किया कि दस्तक का दुरुपयोग मत करिए अंग्रेजों ने कलकत्ता की किलेबंदी जारी कर दी यह भी करते रहे कलकत्ता की किलेबंदी ठीक है ना और नवाब के शत्रुओं को शरण दी अरे भाई कोई एक संप्रभु शासक है एक सॉवरण आप क्या है व्यापारिक कंपनी है आप एक व्यापारिक कंपनी है और कैसे करेंगे? बे, हमने बेखबरी में जीता अरे तुम किलेबंदी कहां कर रहे थे भाई एक संप्रभु शासक है बिना उसकी अनुमति यानी सिराज की अनुमति के बिना तुम कलकत्ते की किलेबंदी कर रहे हो और उसने रोका तो आपने टपाक से अटैक कर दिया तो इसका मतलब है बंगाल में ये जो घटनाएं हैं वो दिखाती हैं कि अंग्रेजों ने भारत को बेखबरी के दौर में नहीं जीता है पॉइंट इज क्लियर बच्चा पॉइंट इज क्लियर पॉइंट इज क्लियर पॉइंट इज क्लियर अब आते हैं सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच संघर्ष क्या है सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच संघर्ष मेरे प्यारे बच्चों अब होगा ही होगा भाई एक सोवरन है आप उसकी बात नहीं मानेंगे तो संघर्ष इज पॉसिबल आप उसको रोक नहीं सकते संघर्ष हुआ 24 जून सत्रह को अंग्रेजों की कोठी अब बच्चों 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 बच्चो मेरे बच्चों यहां पर जो आए ठीक है बाकी आप अपना भी क्वेश्चन कुछ पढ़ेंगे टीचर का काम तो यहां पर मेरा काम क्या बच्चों ये एरिया है नोट कर लीजिए कॉपी में जैसे मैं हिंदी में बोलता हूं घटनाओं का गुच्छा ये कॉन्सेप्ट क्या है ये भी बता देता हूं प्रिलिम्स के लिए ये प्रिलिम्स के लिए होता है घटनाओं का गुच्छा ठीक है ना बंचेज ऑफ इवेंट बंचेस ऑफ इवेंट इसका मतलब होता है इतिहास में कई स्थान ऐसे हैं जहां पर कई घटना एक साथ हो जाती हैं। इतिहास में इसका मतलब है घटनाओं का गुच्छा बंचेस इवेंट्स। इतिहास के कई स्थल कई मोड़ होते हैं ना जैसे मोड़ हैं ऐसे ऐसे आप चल रहे हैं। तो कई मोड़ ऐसे चल रहे हैं, तो कई मोड़ ऐसे आए हैं जहां पर कई घटनाएं हो रही तो वहां पर घटनाओं के गुच्छों से क्रोनोलॉजी वाला प्रश्न पूछता है यूपीएससी क्रोनोलॉजी का मतलब कि कौन सी पहले हुई कौन सी दूसरे पे हुई कौन सी तीसरे पे हुई कौन सी चौथे पे हुई अब चाहे ऐसे पूछे चाहे आरोही आरोही असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर पूछे तो घटनाओं का गुच्छा क्या है मे, मेरे प्यारे बच्चों घटनाओं का गुच्छा तो अब यहां पर सारी घटनाएं जो भी हो रही हैं कलकत्ते की किलेबंदी अब जो जो घटनाएं हो रही हैं एक दो तीन करके याद कर लीजिएगा पॉइंट इस क्लियर तो क्रोनोलॉजी पे दो से तीन प्रश्न रहते हैं तो अगर आप घटनाओं का गुच्छा जहां पर तो मैं बता देता हूं इतिहास में कहां कहां घटनाओं का गुच्छा है तो आपको इजी हो जाएगा तो घटनाओं का गुच्छा कहां है वो एक बार मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों तो घटनाओं का गुच्छा है और आज दिन भर मेरे साथ बने रहना ये नहीं कि अगली क्लास होगी तो नहीं सबको रहना है आज इतिहास को मरोड़ के रख देते हैं पांच दिन क्या रिवीजन करोगे आज आपका मॉडर्न इंडिया खत्म कर दूंगा सारी दिशा बता दूंगा अब आप एक हफ्ते पाँच दिन पढ़िए फिर पांचवें छठे दिन आकर के एंशियंट इंडिया कल्चर सब ऐसे खत्म कर डालूंगा ठीक है ना ये एकदम दिमाग पर रखेगा और ये सत्य है कि मैं यूट्यूब पर कम एक्टिव था मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा मैंने बच्चों को दवाइयां वगैरह भी दिखाई स्पेशल क्लास अब यहां नहीं दिखा सकता हूँ तो क्योंकि अच्छा नहीं लगता स्पेशल क्लास में बैठ के खा चुकी दवा वहीं रखी रहती टेबल पर खाता रहता हूं बच्चों को दिखाता हूं बट देखो ठीक है तो स्वास्थ्य अब ठीक हो रहा है टेंडन का पेन भी ठीक है और मेरा सबसे बड़ा कि पेट एकदम मस्त चल रहा है तो ठीक है ये हो गया तो 24 जून सत्रह को अंग्रेजों की कोठी घेरने के लिए सिराज ने एक सेना काशिम बाजार भेज दी और किले पर कब्जा कर लिया अब देखिए ये घटना तो पहली घटना घटनाओं का गुच्छा पहला यानी कि सिराज और अंग्रेजों मतलब बंगाल सत्रह यानी सत्रह से लेकर सत्रह तक बंगाल में जो भी हो रहा है सत्रह सौ यानी जो इलाहाबाद की संधि वगैरह हो रही तो सत्रह से सत्रह तक बंगाल की घटनाओं में कौन पहले कौन दूसरा ये याद रखना क्लियर है ऐसे ही अब अब यहां से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो मैं एक दो जैसे 1917, 18, 19, 20, 21 में जो घटनाएं घटित हो रही हैं फिर जैसे उन्नीस सौ उनतीस में जो घटनाएं घटित हो रही सत्ताइस अट्ठाइस उनतीस तीस इकतीस में ऐसे ही जो उन्नीस क्या इर्द गिर्द घटनाएं घटित हो रही तो ये घटनाओं का गुच्छा है यहां से क्रोनोलॉजी पूछता है बाकी और जो आता जाएगा वो मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा तो ये याद रखिएगा इसके बाद नवाब ने तो पहले क्या किया नवाब ने कोलकाता पर आक्रमण किया यानी एक एक घटना सीधे सीधे लिखी हुई नवाब ने कोलकाता पर आक्रमण किया यहां के अंग्रेज अधिकारी भी फोर्ट विलियम के किले को छोड़कर भाग गए क्या हुए छोड़कर भाग गए अंग्रेजों की प्रतिक्रिया इसी बीच कोलकाता पहुंच गई और उसने तुरंत कर पर अधिकार कर लिया कब सारी सारी सारी। होती है फरवरी सत्रह सत्तावन इस संधि के अनुसार अब यह भी पूछ लेगा एमएमसी क्यू थ्री सिक्स डिग्री सी क्यू ये बोलिएगा नहीं पूरा प्रेल ठीक है ना इस संधि के अनुसार अंग्रेजों को पुरानी व्यापारिक सुविधाएं लौटा दी गई दस्तक वगैरह था फिर से इनका शुरू हो गया और उनको एक भारी धनराशि हर जाने के रूप में मिली दोनों पक्षों ने भविष्य में शांति बनाए रखने का वादा किया अंग्रेजों को कोलकाता में सिक्के डालने का अधिकार प्राप्त हो गया अब देख सकते हैं अब आप देखिए व्यापारिक कंपनी थे यहां सिक्का ढाल रहे थे कह रहे थे कि हम बेखबरी में सब जीते हैं शुरू <laughs> से यह प्लांट थे आपको सैंसर में शो करना है तो अब ये मेरे प्यारे बच्चों प्रीलिम्स का क्वेश्चन है दिस इज प्रीलिम्स क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है अली नगर की संधि में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शामिल था कौन सा प्रावधान शामिल नहीं था तो यह हो गया यहां से अंग्रेजों द्वारा चंद्रनगर पर अधिकार आगे यूरोप में इसी बीच अच्छा जो इंडिया में हो रहा था वो सब यूरोप फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में जो संघर्ष हो रहा था इंडिया में वो सब यूरोपियन संघर्ष का एक हिस्सा था तो इसलिए उसमें बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं यूरोप में इसी बीच फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध आरंभ हो गया था अतः अंग्रेजों ने सप्त वर्ष यानी सात वर्ष तक चलने वाला युद्ध अतः अंग्रेजों ने फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर पर आक्रमण कर दिया क्योंकि नवाब ने फ्रांसीसियों की मदद नहीं की अतः आप फ्रांसीसियों की ओर से भी उसे मदद मिलने की कोई संभावना नहीं रही तो जब अंग्रेजों ने चंद्रनगर पर अटैक किया तब तो यह भी कभी विकल्प में आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा से सही है कि जब अंग्रेजों ने चंद्रनगर पर आक्रमण किया जो फ्रांसीसी बस्ती थी तो जो है सिराज ने उनकी मदद की थी नहीं जी मदद नहीं की थी यह याद रखिएगा तो ये आप यहां पे ध्यान रखें अब इसके बाद होता है प्लासी का फेमस युद्ध तो प्रश्न क्या था प्लासी का फेमस युद्ध होता प्रश्न क्या था प्लासी 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 एक बार मैं मुख्य परीक्षा का प्रश्न आप लोगों से पढ़ना चाहता हूं एक बार रुक जाएगा मैं मुख्य परीक्षा का प्रश्न आप लोगों से पढ़ना चाहता हूं एक मिनट रुक जाएगा एक मिनट एक मिनट रुक जाएगा बच्चों 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 हा 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 हाँ, दो हजार में आया था बच्चों दस नंबर का लेकिन जीएस में कभी आ सकता है दो हजार अठारह में आया है प्लासी का युद्ध अब हम प्लासी पढ़ रहे हैं प्लासी का युद्ध सत्रह सो सत्तावन ने इस तरह से भारत में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक सर्वोच्चता की शुरुआत को चिन्हित किया यानी कि यहां कहा गया प्लासी के युद्ध ने यानी क्या कहा गया प्लासी के युद्ध से प्लासी के युद्ध से भारत में क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों प्लासी के युद्ध से भारत में राजनीतिक सर्वोच्चता का शुभारंभ हुआ अब शुभारंभ हुआ कि नहीं हुआ ये सब हम लोग पढ़ते चलते हैं अंग्रेजों ने षड्यंत्र के तहत नवाब पर यह आरोप लगाया कि वालीनगर की संधि का पालन नहीं कर रहा तो प्लासी के युद्ध का पहला कारण क्या था कि अंग्रेजों के अनुसार सिराज अली नगर की संधि जो तीन पॉइंट पीछे दिए गए थे उसका उल्लंघन कर रहा है अली नगर की नहीं मान रहा। आपको किसी पर अटैक करना कुछ हमारे ऊपर छींक रहते खांस रहे थे कुछ भी कर दीजिए नवाब के द्वारा आरोप का खंडन करने पर भी क्लाइव ने उस पर आक्रमण कर दिया नवाब ने कहा नवाब ने कहा कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर रहा था लेकिन फिर भी तो भैया ये क्या दिखाता है क्या ये बेखबरी के दौर में भारत को जीत रहे थे क्या अंग्रेज बेखबरी के दौर में भारत को जीत रहे थे मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों क्या बेखबरी के दौर में ये जीत रहे थे नो जी नो नो बिल्कुल भी नहीं जीत रहे थे तो आपके सामने तो नवाब के द्वारा आरोपों का खंडन करने पर तो आप बताइएगा का युद्ध दिखाता है वो बेखबरी बेखबर नहीं थे अली नगर की संधि को तोड़ने का दोषारोपण करके सिराज पर आक्रमण कर रहे थे सिराज खंडन कर रहा था और फिर भी आक्रमण कर रहे थे और कहते हैं कि हमने बेखबरी के दौर में भारत को जीत लिया ठीक है ठीक है तो यह हो गया तो आक्रमण कर दिया युद्ध से पूर्व अंग्रेजों ने नवाब के वजीर मीर जाफर और एक प्रमुख अधिकारी राय दुर्लभ की अपनी ओर और... राय दुर्लभ को अपनी ओर मिला लिया अतः नवाब की सेना के एक बड़े हिस्से ने युद्ध में भाग नहीं लिया क्या किया एक बड़े हिस्से ने युद्ध में भाग नहीं लिया सिराज को जब इस विश्वासघात का पता चला जरा ध्यान से सुनिएगा इसे मत जाइएगा कि सुनील सर कहानी पढ़ रहे अभी एक प्रश्न पटक रहा हूं मुख्य परीक्षा का अभी थोड़ा अभी उठाने वाला हूं लेकिन पहले एक बार पढ़ लीजिए सिराज को जब इस विश्वासघात का पता चला तो उसने भागने की कोशिश की परंतु मीर जाफर के पुत्र ने उसकी हत्या कर दी क्या कर दिया मीर जाफर के पुत्र ने उसकी हत्या कर दी इस प्रकार अंग्रेजों ने बंगाल में कठपुतली नवाब मीर जाफर को गद्दी पर बैठाया प्लासी का युद्ध युद्ध ना होकर के षड्यंत्र था टिप्पणी कीजिए कमेंट कीजिए प्लासी वार इज अंस्पेरेंसी ठीक है ना तो प्लासी का वार एक कॉन्सपेरेंसी है या प्लासी का वार वस्पेरेंसी आप लिखिए कि वह एक क्या है षड्यंत्र था तो षड्यंत्र तो था ही था षड्यंत्र था ना यानी कि युद्ध में लड़ने से पहले ही उसे समाप्त कर दिया गया तो प्लासी का युद्ध युद्ध नहीं एक षड्यंत्र था तो षड्यंत्र देखिए अब अब ये भी आप कहेंगे तो बच्चों किताबों में ये सारी चीजें नहीं मिलती हैं कि षड्यंत्र था सुनील सर किसी किताब से पढ़े होंगे तब पढ़ा रहे अभी देखिए षड्यंत्र कैसे निकाला जाता है ये आपको सीखना पड़ेगा ठीक है ना और मैं हमेशा सिखा रहा हूं मैं हमेशा कह रहा हूं द हिंदू की क्लास क्यों गड़बड़ कर रहे हो मेरा कुछ नुकसान नहीं होगा समझ रहे हैं ना आप मेरा कुछ नुकसान नहीं होगा पैंतीस छत्तीस वर्ष की उम्र में ठीक ठाक चल रहा है सब कुछ आप सबका बेटा नुकसान होगा जो बच्चा उसको फॉलो नहीं करेगा हिंदू पैंतालीस पचास तक जाते जाते तो मैं मनवा ही ले जाऊंगा कि हां लेकिन अभी जो बच्चे अपना नुकसान करेंगे वो उनका उनकी भरपाई कैसे होगी जितना जोर ट्रेडिशनल पढ़ने पे उससे ज्यादा जोर हिंदू पढ़ने पर रहना चाहिए क्योंकि वो मस्तिष्क को बड़ा करता है वो ये नहीं करता कि सारा प्रश्न वो आपके सोचने का दायरा बड़ा करता है ये हो रहा वो हो रहा है ऐसे हो रहा है ऐसे हो रहा शाम को छ बजे सिक्स पी इसी चैनल पर इसी चैनल पर सिक्स पी एम द हिंदू ठीक है ना और जो बच्चे इंग्लिश वो आ, ए, आ, हिस्ट्री ऑप्शनल करना चाहते हैं बायलिंगुअल पढ़ा रहा हूं विश्व इतिहास से बैच स्टार्ट इसके बाद मॉडर्न इंडिया इसके बाद एंसियंट और मेडल इंडिया बैच स्टार्ट है आप आकर ज्वाइन कर सकते हैं बायलिंगुअल क्लास का बैच मैं चल, पढ़ा रहा हूं बायलिंगुअल जिसमें कंटेंट इंग्लिश में होता है पूरा लेक्चर हिंदी में होता है और हिंदी के लिए बताता हूं क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना इसलिए वहां कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो यह हो गया तो षड्यंत्र कैसे कहेंगे षड्यंत्र का मतलब क्या होता है यानी षड्यंत्र क्या है और वास्तविक युद्ध क्या होता है क्या है षडयंत्र वास्तविक युद्ध तो वास्तविक युद्ध में युद्ध मैदान में सेनाएं आमने सामने लड़ती हैं यानी आमने सामने का वार होता है। आमने सामने लगती है। ठीक है ना किसी भी वार की पहचान होती है आमने सामने जिसमें सेनाओं का नियोजन होता है ठीक है युद्ध के नियम होते हैं युद्ध के लिए संसाधन होते हैं और फिर अपनी शक्ति से दोनों सेनाएं लड़ती हैं दोनों के सेनापति उनकी जितनी भी चतुरी सेना है जो भी है का मतलब होता है कि आप रियल वॉर ना करके पेपर वार कर लीजिए क्या करिए पेपर वार। इसको क्या बोलते हैं कागजी युद्ध क्या बोलते हैं पेपर वार यानी मेरे प्यारे बच्चों इसको क्या बोलते हैं कागजी युद्ध बोलते हैं यानी पेपर वार बोलते हैं यानी कागजी युद्ध बोलते हैं कि आपने युद्ध लड़ने से पहले ही जो नवाब के विरुद्ध षडयंत्र कर रहे थे उनको अपने खेने खेमे में आपने मिला करके षडंत्र स्क्वायर टू कर दिया ठीक है ना और युद्ध भूमि में जाने से पहले ही पूरी सेना उसका सेनापति आपके साथ हो गए तो यह तो वास्तविक युद्ध हुआ नहीं एक कॉन्स्टिपेरेंसी थी जिसे पेपर पर रॉबर्ट क्लाइव ने अपने कुछ सहयोगियों के साथ मिलकर के संचालित किया था इसीलिए अठारह सो के प्लासी के युद्ध को इतिहासकार षड्यंत्र कहते हैं ना कि युद्ध युद्ध होता है पहली बार बक्सर में यह पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा आते हैं मीर जाफर मीर कासिम और अंग्रेज अब ऑबियस है एक को हटाएंगे तो दूसरे से कुछ लाभ लेना चाहेंगे मीर जाफर ने अंग्रेजों को बंगाल बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी मीर जाफर ने क्या किया अंग्रेजों को बंगाल बिहार और उड़ीसा में इधर देखिएगा मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी कोलकाता के पास 24 परगना की जमींदारी भी अंग्रेजों को मिल गई अब यह भी इंपॉर्टेंट है फिर देखिए कैसा प्रश्न अब प्रिलिम्स में देखिए कैसे प्रश्न पढ़ कुछ और रहे हैं? पूछ पूछ कुछ और लेगा प्रिलिम्स में आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अब्लिक से प्लासी के युद्ध के तात्कालिक परिणाम रहे प्लासी के युद्ध के तात्कालिक परिणाम रहे हैं क्या रहे हैं तात्कालिक परिणाम रहे हैं क्यों मेरे प्यारे बच्चों पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा अब्लिक से प्लासी के तात्कालिक परिणाम अब पढ़ कुछ और रहे मीर जाफर मीर कासिम अंग्रेज और पूछ लेगा प्लासी के परिणाम तो ये क्या ये प्लासी के परिणाम है कि नहीं है क्या ये प्लासी के परिणाम है कि नहीं है तो देखिए मीर जाफर ने अंग्रेजों को पहला यह दिया यह परिणाम ही है कोलकाता के पास 24 परगना की जमींदारी यानी रॉबर्ट क्लाइव को पर्सनली मिलती है यह भी परिणाम है सॉरी हाँ यह भी परिणाम हो गया अंग्रेजों को नजराने में उसने लगभग साढ़े सत्रह लाख रुपए दिए यह भी है मीर जाफर भी जल्द ठीक है हो गया तो तीन ये दिए अब मीर जाफर भी जल्द ही अंग्रेजों से पछताने लगा क्योंकि अंग्रेजों की मांग ने उसका खजाना खाली कर दिया था मीर जाफर द्वारा मांगे ना पूरी करने पर अंग्रेजों ने उसे गद्दी से हटा करके मीर कासिम को बनाया तो अब यह भी प्रश्न है मीर जाफर को क्यों हटाया क्योंकि वह अंग्रेजों की अनुचित मांगों को पूरा नहीं कर पा रहा था तो यह भी प्रिलिम्स का प्रश्न है मीर कासिम अंग्रेजों से पहले ही सतर्क था उसने अंग्रेजों से मुक्ति पाने का प्रयत्न आरंभ कर दिया यानी यह बड़ा समझदार था दस्तक का दुरुपयोग रोकने हैं तो उसके प्रयासों के कारण सत्रह सौ तिरसठ ईस्वी में अंग्रेजों ने उसे भी हटा दिया दस्तक उसने क्या कर दिया था दस्तक का दुरुपयोग रोकने के लिए उसने क्या किया दस्तक अब सभी को उसने प्रदान कर दिया यानी भारतीय व्यापारी भी है और ये भी अब सब जाओ एक ही प्रकार से व्यापार करो तो दस्तक का दुरुपयोग रोका और फिर क्या हो गया किसको भी सत्ता से हटा दिया गया फिर सत्रह सो चौसठ ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है बंगाल से भागकर मीर कासिम अवध पहुंचा और अवध के नवाब नाम याद रखेगा सुजाउद्दौला और मुगल शासक शाह सा आलम शिक्ष के साथ मिलकर एक फेडरेशन बनाता है तीनों सहयोगियों की मुठभेड़ 22 अक्टूबर सत्रह सौ चौसठ ईसवी को बक्सर में हुई जिसमें हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेज विजयी हुए यह एक रियल युद्ध था एक रियल इस युद्ध ने अंग्रेजों को बंगाल बिहार और उड़ीसा का निर्विवाद शासक बना दिया सत्रह में उनको केवल राजस्व तो मिला था यहां का बंगाल बिहार और उड़ीसा का अब वह सबसे बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित हो गए और अवध भी उनकी दया का मोहताज हो गया युद्ध के बाद सत्रह सौ पैंसठ ईस्वी में क्लाइव दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बनकर आया और उसने इन तीनों से संधि की यानी कि बंगाल के नवाब से भी करी और जो है मुगल शासक से भी करी और सुजाऊद दौला से भी करी अवध के नवाब से भी तो आप देख सकते हैं अब इतने से काम नहीं चलेगा इसमें एक प्रश्न मुख्य परीक्षा का हम लोग एंट्री कराएंगे और वो प्रश्न क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों वो प्रश्न होगा कि जो पलासी में अधूरा रह गया था उसकी पुष्टि बक्सर ने कर दी जो पलासी में अधूरा रह गया था मेरे प्यारे बच्चों उसकी पुष्टि बक्सर ने कर दी तो प्लासी में क्या अधूरा रह गया था पहला क्या अधूरा रह गया था प्लासी में आई 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 आई, 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 आई प्लासी में क्या अधूरा रह गया था कहां गया कहां गया कहां गया तो भैया प्लासी में क्या अधूरा रह गया था आई आई ये वास्तविक युद्ध नहीं हुआ था वास्तविक युद्ध हो गया आमने सामने की सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ तो इससे ब्रिटेन की प्रामाणिकता सिद्ध हो गई युद्ध में सेनाओं का बेहतर नियोजन किया था युद्ध के नियमों के हिसाब से नियम युद्ध लड़ा गया किसी प्रकार का कोई षड्यंत्र नहीं था और उसने उस समय भारत की तीन सबसे बड़ी शक्तियों था।, था मेरे प्यारे बच्चों जिसमें मुगल शासक प्रतीक था पॉइंट को नोट करिएगा मुगल शासक एक सिंबल था भारत के शासक का उसको हराया अवध का प्रतिष्ठित नवाब फुजाउद उसको हराया बंगाल सबसे बड़ा प्रांत था सबसे समृद्ध प्रांत था उसके नवाब की संयुक्त तो सेना को हराया उसकी जो सर्वोच्चता है है वह स्थापित हो गई तो प्लासी ने जो प्रश्न आया था ऑप्शनल में अठारह में प्लासी ने पॉलिटिकल पैराउंसी की शुरुआत की थी उसमें लिखिएगा पॉलिटिकल पैराउनसी को एस्टेब्लिश किया उसे स्थापित किया बक्सर ने यह पॉइंट लिख लीजिएगा और एग्जांपल आपको सारे मिल गए कहिए बच्चों आनंद आया आनंद आ गया कि नहीं आ गया एक बार फटाफट बताइए आनंद आनंद आया 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 कि नहीं पढ़ाई का मतलब आनंद पढ़ाई का मतलब आनंद ठीक है तो ये हो गया आपका 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 यहां यहां से से आप इसे कर सकते हैं तो तो ये ये हो हो गया गया बक्सर का युद्ध अब देखिए क्या क्या संधि करता है इलाहाबाद की दो संधियां करता है पहली अवध के साथ करता है और एक शाह आलम के साथ करता है मुगल शासक के साथ ठीक है तो बक्सर ने पुष्ट कर दिया जो अधूरा रह गया था उसे बक्सर ने पूरा कर दिया अब वो वास्तविक शक्ति बन गए कह है सकते हैं कि बक्सर में जीत के पश्चात अंग्रेज अब इस बात को सेटल करने में स्टैब्लिश करने में सफल रह गए कि अब भारत में का शासन वही करेंगे भारत का शासन वही करेंगे ठीक है तो देखिए यूपीएससी ऐसे यार घुमाता है अवध के साथ संधि नवाब ने कंपनी को पांच लाख रुपए युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में देना स्वीकार किया इलाहाबाद तथा कड़ा के जिले मुगल बादशाह को देने पड़े अवध को बदले में नवाब के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार किया गया और अंग्रेज उसे सैन्य सहायता देने पर राजी हुए एक प्रकार से इसे हम सहायक संधि देखिए यह भी एक बहुत बढ़िया बच्चों एक प्रकार से इसे हम सहायक संधि कहते हैं तो कभी कभार बड़ा पेचीदा प्रश्न आ जाता है जैसे हमारे ऑप्शनल के टाइम पे मैं आप अगर जो आपके सीनियर होंगे उनसे किसी से पूछेगा तो ये प्रश्न आया हुआ कि सबसे पहले जो है सहायक संधि किसके साथ की गई तो हम लोग सत्रह अवध ही मारते थे तो सहायक ये सहायक संधि है और नहीं किया तो सबसे पहले हैदराबाद मारेंगे ठीक है तो ये हो गया सहायक शाह आलम के साथ संधि शाह आलम द्वितीय कंपनी के संरक्षण में आ गया इलाहाबाद और कड़ा के जिले यानी अब देखिए उसके संरक्षण में आ गया तो यह भी प्रश्न है किस संधि से यह भी अपने आप में इंडिपेंडेंट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संधि से मुगल शासक निम्नलिखित में से किस संधि से मुगल शासक ब्रिटिश संरक्षण में आया ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में आया तो वह इलाहाबाद की संधि से आ गया द्वितीय संधि से बासा ने छब्बीस लाख रुपए वार्षिक भुगतान के बदले बंगाल बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को दिया यानी छब्बीस लाख अंग्रेज प्रदान करेंगे उसके बदले उनको यह मिलेगा अंग्रेजों को दीवानी के अधिकार पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान कर दिया यानी रेवेन्यू पूरा उनके हाथ में आ गया यह पूरा पिक्चर आप देख सकते हैं सत्रह में भारत की जो पूरी स्थिति थी पॉइंट क्लियर बच्चों अब आते हैं बंगाल में द्वैध शासन सत्रह से बहत्तर बंगाल में द्वैध शासन बहुत अच्छा सत्रह अंतर्गत बंगाल के समस्त दीवानी अधिकारों पर कंपनी का नियंत्रण हो गया और प्रशासनिक अधिकार बंगाल के नवाब को दे दिए गए उस समय बंगाल का नवाब अल्प व्यक्त था अतः अंग्रेजों ने अपने एक सुबेदार के माध्यम से प्रशासन पर भी नियंत्रण बनाए रखा मैंने आपको पहले बता दिया था दीवानी यानी राजस्व का अधिकार प्रत्यक्ष लिया निजामत यानी सामान्य प्रशासन का अधिकार किसको दिया सुबेदार को लेकिन वो छोटा था तो वो भी अपने उप सुबेदार के माध्यम से संच, अपने सुबेदार के माध्यम से संचालित कराने लगे अब यहां देखिए एक एक बड़ा रोचक प्रश्न आता है यहां पर एक, एक बड़ा रोचक प्रश्न आता है कि दीवानी तो पा गए अब ये इनके जो कारिंदे होते थे ये डांट मार के रेवेन्यू वसूला करते थे लेकिन सामान्य प्रशासन की जिम्मेदारी बंगाल के नवाब पर थी तो जनता को लगता था कि यार बंगाल का नवाब ही सारी जड़ है अब आप देखिए तो इसका मतलब ये बहुत बढ़िया खेल खेल रहे थे अब बताइए अगर आप व्यापारिक कंपनी थे और बेखबरी में नहीं थे तो ये क्या है आप बेखबर नहीं थे बंगाल में द्वैध शासन आपकी सोची समझी चाल थी द्वैध शासन के दोस्त एक और नवाब के पास प्रशासन का दायित्व था परंतु उसके संचालन के लिए वित्त की कमी थी वहीं दूसरी ओर अंग्रेजों के पास वित्त तो था, था मगर दायित्व तो नहीं था अतः सत्रह सौ बहत्तर में यह भी प्रश्न है कि द्वैध शासन किसने लगाया और किसने समाप्त किया हेस्टिंग्स ने तो यहां पर थ्री सिक्सटी डिग्री एक माइंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं और वह प्रश्न क्या होगा निम्नलिखित चलिए आप इसका उत्तर दीजिए मैं बना रहा हूं चलिए आप लोग फटाफट कमेंट करिए मैं एक मिनट कमेंट आप लोगों का ओपन कर लेता हूं एक प्रश्न का उत्तर मेरे दीजिए फटाफट बच्चों फटाफट 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 ठीक है फटाफट इसका आंसर फटाफट 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 ठीक है बच्चा लोग ठीक है ठीक है ठीक है फटाफट इसका आंसर आज ठीक है आज संडे है आज हिंदू छह बजे नहीं होता एक प्रश्न का उत्तर दीजिए एक, एक प्रश्न का उत्तर दीजिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है पहला बंगाल में द्वैध शासन देखिए कैसे क्वेश्चन बनाने की प्रैक्टिस करनी द्वैध शासन की शुरुआत वारन हेनस्टिक्स ने की दूसरा समापन रॉबर्ट क्लाइव ने किया ए केवल एक बी केवल दो सी एक और दो और डी नीदर वन नार टू फटाफट आंसर बताइए फटाफट आंसर बताइए बच्चों फटाफट आंसर बताइए फटाफट आंसर बताइए फटाफट आंसर बताइए फटाफट रहा। फटा फट बच्चों आंसर बताइए फटाफट 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 फट। <स्थ> फटा फटाफट बच्चे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बहुत बढ़िया शानदार शानदार बहुत बढ़िया तो ये आप आपने पकड़ लिया तो ऐसे ही अभी हम पढ़ रहे हैं तो पकड़ लेते हैं यूपीएससी ऐसे प्रश्न रख देता अरे यार क्या हो गया तो इसीलिए मैंने कहा थ्री सिक्सटी डिग्री पढ़ कुछ और रहे हैं प्रश्न कुछ और बना रहे हैं पढ़ कुछ और रहे प्रश्न कुछ और बना रहे यही आप लोगों की रणनीति होनी चाहिए आप देखिए किसी एग्जाम में फेल नहीं होंगे इस बात की मेरी गारंटी है ठीक है आगे चलते हैं हम मैसूर विजय ठीक है ना मैसूर विजय की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं किसकी तरफ बढ़ते हैं बच्चों मैसूर तालीकोटा युद्ध में विजयनगर साम्राज्य के पतन के पश्चात मैसूर राज का उदय हुआ तालीकोटा युद्ध आप याद रखेगा जब मेडुअल पढ़ेंगे तब आएगा तो यहां पर आता है मैसूर राज का उदय होता है अब यह भी एक वंश है इस पर वोडियार वंश का शासन स्थापित हुआ तो यह भी इंपॉर्टेंट है वोडियार वंश का शासन इस वंश का अंतिम शासक चिक्का कृष्ण राज था याद रखेगा इसका शासनकाल इतने से इतने तक था इसके शासनकाल में यानी चिक्का कृष्णराज के शासनकाल में जो सत्ता थी दो मंत्री भाइयों देवराज और नंजराज के हाथों में आ गई अब देखिए आपको लग रहा होगा सर कहानी पढ़ लेकिन वो भी ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है थ्री डिग्री एम में आपको जो प्रैक्टिस करनी है कि देवराज और नंजराज का संबंध किससे देवराज और नंजराज का संबंध किससे चिक्का कृष्णराज का संबंध किससे मैसूर से कर्नाटक से हैदराबाद से यहां से वहां से तो आप देख सकते हैं तो इसके शासनकाल में सत्ता दो मंत्रियों भाइयों देवराज और नंदराज के हाथों में केंद्रित थी इस मैसूर राज्य में आज आगे चलकर दो प्रमुख शासक हुए हैदर हैदरअली टीपू तो यह पूरा हो गया मैसूर का प्रथम आंगल मैसूर युद्ध जो हमें पढ़ना है ज, बस इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है प्रथम आंगल मैसूर युद्ध अंग्रेजों की आक्रमक नीति अब यह आया प्रश्न कि पहला आंगल मैसूर युद्ध क्यों हुआ अंग्रेजों की आक्रमक नीति उसका कारण था पहले अंग्रेजों ने सत्रह में हैदराबाद के निजाम से संधि कर हैदर अली से सुरक्षा प्राप्त करने का वचन लिया उसके बाद निजाम को मैसूर पर आक्रमण करने के लिए इसका मतलब कि यह अंग्रेजों की आक्रामक नीति का परिणाम था क्या था यह अंग्रेजों की आक्रामक नीति का परिणाम था अंग्रेजों के इस रवैये को देखने के बाद हैदर अली ने अंग्रेजों को पाठ पढ़ाने का फैसला किया और फिर क्या किया फिर क्या किया इधर देखिएगा मराठों से संधि कर ली और परिणाम हुआ हैदर अली एवं निजाम को अंग्रेजों ने सितंबर सत्रह सौ सड़सठ में संगम एवं तिरुवन मलई नामक स्थानों पर पराजित कर दिया अवसरवादी निजाम जो इनके साथ आ गया था पुनः अंग्रेजों से संधि कर ली निजाम के धोखे का बदला लेने की तर्ज पर हैदर अली ने अंग्रेजों पर पुनः आक्रमण किया तथा अंग्रेजों को मद्रास तक धकेल दिया यानी यहां पर बढ़त रही इसके पास किसके पास जो है अंग्रेजों के पास और मद्रास की संधि से पहला जो है युद्ध समाप्त होता है फिर आता है सत्रह सो उनहत्तर ईस्वी में अंग्रेजों ने हैदर अली की शर्तों पर प्रथम आंगल मैसूर युद्ध के बाद संधि करी और उस संधि का नाम था मद्रास संधि यहां टाइपिंग में मिस्टेक छूट गया मद्रास संधि ठीक है अब आगे बढ़ते हैं द्वितीय है आंगल मैसूर युद्ध सत्रह सो अस्सी से चौरासी द्वितीय मैसूर युद्ध सत्रह सौ अस्सी से सत्रह सौ चौरासी ईस्वी तक चला अंग्रेजों ने सत्रह सौ उनहत्तर ईस्वी की मद्रास की संधि की शर्तों के अनुसार आचरण नहीं किया था इसीलिए यानी मद्रास की जो संधि थी उसका उन्होंने उल्लंघन किया था उल्लंघन क्या किया था कि यानी जब मतलब उन्होंने कहा था कि अब आपके ऊपर कोई आक्रमण करेगा तो हम आपका साथ देंगे अंग्रेजों ने कहा था ऐसा लेकिन जब सत्रह सौ इकहत्तर में मराठा सेना ने मैसूर पर आक्रमण किया तब अंग्रेज मद्रास की संधि का पालन करने में विफल रहे यानी यह वादा किया गया था की जो है मद्रास की संधि जो हुई थी इसमें यह वादा किया गया था कोई भी तीसरी शक्ति अटैक करेगी तो दोनों यानी कि मैसूर और अंग्रेज एक दूसरे की सहायता करेंगे लेकिन जब मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया तब अंग्रेज मद्रास की संधि का पालन करने में बिकल रहे और उसने और उस उसने राज्य में स्थित माही में याद रखेगा तो बस इतना ही ठीक है ना और फिर सत्रह सौ अस्सी ईस्वी में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया और यहीं से द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध प्रारंभ हो जाता है युद्ध का परिणाम हैदर अली ने उन पर विश्वास भंग करने का आरोप लगाया और उसने मराठों और निजाम के साथ त्रिगुट संधि कर ली यही वह युद्ध है जहां पर एक बार अंग्रेजों की तरफ से कहा गया कि हमारा भाग्य सबसे निम्नतम स्तर पर आ गया क्योंकि अगर अगर मैसूर और निजाम और मराठे एक हो गए होते तो आप समझिए कहीं ना कहीं अंग्रेजों की हालत खराब हो जाती उसने कर्नाटक पर आक्रमण किया और अरकाट पर कब्जा कर लिया वर्ष सत्रह में कर्नल बेली के अधीन अंग्रेजी सेना को पराजित कर दिया अब अंग्रेजों का भाग्य निचले स्तर पर आ गया फिर इसके बाद आते हैं तृतीय एंग्ल में शुरू 1790 से ठीक है ना 1792 यहां पर 42 लिखा हुआ है इसको ठीक कर लीजिएगा 92 तो बताने को यह इस युद्ध में अंग्रेजों की छलपूर्ण नीति ही सबसे बड़ा कारण थी टीपू के त्रावणकोर पर आक्रमण को आधार बनाकर अंग्रेजों द्वारा मराठों निजाम से संधि कर ली कि टीपू ने त्रावण कोर पर आक्रमण किया थी अभी प्रश्न है कि तृतीय आंगल मैसूर युद्ध कैसे हुआ ठीक है ना तो टीपू के द्वारा त्रावण कोर पर किए गए आक्रमण जो कि अंग्रेजों का संरक्षित था तृतीय आंगल मैसूर युद्ध तीन चरणों में हुआ प्रथम चरण में अंग्रेजों का सेनापति जनरल मिडो था दूसरे में सेनापति कार्नवालिस था युद्ध के तृतीय चरण में कार्नवालिस की सहायता है तो मिडो स्टूवर्ट मैक्सवेल और हंटर जैसे अंग्रेज सैनिक अधिकारी भी आए थे अंग्रेजों की सामरिक स्थिति मजबूत होने के कारण टीपू की हार हुई टीपू ने युद्ध परिणाम के बाद अपने राज्य का आधा भाग मराठों तथा निजाम को दिया सत्रह में टीपू को श्रीरंगपट्टनम की संधि करने के लिए बाध्य होना पड़ा इसी के तहत उसको अपना आधा राज्य देना पड़ा चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध मार्च सत्ता मार्च सत्रह से मई सत्रह बताने की आवश्यकता नहीं है तो अब ये क्यों हुआ चूंकि अंग्रेजों को खदेड़ने तो ये यानी जो चतुर्थ आंगल मशहूर युद्ध है बच्चों वो होता है क्योंकि अब नेपोलियन का खतरा यानी फ्रांस का खतरा इंडिया में भी दिखाई देने लगा था इंग्लैंड को तो अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए टीपू द्वारा सहयोग के प्रयास किए गए जैसे नेपोलियन अरब देशों कुतुन तुनिया अफगानिस्तान एवं मारिसस के शासकों से पत्र व्यवहार करना इस बार अंग्रेज सेनापति कौन था आर्थर बेलजली और हैरिस स्टूअर्ट थे टीपू बताने की आवश्यकता नहीं सत्रह में मारा गया और टीपू सुल्तान के पश्चात मैसूर का बंटवारा कर दिया गया बताने की आवश्यकता नहीं अंग्रेजों के अधीन कौन सा क्षेत्र है यह भी याद रखिएगा कोयमटूर कनारा श्रीरंगपट्टनम का क्षेत्र यह आ गया अंग्रेजों के अधीन या श्री कर लीजिएगा श्री और गुटी गुर्राम कोंडा और चिंतल दुर्ग हारपोनेली नेली इन निजाम को मिले चूंकि निजाम ने सपोर्ट किया था नोट मैसूर के विरुद्ध सफलता के लिए ही आर्थर बेलजरी को मार्कर्स की उपाधि मिली नोट मैसूर पर फ्रांसीसी प्रभाव का अब यहां पर अंत हो जाता है यह पॉइंट आपको ध्यान में रख करके चलना है मेरे प्यारे बच्चों पॉइंट इज क्लियर तो यहां पर आता है अब सर्वोच्चता हेतु आंगल मराठा संघर्ष ठीक है ना आइए एक बार इसको देख लेते हैं एक छोटे भूमिया स्तर से ठीक है ना यानी मराठों के बारे में है बताने की आवश्यकता नहीं यहां पर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है सत्रह में तो ये परास्त हुए थे उसके बाद फिर वह संगठित होते हैं अपनी शक्ति को अर्जित करते हैं ठीक है ना तो यह सारी बातें हैं और तीन युद्ध होते हैं जो हमें हमें पढ़ने की आवश्यकता है आंगल मराठा युद्ध प्रथम आंगल मराठा युद्ध सत्रह से बयासी ईस्वी में होता है पेशवा कौन होते हैं माधोराव यानी पूरा प्रिलिम्स का मटेरियल तैयार है युद्ध अवधि पेशवा गवर्नर जनरल और संधि किस नाम से संधि होती है तो प्रथम आंगल मराठा युद्ध सत्रह से सत्रह पेशवा होते हैं माधवराव गवर्नर जनरल होते होते हैं गवर्नर जनरल होते हैं हैं पेशवा गवर्नर जनरल होते हैं जॉर्ज बार्लोय बेलेजली संधि होती है राजघाट की संधि तृतीय आंगल मराठा युद्ध होता है अठारह से अठारह बाजीराव सेकंड के टाइम पर गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग संधि होती है पूना की संधि तो ये पूरी जो उनकी कौन कौन सी मराठों ने संधि की थी उसको भी बच्चों ने कहीं से मतलब जो है जो काम कर रहे थे उन्होंने कहीं से कटपेस्ट कर दिया ठीक है ना तो, तो पुरंदर की संधि संगोली की संधि झलकी की संधि राक्षस भुवन की संधि कंकापुर की संधि सूरत की संधि पुरंदर की संधि बड़गांव की संधि सालबाई की संधि बसीन की संधि देवगांव की संधि सुरजी अर्जन गांव की संधि राजापुर घाट की संधि पूना की संधि ग्वालियर की संधि मंदसौर की संधि तो आप इसको पढ़ लीजिएगा ठीक है ना मराठा शक्ति क्यों पराजित हुई तो बताने की आवश्यकता नहीं है कि क्यों क्योंकि एक तो सबसे बड़ी थी अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति थी तो हारना था ठीक है ना तो इनका जो सबसे हारने का जो बड़ा कारण यहां बताया गया है स्पेक्ट्रम में परस्पर विश्वास का अभाव एवं महत्वाकांक्षा यानी कि सभी लोग पेशवा बनना चाहते थे ये करना चाहते थे और दोषपूर्ण आर्थिक संगठन था यानी आर्थिक रूप से जब आप चौथ पर डिपेंड करते हैं इकोनॉमिक सेटलमेंट नहीं है तो आप कब तक टिक पाएंगे तो ये दोषपूर्ण आर्थिक संगठन था उग्र राष्ट्रीयता नहीं थी आत्मनिर्भरता का अभाव था इनको हमेशा रेवेन्यू के लिए भागना पड़ता था सुदृढ़ शासन व्यवस्था का अभाव था योग्य नेतृत्व का अभाव था यानी सत्रह के पहले यह सब था सत्रह के बाद यह सब नहीं था अंग्रेज शक्त की श्रेष्ठता तथा सुसंगठित गुप्तचर व्यवस्था ठीक है ना तो ये सारी उच्च आदर्श नहीं था एक दूसरे के साथ सहयोग नहीं करते थे आर्थिक विषमता थी दोषपूर्ण सैन्य व्यवस्था थी विकेंद्रीकरण बहुत ज्यादा था ठीक है ना मराठा साम्राज्य उसी पतनशील समाज का प्रतिनिधित्व करता था जिसका मुगल साम्राज्य यानी कि सेम उसी प्रकार की स्थिति इनकी भी थी तो ये सारी चीजें हैं जो आपको पढ़ने की जरूरत है अब इसके बाद आता है सिख संप्रदाय और पंजाब विजय क्या आता है सिख संप्रदाय और पंजाब विजय क्लियर है क्या है सिख संप्रदाय और पंजाब विजय में मेरे प्यारे बच्चों क्या है सिख संप्रदाय और पीडीएफ आपको मिल जाएगा बच्चों पीडीएफ आपको मिल जाएगा सिख संप्रदाय और पंजाब विजय इसको कंप्लीट करके फिर ये क्लास रोकेंगे यानी आप लोग बिल्कुल हड़बड़ाइए नहीं ये क्लास रोक के फिर एक फिर बजे से आ जाएंगे लेकिन ये ये कंप्लीट कर लें जिससे कि ये सारी छो, छोटे छोटे काम हो जाए बड़ा काम आते ही स्टार्ट किया जाए तो सिख संप्रदाय की स्थापना गुरु नानक ने की गुरु नानक के सिख कहलाए गुरु नानक किसके समकालीन थे प्रिलिम्स का थ्री है बाबर के समकालीन थे गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किया जो पंजाब मतलब जो सिखों के गुरुद्वारों में आप अभी भी देख सकते हैं गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत यानी धर्मशाला और पंगत यानी लंगर स्थापित की संगत और पंगत ने एक संस्था का काम किया जहां उनके अनुयायी प्रतिदिन मिलते थे गुरु नानक की सन पंद्रह में करतारपुर में मृत्यु हो गई गुरु अंगद ये सिखों के दूसरे गुरु थे इनका प्रारंभिक नाम क्या था लहना था इन्होंने लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया किसने बनाया अस्थाई गुरु अंगद ने गुरुमुखी का आरंभ इन्होंने ही किया गुरु अंगद ने सिखों के तीसरे गुरु अमरदास थे इन्होंने हिंदुओं से पृथक होने के लिए कई कार्य किए इन्होंने हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन को प्रचलित किया गुरु अमरदास ने अमरदास ने बाईस गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति की सिखों के चौथे गुरु रामदास थे इन्होंने अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना की गुरु रामदास ने अपने तीसरे गुरु अर्जुन को गुरु का अपने मतलब गुरु रामदास के बाद गुरु अर्जुन आते हैं ठीक है ना और अपने पुत्र को दिया इस प्रकार उन्होंने गुरु का पद पैतृक बनाया किसने रामदास ने के पांचवें गुरु अर्जुन थे इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना करी है याद रखिएगा आदि ग्रंथ में किसके किसके काव्य हैं कबीर के भी हैं नामदेव के भी हैं रास के भी यह भी क्वेश्चन है सोलह सौ में गुरु अर्जुन को जहांगीर ने खुसरो की सहायता करने के कारण मरवा दिया सिखों के छठे गुरु गुरु हर गोविंद हुए इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया यह भी का प्रश्न कि सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया तो छठवें गुरु हर गोविंद ने दिया तथा अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया सिखों के सातवें गुरु हर राय थे सिखों के आठवें गुरु हर किसान थे इनकी क्रोनोलॉजी याद करेगा सिखों के नवे गुरु गुरु तेग बहादुर थे और ये औरंगजेब के समकालीन थे शिक्षों के शिक्षों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह जन्म सोलह सौ में पटना में हुआ था इन्होंने अपने को सच्चा पातशाह कहा अब इनके बारे में बहुत जानकारी आए इन्होंने सिखों के लिए पंचम कार अनिवार्य अर्थात प्रत्येक सिख को के केश कंगा कृपाण कक्षा और कड़ा रखने की अनुमति दी और सभी लोगों को अपने नाम के आगे सिंह शब्द जोड़ने को कहा गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान आनंदपुर साहिब और कार्यस्थली पाओता थी यह भी याद रखिएगा कभी कभी यह भी पूछ लेता है कि आनंदपुर साहिब और पाओता का संबंध किससे सोलह सौ निन्यानवे में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की और पाहुल प्रणाली की शुरुआत की ठीक है ना गुरु गोविंद सिंह की हत्या गुल नामक पठान ने सत्रह सो आठ में करी सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए थे सत्रह सौ अड़तालीस ईस्वी में कर्पूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियों का दल खालसा में विलय कर दिया गया दल खालसा कुछ जस्सर सिंह आहलूवालिया के नेतृत्व में रखा गया जिन्होंने बाद जिन्हें बाद में 12 दलों में विभाजित दि, किया गया और इसको मिसल के नाम से जाना गया मिसल क्या होते थे 1738 और 65 के बीच सिक्कों के बने मिसल राज्य संघ होते थे ये टर्मिनोलॉजी आपसे पूछ सकता है जैसे आहलूवालिया मिसल रामगढ़िया मिसल सुकरचकिया मिसल ये सब होते थे सुकरचकिया मिसल के मुखिया मेन सिंह के शासन 1780 में रणजीत सिंह का जन्म हुआ और ये सुकर चकिया मिसल के थे तो रणजीत सिंह किस मिसल के थे आप यहाँ से देख सकते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है रणजीत सिंह के बारे में पच्चीस अप्रैल अठारह सौ को रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य अमृतसर की संधि हुई

अब इसके बाद होता है यानी ऑब्वियस है उत्तराधिकारी उतने ताकत तो रहेंगे तो अब यहां से उत्तराधिकारी आते हैं सिख युद्ध अठारह से छियालीस तो इस को, मतलब अठारह सो 1845 में होता है और समापन होता है लाहौर की संधि से तो बस आप केवल डेट याद रखिए इसमें कुछ भी इस लाहौर संधि के द्वारा क्या किया गया राजा दिलीप सिंह ने सतलत के दक्षिण अब एग्जाम में उत्तर लिख देगा यहां पर दक्षिण लिखा है तो आप दक्षिण के प्रदेश और सतलज व्यास नदियों के दो के सभी प्रदेश अंग्रेजों को प्रदान कर दिया अलर्ट रहिएगा कि लाहौर की संख्या सीमित कर दी गई अंग्रेजी सेना को पर, पंजाब में निर्बाध रूप से वितरण करने का अधिकार मिल गया दिलीप सिंह को पंजाब का महाराजा स्वीकार कर लिया गया और लाल सिंह को उसका प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया फिर इसके बाद ठीक है ना तो आप देख सकते हैं फिर एक भैरोवाल की संधि होती है अठारह सो छियालीस एक और मतलब लाहौर की कॉम्प्लीमेंट्री संधि है भैरोवाल पंजाब के लिए एक परिषद बनाया गया जो शासन करेगी परिषद में अंग्रेज रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस की अध्यक्षता में आठ सिख सरदारों को शामिल किया गया इस प्रकार अंग्रेजों ने अप्रत्यक्ष रूप से पंजाब पर नियंत्रण कर लिया तो कंफ्यूज मत होइएगा ये लाहौर की संधि में नहीं हुआ था ये एक कंप्लीमेंट्री की गई थी भैरोवाल की संधि उसमें किया गया था ये याद रखेगा द्वितीय आंगल अठारह सो सैतालीस सौ उनचास में द्वितीय आंगल होता है तो आप देख सकते हैं पहली लड़ाई लड़ाई जो हुई हुई थी थी सिख नेता शेर सिंह और अंग्रेज कमांडर गफ के हुई थी। दूसरी लड़ाई गुजरात के मध्य दूसरी गुजरात चिनाब नदी के किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अठारह में सिखों को बुरी तरह पराजित किया गया लॉर्ड डलहौजी के 29 मार्च अठारह की घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का बिल अंग्रेजी राज्य में कर लिया गया तो नेपियर और डलहौजी ने कर लिया महाराजा दिलीप सिंह को पचास हजार पाउंड की वार्षिक पेंशन दे दी गई सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोनूर को महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया प्रीवियस क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं और फिर उसके बाद एकदम से क्लास के बाद हम एकदम न्यू जर्नी स्टार्ट करते हैं यानी कि जो एक बजे क्लास होगी प्लासी के युद्ध में भारत में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक सर्वोच्चता की शुरुआत को चिन्हित किया समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए क्या इस पर आपकी आपकी कुछ निगाह बन पाई यानी क्या कुछ सोच पाए ये मैंने सोचवाया आपको फिर देखिए ऑप्शनल में आया था टीपू सुल्तान और मैसूर में महत्वाकांक्षी तो टीपू सुल्तान के बारे में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु उनकी मृत्यु पूरे पंजाब के लिए अराजकता के विस्फोट का संकेत थी बिल्कुल अभी अभी, अभी आपने पढ़ा क्योंकि लगातार फिर अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ और वह उनके हाथ में चला गया मराठा साम्राज्य का बिक्टन आंतरिक दबाव के फलस्वरूप हुआ परीक्षण कीजिए इस प्रकार के प्रश्न थे चलिए दो प्रलिम्स के प्रश्नों का उत्तर करिए चलिए दो प्रिलिम्स के प्रश्नों का उत्तर करिए उसके बाद ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रारंभिक विद्रोह ताबड़ोड़ ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अठारह सो सत्तावन और जनजातीय विद्रोह पढ़ने जा रहे हैं ये हम करेंगे दोपहर में एक बजे लेकिन और ये इसीलिए दिखा दे रहा हूं कि अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब स्टार्ट हुआ है तो ये नहीं कि सुबह वाले में आ गए दोपहर वाले में ना ना अपना नुकसान करेंगे खत्म करिए आज आज सबको खत्म करना मेरी एनर्जी के साथ अपनी एनर्जी मैच करिए तभी मुझे अगले क्लास के लिए प्रेरणा मिलेगी कि चलो सारे बच्चे कनेक्टेड हैं नहीं तो फिर अगली क्लास आपको पता है फिर मैं विलंब कर देता हूं तो इसलिए यह एक ठीक है तो चलिए दो प्रश्नों का उत्तर दीजिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए पहला पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम जोधी को पराजित किया तृतीय आंगल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई प्लासिक युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जापर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा कौन सा सही है फटाफट फटाफट पहला क्वेश्चन आप ऐसे लिखिएगा ये क्वेश्चन नंबर वन है क्वेश्चन नंबर वन है ये क्वेश्चन नंबर टू है तो पहले वन का आंसर दीजिए पहले वन का आंसर दीजिए बच्चों ठीक है पहला पहला चल बच्चे फटाफट 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 फटा 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 मेरे बच्चों फटाफट आंसर फटाफट आंसर यानी तीर्तीय मैसूर में टीपू की मृत्यु हुई थी कि चौथे में हुई थी चौथे में हुई थी दूसरा हटा दीजिए जहां जहां तृतीय में हुई थी कि चौथे में हुई थी दूसरा हटाइए एलिमिनेशन मेथड लगाइए ये, ये गया ठीक है ना ठीक है तो केवल क्या होगा आंसर क्या होगा सी कैसे मार रहे हैं दो और तीन कैसे होगा अरे तृतीय एंगल मैसूर में टीपू की मृत्यु हुई, हुई थी कि चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध में मृत्यु हुई थी अरे गजबे हाल है भैया तृतीय में मृत्यु हुई थी कि चतुर्थ में हुई थी यार गज्जब हाल है यार एलिमिनेशन करिए चलिए निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं प्रथम आंगल मराठा युद्ध तृतीय आंगल मैसूर युद्ध प्रथम आंगल बर्मी युद्ध द्वितीय आंगल सिद्ध युद्ध कौन सा सही है चलो बच्चों तो कौन सा सही है डी दो और तीन ठीक है तो ये रही आपकी क्लास और अब यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रारंभिक विद्रोह और सबसे पहले अठारह एक बार दिखा दूं और फिर इसके बाद जनजाति और सारे विद्रोह बहुत बढ़िया है तो अब हम लोग एक बजे मिलेंगे अब हम लोग एक बजे मिलेंगे कितने बजे एक बजे मिलते हैं और ये फाइल अभी नहीं दूंगा शाम को ये फाइल आपके हाथ में आ जाएगी ये मेरा वादा है दस बजे रात तक का टाइम रखा है जैसे क्लास खत्म होगी ये आपके पास आ जाएगी मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद आओ आज मॉडर्न इंडिया का फिनिश है द एंड है मेरे बच्चों मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद जय हिंद लेट्स क्रिकेट गॉड एवरीवन एनर्जी मेंटेन करिए दो घंटे का टाइम है खाइए पीजिए मौज करिए फिर वापस आ जाइए